नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एस के त्रिपाठी, जो हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करूंगा। और साथ ही दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पेड ग्रुप्स चल रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए, जो स्टेट पीसीएस है और सेंट्रल के लिए भी, मतलब यूपीएससी के लिए भी चल रहे हैं, तो आप उनकी डिटेल्स नीचे दिए गए नंबर से प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। ये दो नंबर हैं 9696066089, 8564880530। साथ ही दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल निःशुल्क परीक्षोपयोगी जो मटेरियल है ना, पाठ्य सामग्री है, वो आपको उपलब्ध कराई जाती है, तो आप उसका भी लाभ अर्जित कर सकते हैं उसे ज्वाइन करके। तो आइए हम अपनी सीरीज कंटिन्यू करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9th के एनसीईआरटी का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 9th के एनसीईआरटी का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, मतलब जो इसकी स्थिति है वो नदन हेमिस्फीयर में, मतलब इंडिया लाइंग इन नदन हेमिस्फीयर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है लास्ट क्लासेस में कि अपन अगर अक्षांशों की दृष्टि से, ठीक है, अगर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कैसा देखेंगे, नदन और आपका सदर्न हेमिस्फीयर। और अगर आप वो जो आइडियल वगैरह आपको याद होगा ग्रीनविच टाइम जो लंदन के पास है, तो वहां से अगर हम देखें तो जो अपन ईस्ट और वेस्ट, मतलब देशांतर के आधार पे, लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे अगर हम डिवाइड करेंगे अपने ग्लोब को, पूरी पृथ्वी को, तो वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर वैसे काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें वही लिखा हुआ है कि नदन हेमिस्फीयर में हमारा जो भारत है उसकी अवस्थिति है। बिल्कुल सही बात है जो पहला स्टेटमेंट है आपका। दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका कि मुख्य भाग जो है भारत का, देखिए मुख्य भाग जो होता है, जैसे आप मैप देखते होंगे इंडिया का, तो उसमें जैसे आपने देखा तो ये जो वाला पार्ट है ये मुख्य भूमि होता है, और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आइलैंड वाला है ना, मतलब ये अंडमान वाला पार्ट हो गया, और ये आपका लक्षद्वीप वाला, अरेबियन सी और आपका बंगाल की खाड़ी वाला एरिया, उसको मिला देते तो फिर बोलते हैं कि पूरा हो गया। तो मेन लैंड की जो लैटिट्यूडनल और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसके बारे में ये स्टेटमेंट है, बोला जा रहा है कि जो मुख्य भाग है उसका विस्तार जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके उत्तर से, मतलब 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर, मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि जो इसका एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 मिनट जो आपका लैटिट्यूड में जो विस्तार है ना, तो नदन की तरफ ही जा रहे हैं तो उत्तरी अक्षांश। और जो देशांतर में देखेंगे अगर, तो हमारा क्या है कि पूर्व में है ना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या हो जाएगा उसका एक्सटेंट जो है आपका ये गुजरात वाले पार्ट से लेके जो आपका ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है आपका कहाँ, अरुणाचल में है ना, तो ये आपका क्या हो गया, देशांतरी विस्तार हो गया है ना, जो आप सुनते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है वो भी सही है आपका, है ना। और जो तीसरा जो स्टेटमेंट है आपका कि कर्क रेखा जो है, जो अपना अपन ने पढ़ा था ना, जो ग्लोब में होता है अपना नदन साइड में जो 23.5 डिग्री है ना, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, 23.5 डिग्री मतलब लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वो दक्षिण में भारत को दो बराबर भागों में बांटती, भैया दक्षिण में भारत को बांटने वाली बात नहीं है, ये तो कर्क रेखा यहां से जा ही रही, तो दक्षिण वक्षिण क्या, वो तो भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती, उसी कारण से हमारे यहां जो क्लाइमेट आप वेरिएशन देखते हैं, है ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस भी करेंगे। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो बस आपका गलत है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि गलत ही चुनना था, इनकरेक्ट हमको बताना था कि कौन सा है, तो ओनली थ्री, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन है भारत के आकार के संदर्भ में, है ना, जो इंडिया का साइज है जो आप मैप देखते हैं तो उसमें, उसके संदर्भ में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हमको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो लैंड मास है इंडिया का, ठीक है, मतलब उसका जो एरिया है हमारा वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, जो पहला आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है कि जो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.7% है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो डेटा है वो 2.4 है, और यही स्टेटमेंट आपका गलत होगा। ठीक है, एक्यूरेट अगर देखें वर्ल्ड से कंपैरिजन करें हम भारत के क्षेत्रफल का, तो वो 2.4% है। ठीक है, और लगभग 17.5% से 17.5% पॉपुलेशन वर्ल्ड की हमारे यहाँ निवास करती है, या ये डेटा आपको पता होगा, सेंसस वगैरह पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है, 2.4 होना चाहिए था, है ना, मतलब इंडिया का जो टोटल एरिया है अकाउंट फॉर अबाउट 2.7% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। और जो थर्ड स्टेटमेंट है कि विश्व का सातवां बड़ा देश है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य कथन बताना था अपने को कौन सा है। ठीक है, तो जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है वो बस गलत है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ओनली टू, क्योंकि गलत पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहला स्टेटमेंट है हमारा कि इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, मतलब अगर स्थल सीमा रेखा की बात करें भारत की तो वो 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक बात है ये। दूसरा ये कि भारत के मुख्य भाग की जो तट रेखा है वो आपकी 7,716.6 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, जो भारत की मुख्य भूमि की अगर बात करें और उसके तटीय भाग की, मुख्य भूमि आपकी ये हो गया, और ये जो तटीय भाग की बात करें इसकी जो लंबाई की अगर बात करें तो ये 6,100 किलोमीटर है। और फिर इसी में जब आप ये लक्षद्वीप वाला और ये अंडमान वाला जब क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, उसकी भी मतलब तटरेखा को आप जोड़ेंगे, तब दोनों को मिला के, मतलब अंडमान निकोबार वाला जो तटीय क्षेत्र है और जो लक्षद्वीप समूह वाला, जब उसको मिला देंगे तब वो टोटल जो आपकी लंबाई होगी वो 7,716.6 किलोमीटर होगी, ठीक है ना। तो ये आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि भारत के दक्षिण का जो भूभाग है उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वहां से हिंद महासागर की तरफ सकरा होता गया है, वो इसकी बात कर रहे हैं ना, ऐसे चौड़ा है फिर नीचे जाते जाते सकरा होता जा रहा है, तो वही बात कर रहे हैं वो, 22 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसके बाद, तो यहां से लगभग बीचों बीच से निकल रही 23.5 डिग्री, उसी हिसाब से आप वहां पर अंदाजा लगाइए, ठीक है ना। तो आप नीचे की तरफ देखेंगे वही लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, मैप से देखिएगा, बिल्कुल सही है तीसरा स्टेटमेंट और सही ही पूछा था, तो जो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, जो कि सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला ये, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये इंडिया है आपका, ये नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं, हिमालय की, हिमालय क्या है आपका, यंग फोल्ड माउंटेन है, वही बात कर रहे हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, मतलब ये हिमालय के जिस तरीके से हिमालय का आप विस्तार देखते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है जो पहला स्टेटमेंट है आपका, ठीक है, कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में आपके बंगाल की खाड़ी अवस्थित है, आप देख लीजिए इनकी बात कर रहे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सीधे हैं और बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन था, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बोथ हो जाएगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है इंग्लिश में वो लिखा है कि ऑन इट्स वेस्ट, मतलब इंडिया के वेस्ट में लाई कर रहा है क्या, अरेबियन सी, एंड ऑन इट्स ईस्ट इज बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें भी स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है इसमें आपका, इसमें लिखा हुआ है कि द टाइम लैग बिटवीन गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश इज ऑफ 2 आवर्स, ठीक है, मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के संबंध में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है ना। आप देखिए देशांतरी विस्तार कितना है हमारे यहाँ, 68, ठीक है, डिग्री से, मतलब 7 मिनट भी है और तो 97 तक है ना, 2.5 तक, तो लगभग 30 डिग्री का है अंतर, और 1 घंटे में कितना, मतलब कितने डिग्री का फर्क पड़ता है जो हम देखते हैं वो आपका लॉन्गिट्यूडनल में जब अपन टाइम काउंट करते हैं, मैंने शुरुआती ही लेक्चर में बताया ही आपके 6 की NCERT में ही कि 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है, इसीलिए 2 घंटे का लगभग अंतर होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा जो है कि 82.5 डिग्री, जो 82 डिग्री एंड 30 मिनट यहाँ लिखा गया है, ये जो लॉन्गिट्यूड है ये क्या है, भारत का जो वो मानक समय रेखा है भारत की, कहां से पास होती है, वो मिर्जापुर से पास होती है, उत्तर प्रदेश से, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट है आपका, ठीक है, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट पिक किया हुआ फैक्ट है। और जो थर्ड है आपका सी स्टेट में दिया गया स्टेटमेंट है कि भारत की जो अक्षांशी और देशांतरी जो विस्तार है वो लगभग आपका कितना है, 30 डिग्री है। उधर भी आप देखेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, तो वो भी लगभग आपका कितना है, 30 डिग्री का फर्क है, इसीलिए 2 घंटे का फर्क लॉन्गिट्यूड में आता है, लैटिट्यूड का तो फर्क नहीं पड़ेगा ना समय के हिसाब से, ठीक है, वो अपन पढ़ चुके हैं। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि फिर भी उत्तर दक्षिण का विस्तार पूर्व पश्चिम के जो विस्तार की अपेक्षा कम है, ये कैसे हो सकता है भाई। आप नॉर्मली देखिए, जो अगर आप मैप देखेंगे कि कैसे आपका ये जो एक्सटेंट है वो कम है, ठीक है, ये जो एक्सटेंट है ये आपका
मतलब ज्यादा हो सकता है और ये कम हो सकता है। तो ये आपका उल्टा दिया गया है कि उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है पूर्व पश्चिम की विस्तार की अपेक्षा कम है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि अक्षांशी जो सीमा है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि को प्रभावित करती है। दिन और रात की अवधि को क्यों? क्योंकि हाइट पे जाने पे तो करेगी ना, अपन ने शुरू में ही डिस्कस किया है कि भैया हाइट पे जाएंगे तो वहां सनरेज का फर्क पड़ेगा, तो दिन और रात की अवधि का फर्क पड़ता है। आप ऐसे ले लीजिए, उसको पूरे ग्लोब के आधार पे भी देखेंगे ना, तो आप देखते जाएंगे, अपन देखते हैं ना कि 0 डिग्री से जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो वही हाइट की बात कर रहे हैं, उसको वैसा आप उससे कनेक्ट करिए। फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक है। और जो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि अगर अपन इंडिया की ईस्ट टू वेस्ट अगर अपन लेंथ देखे, चौड़ाई देखे, तो वो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। और अगर अपन क्या देखें, नॉर्थ टू साउथ देखें अपना, तो 3214 3214 किलोमीटर लगभग लंबाई है, ठीक है। इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि उन कारणों को बताइए जिसकी वजह से जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर का नाम जो है, अकेला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है ना, वो भी भारत के नाम पे, तो आखिर ऐसे क्या कारण थे, उनको उसमें से हमको रिकॉग्नाइज करना है। तो पहला जो है आपका कि लोकेटेड ऑलमोस्ट इन मिडिल ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, मतलब एशिया महाद्वीप के लगभग मध्य में इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, बिल्कुल ठीक बात है, जो पहला स्टेटमेंट है आपका, ठीक है, आप वर्ल्ड मैप में बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे इसको। दूसरा जो है आपका कि एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी विस्तार है एवं हिंद महासागर में जो यूरोपीय देश और जो पूर्वी एशियाई देशों को मिलाने के कारण केंद्रीय अवस्थिति, आप देखिए इंडियन मतलब इंडियन ओशन रीजन को लेके सारे के सारे जो वर्ल्ड पावर हैं वो हमेशा कंसर्न रहते हैं आईआर में, आप पढ़ते होंगे, क्यों? क्योंकि उसकी वो केंद्रीय अवस्थिति है, चाहे आप वेस्ट की तरफ देख लें चाहे आप ईस्ट की तरफ देख लें, तो वो एक तरीके से क्या है, मीटिंग पॉइंट है, वही सेंट्रल पॉइंट है, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में कि द साउथ वर्ल्ड जो आपका एक्सपेंशन है ऑफ एशियन कंटिनेंट, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, मतलब वही है सेंट्रल उसकी अवस्थिति है, ठीक है ना, तो बहुत ही महत्व का वो क्या है, एरिया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा ये कि हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसा ना होना, मतलब नो अदर कंट्री हैज अ दैट टाइप ऑफ कोस्ट लाइन, ऐसी लंबी जो तटीय रेखा है, लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज, ठीक है, तो तीनों के तीनों आपके स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑल हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही ही कथन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर का, इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो पहला ये कि जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की वो 7 कंट्रीज को टच करती है विद द इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, तो बिल्कुल जो पहला स्टेटमेंट है कि 7 देशों की सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है, तो बिल्कुल ठीक है, जो आप सुनते भी होंगे कि BC PN और MBA, ठीक है ना, लंबाई के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, BC PN और आपका MBA, मतलब ये आपका बांग्लादेश है, चाइना है, ठीक है, फिर पाकिस्तान है, नेपाल है, फिर म्यांमार है, फिर भूटान है, फिर अफगानिस्तान है, बांग्लादेश से लगभग 4096 किलोमीटर है, ठीक है, और आपका अफगानिस्तान से सबसे कम है, तो ये डेटा आप देख लीजिएगा। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, तो देखिए आप है ना नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उत्तर की बात करें अगर अपन, ठीक है, उत्तर की बात करें अगर, तो चीन है, नेपाल है, भूटान है, आप देख रहे हैं चाइना ये है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, तो ये बिल्कुल ठीक है। पूर्व की बात करें अगर अपन, है ना, जो आप नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट देखते हैं ये पूरा, तो इधर पूर्व की बात करें तो आपका ये म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है, तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें ये बताना है कि कौन सा असंगत है, मतलब जो इनकरेक्टली मैच्ड है उसके बारे में हमको बताना है। तो जो पहला लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा गया है कि माहे जो है, आप सुनते होंगे ना माहे यानम और कराईकाल, ये पुडुचेरी जो है वो तीन जो आपके एरिया है, जो रीजन है ना, जो प्रदेश है वहां पर उसका विस्तार है और उसी के बारे में दिया गया है। जो पुडुचेरी अपनी क्या है, यूटी है ना, ठीक है, पुडुचेरी पढ़ते होंगे ना, वहां तो मतलब विधानसभा भी है, दिल्ली पुडुचेरी दोनों का तो स्पेशली पढ़ते होंगे आप, तो वो जो है तीन पार्ट में डिवाइड है, माहे यानम और करिकाल, तो उसके सामने लिखा है माहे के सामने तमिलनाडु, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि माहे जो है आपका केरला में है, ठीक है, यानम के सामने लिखा है केरल, यानम जो है आपका वो आंध्र प्रदेश में है, और जो कराईकाल लिखा है ना जो आपका आंध्र प्रदेश, वो भी गलत है, वो आपका तमिलनाडु में है, तो तीनों के तीनों असंगत हैं आपके, ठीक है, मैंने बता दिया कि जो आपका माहे है वो आपका केरला में है और यानम आंध्र
प्रदेश में, कराईकल आपका तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंगत चुनना था तो तीनों के तीनों असंगत है भैया, तो ऑल आंसर हो गया, इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से जो कौन से राज्य हैं उनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है और ना समुद्री सीमा को, है ना, मतलब लैंड लॉक्ड समझ लीजिए, ठीक है उनको, ठीक है चारों तरफ से वो किसी भी, मतलब ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं ना समुद्री सीमा को छूते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे मतलब ऐसे स्टेट्स के बारे में हमको नीचे से रिकॉग्नाइज करना है। तो पहला ये कि हरियाणा है, दूसरा झारखंड, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हिमाचल, और पाँचवा तेलंगाना, और छठवा जो है आपका वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे कि जो हरियाणा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बढ़ गया, तो आंध्र प्रदेश वाला तो आपका तटीय क्षेत्र से, लेकिन ये जो है तेलंगाना जो है वो किसी से भी नहीं है, वो लैंडलॉक में आ गया, ठीक है। और छत्तीसगढ़ हो गई, हिमाचल प्रदेश जो है, जो इसकी बाउंड्री है आपकी, वो चाइना से लगती है, इसलिए सिर्फ इसको एलिमिनेट आप कर देंगे, तो फिफ्थ को आप एलिमिनेट कर देंगे, तो वैसे भी आंसर मिल जाता आपको जो कि इसमें दिया गया है, ठीक है। मतलब फिफ्थ को एलिमिनेट नहीं, तेलंगाना तो होगा, ये फोर्थ में है हिमाचल प्रदेश, ये याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश मैंने बता दिया आपको कि हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो लग रही है आपकी चाइना से, आप इसको एलिमिनेट कर दिए, तो 1, 2, 3 और आपका 5, 6 होगा आंसर, जो कि ए ऑप्शन में है। इसका आंसर आपका 1, 2, 3, 5, 6 होगा। सिंपल मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आप देख जाइए, ये इसीलिए यहां से फ्रेम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का, और इसमें भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, गलत कथन के बारे में हमको बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि जो त्रिपुरा है राज्य, उसकी जो सीमा है तीनों ओर से एक ही देश से, मतलब एक ही देश की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा उससे स्पर्श करती है, मतलब द बाउंड्री ऑफ त्रिपुरा स्टेट टचेज द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ अ सिंगल कंट्री फॉर 3 sides, ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक है ये, है ना, आपको पता है ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। दूसरा ये कि सिक्किम की जो सीमा है तीन तरफ से, तीन अलग अलग देशों से, आप देखेंगे जो सिक्किम को तो नॉर्थ में देखेंगे आप सिक्किम को तो वो चाइना से, और अगर ईस्ट में देखेंगे आप उसके तो भूटान, और वेस्ट में देखेंगे आप तो उसके नेपाल की बाउंड्री से उसकी बाउंड्री टच होती है, तो बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा जो है कि म्यांमार और बांग्लादेश की जो सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है वो मणिपुर है, ठीक है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट देखेंगे आप देखेंगे कि जो म्यांमार है और बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो मणिपुर कहां से होगा, वो मणिपुर हो ही नहीं सकता, वो मिजोरम है आपका, ठीक है। तो उसका जो ये थर्ड स्टेटमेंट है वही गलत है आपको, ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें गलत ही बताना था, तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इसका गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th नंबर का है, और इसमें भी आपको ये बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है उसमें लिखा गया है कि अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो तीन राष्ट्रों की सीमा को स्पर्श करती है, जो पहला आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। और दूसरा जो है कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो भी तीन देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरा जो है आपका कि असम की सीमा दो राष्ट्रों की सीमा को क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक है। और जो फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट इसमें दिया गया है कि त्रिपुरा की सीमा भी दो राष्ट्रों की सीमा को स्पर्श करती है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में ही आपने देखा कि जो त्रिपुरा है वो तीनों तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट ही इसका गलत है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे भी जैसे आप डेटा पढ़ते होंगे, जैसे अगर सीमावर्ती देशों की बात करें, जो मैंने आपको बताया कि BCPN और MBA, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि बांग्लादेश से मतलब अगर स्पर्श करने वाले इंडियन स्टेट्स की बात करें तो वो कौन कौन सी है, भाई वेस्ट बंगाल तो सबसे ज़्यादा हो गया, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो गया, मेघालय हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, फिर मिजोरम हो गया, मतलब 5 राज्य लग रहे हैं किससे, बांग्लादेश से, ठीक है। और चाइना से भी आपके 5 लग रहे हैं, लेकिन चाइना से कौन कौन से लग रहे हैं आपके, JNK, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, ठीक है, उत्तराखंड हो गया आपका, सिक्किम हो गया आपका, और आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, अक्साई चीन वगैरह का जो आप मुद्दा देखते हैं। उसके बाद अगर BC आ गया आपका, अब PN MBA की बात करें अगर अपन, तो उसमें क्या आएगा आपका, तो उसमें आएगा आपका क्या, अगर पाकिस्तान से बात करें तो गुजरात हो गया आपका, ठीक है, जो आपका गुजरात हो गया, और उसके बाद राजस्थान हो गया, उसके बाद आपका पंजाब हो गया, फिर आपका JNK हो गया, मतलब 4 राज्य, ठीक है। उसके बाद अगर अपन नेपाल से देखें, तो नेपाल से अगर देखेंगे तो वो आपका 5 राज्यों से है, जैसे UP है आपका, बिहार है आपका, और उत्तराखंड हो जाएगा आपका, वेस्ट बंगाल हो जाएगा आपका, और सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर म्यांमार देखें अपन, ठीक है, तो वो 4 राज्यों से है, म्यांमार किससे है, 4 स्टेट्स में से है, और उसमें स्टेट्स कौन कौन से आ जाएंगे आपके,
देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ऊपर में से ही आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट देखेंगे तो फिर नागालैंड आ जाएगा, फिर मिजोरम आ जाएगा और मणिपुर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो चार राज्य हैं वो ये हो जाएंगे म्यांमार को टच करने वाले। भूटान की बात करें अपन तो असम आ जाएगा, उसमें सिक्किम आ जाएगा आपका, वेस्ट बंगाल आ जाएगा आपका और अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अफगानिस्तान से जो सबसे कम सीमा लगती है, लगभग जो 106 किलोमीटर की बाउंड्री, तो वो JNK सिर्फ सिंगल है जिसको इसकी बाउंड्री टच करती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ईस्ट वेस्ट वाले जो पॉइंट्स है वो आपको पता ही होगा कि जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट होता है, जो नदन में अगर नॉर्थ साइड में देखें सबसे मतलब उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो इंदिरा कॉल है जो JNK है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुहार मोती जो आपका गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु की बात करें अगर तो किबिधु जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, और अगर मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा की बात करें तो कन्याकुमारी तमिलनाडु है। मैंने ये आपको फिजियोग्राफी में कुछ डेटा जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, आपके सामने लाएंगे 12th नंबर का क्वेश्चन है हमारा ये, और इसमें क्या है कि स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और फिर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो पहला ये कि भारत के समुद्र पार जो दो प्रमुख द्वीप समूह हैं वो क्या है, श्रीलंका और मालदीव हैं, जो आपका पहला स्टेटमेंट है कि जो इंडियन नेबर मतलब जो ये समुद्र पार लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ठीक है ये समुद्र पार का मतलब आप वैसे समझ लीजिए कि जो मतलब अपने क्या सी लाइन वाले जो पड़ोसी जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, तो उसमें आपका श्रीलंका और मालदीव आप देख पा रहे होंगे, पाक स्टेट और ये श्रीलंका वाला, और ये आप लक्षद्वीप के इधर जो आप देखेंगे वो आपका क्या है, मालदीव वाला पार्ट है। तो ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट जो है। दूसरा जो है कि पाक स्टेट इज़ सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, बिल्कुल सही बात है, वो पम्बनदीव रामेश्वरम वाला जो आप देखते होंगे, है ना, तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। तीसरा ये कि मालदीव जो है लक्षद्वीप समूह के उत्तर में स्थित द्वीपीय राष्ट्र है, मतलब मालदीव जो है आइलैंड आर सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, नहीं भैया ये लक्षद्वीप है तो उसके उत्तर में थोड़ी, ये इसके दक्षिण में है। तो तीसरा ही स्टेटमेंट आपका गलत है और असत्य ही बताना था, तो ओनली थ्री, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो कन्याकुमारी और जो कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट क्लासेस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, कि क्या डिफरेंस मतलब क्या ऐसा फैक्टर है जो डिफरेंस क्रिएट करता है टाइम में, ड्यूरेशन में, दिन और रात में। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच में जो टाइम डिफरेंस मतलब डे और नाइट के ड्यूरेशन में जो डिफरेंस आता है, टाइम मत समझिएगा उसको, समयकाल मतलब दिन और रात की अवधि से बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें जो फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में बताना है। तो पहला ये कि डिफरेंस इन द हाइट फ्रॉम द सी लेवल, है ना, सी लेवल समुद्र तल से ही मापी जाती है ना कि ये हाइट कितनी है, तो पहला जो है आपका वो ये स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा यह है कि समुद्र तट से दूरी के कारण, मतलब अगर भैया इससे क्या लेना देना है आपका, समुद्र तट से दूरी है कि नहीं, नहीं इससे तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्लाइमेट पे वो तो बात अलग होती है, कॉन्टिनेंटेलिटी और लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वो नहीं है, दोनों आप स्टेटमेंट जो है पहला और दूसरा वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा यह कि अक्षांशी विस्तार, आप ध्यान से देखिए, और जो फोर्थ है वो आपका देशांतरी विस्तार लिखा हुआ है। दिन रात की अवधि में जो फर्क पड़ता है वो तो लैटिट्यूडनल है ना, मैंने बताया था आपको कि जैसे ही 0 डिग्री से 23 डिग्री तक ऊपर नीचे आप देखेंगे तो यहां सालों भर परपेंडिकुलर, फिर जैसे ऊपर, तो हाइट का ही तो फर्क पड़ रहा है ना दिन और रात की अवधि में। तो ये जो है आपका वो सी दिया गया है कि डिफरेंस इन लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट होता है, यही इसका आंसर होगा, जो सबसे प्रमुख कारण है वही प्रमुख कारण है। तो तीसरा ही आंसर होगा इसका, चौथा लॉन्गिट्यूडनल दिया है वो तो टाइम से रिलेट करता है, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो अपने भारत के कितने स्टेट से होकर जाती है, 8 स्टेट से, तो वो 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना, 8 स्टेट से जाती है, ये क्वेश्चन ये है कि कहां कहां से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है ना, टोटल आपको पता होगा 8 स्टेट से जाती है, इसमें से ये बताना है कहां कहां से होकर नहीं गुजरती। तो गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, ठीक है, उसके बाद आपका लिखा हुआ है उड़ीसा लिखा हुआ है, उड़ीसा से तो नहीं जाती भैया, आप देखिए मैप में भी अगर अपन देखेंगे तो कैसे कि राजस्थान से जाएगी, ठीक है, मतलब गुजरात से जाएगी, राजस्थान से जाएगी, फिर MP आ जाएगा, फिर उसके बाद CG में जाएगी, फिर झारखंड जाएगी, फिर वेस्ट बंगाल जाएगी, और वेस्ट बंगाल के साथ सीधे फिर त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, तो यहाँ पर उड़ीसा से नहीं जाती है, आप उड़ीसा जो है उसको कट कर दीजिए, बाकी गुजरात है, राजस्थान है, मणिपुर है, झारखंड है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, आप छत्तीसगढ़ और जोड़ लेंगे इसमें, ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ से होकर जाती है और वेस्ट बंगाल से होकर जाती है, तो उस तरीके से 8 राज्य होंगे, तो आप सिर्फ इसमें से उड़ीसा को एलिमिनेट कर दीजिए, थर्ड जो ऑप्शन है, और इसमें क्या है कि टाइपिंग स्टेक है जिसमें सारे के सारे में थर्ड दिया गया है, जो पहला आपका इसमें जो ऑप्शन है आपका, ठीक है,
लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, पूछ क्या रहे हैं ये कि कहाँ से होकर नहीं गुजरती। तो आपको पता है गुजरात से जाएगी, राजस्थान से जाएगी, उड़ीसा से नहीं जाएगी, मणिपुर से नहीं जाएगी, झारखंड से जाएगी, त्रिपुरा से जाएगी, मिजोरम से जाएगी। आठ राज्य अपन ने डिस्कस कर लिया, तो उड़ीसा और जो मणिपुर है वहां से नहीं जाएगी, थर्ड और फोर्थ से होकर नहीं गुजरती, तो बी है। आप सभी को याद भी होगा ये, और बिल्कुल रट जाइएगा इसको कि गुजरात है, देन आपका राजस्थान है, देन आपका एमपी है, और उसके बाद फिर आपका झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल जाएगी, और वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम से होकर जाती है, आठ राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा क्वेश्चन फ्रेम करने का मेन जो रीजन था वो ये था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो 15th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि जो हमारी लॉन्गिट्यूड है, जो जिस लॉन्गिट्यूड को हमने अपना मानक समय बनाया है भारत ने, 82 डिग्री और जो 30 मिनट है आपका, वो किन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है, कहाँ कहाँ से नहीं गुजरता है, ठीक है। तो पहला लिखा है 82 डिग्री और जो 30 मिनट है आपका, वो ईस्टर्न है आपका लॉन्गिट्यूड, आपको पता है यूपी से जाती है, एमपी से जाती है आपकी, और एमपी के बाद फिर छत्तीसगढ़ जाएगी, छत्तीसगढ़ के बाद फिर आंध्र प्रदेश है आपका, और आंध्र प्रदेश के पहले आपका उड़ीसा से होकर जाती है, उसके बाद फिर वो आपका सी लाइन में दिखाई देगा आपको, सी वाले एरिया में। तो जो तेलंगाना है वहाँ से होकर नहीं जाती है, और तमिलनाडु से भी होकर नहीं जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पांच राज्यों से जो होकर गुजर रही है हमारी मानक जो रेखा है, जो 82.5 डिग्री रेखा है हमारी पूर्वी देशांतर, वो यूपी, ठीक है, फिर एमपी, फिर आपका सीजी छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये पांच राज्यों से होकर जाती है, और इसमें क्या लिखा गया है कि तेलंगाना भी लिखा गया है इसमें, ठीक है। तो तेलंगाना को आप एलिमिनेट कर दीजिए, और आप यहाँ पर तमिलनाडु को कर दीजिए, बाकी जो पांच स्टेट्स बचे हैं वो आपके होंगे, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं गुजरता है। तो 4 और 7 मतलब आपका कहाँ कहाँ से, तेलंगाना से, और वहाँ से नहीं गुजर रहा है, कहाँ से, जो तमिलनाडु है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और ये फिजियोग्राफी से, मतलब जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, वो वाला चैप्टर है, उसमें 16th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है कि प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है, उसके अनुसार जो पृथ्वी की परपटी है, भूपरपटी है, वो 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनकर, मतलब निर्मित हुई है। अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, द क्रस्ट जो है ना, जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना, ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, ठीक है ना। जो प्लेट्स के बारे में आप लोग सुनते होंगे, पैसिफिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, यही सब है, नज़का जो हो गई आपकी स्मॉल प्लेट्स में आ गई है ना, तो उसी की बात कर रहे हैं ये। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने भी हम स्थलाकृतियाँ देखते हैं, उनके जो डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ऑथेंटिक थ्योरी मानी जाती है प्लेट टेक्टोनिक, उसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भी 11th की, जब अपन फिजिकल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा जो है कि प्लेटों की गति के कारण वलन भी होता है, भ्रंशीकरण भी होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती है, बिल्कुल सही बात है। इंडोजेनिक जो है आपका, वो सारी जो क्रियाएं हैं, जो हलचल है, वो क्यों हो रही है, उन्हीं के कारण हो रही है भैया। नीचे आपको पता है कि जो आपका कन्वेक्शनल करंट वाला, आर्थर होम्स वाला, उसी के कारण क्या है कि एनर्जी बाहर निकलने की कोशिश करती है और मूवमेंट होता है ना। तो कन्वर्जेंट जोन, डाइवर्जेंट जोन, ट्रांसफॉर्म जोन आपने पढ़ा होगा, वही सब यहां पर लिखा है। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो भी आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट है आपका, उसमें लिखा है कि जो अपक्षय है, अपरदन है, जो निक्षेपण है, वो प्लेटों की गति के कारण होता है। देखिए दूसरे वाले जो स्टेटमेंट में इंग्लिश में लिखा हुआ था कि द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट्स इन फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज, तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि जो द एक्टिविटीज ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ प्लेट, ठीक है ना। तो देखिए अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की बात करें, तो पहली चीज़ तो ये कि जो दो चीज़ें अपन ने पढ़ी थी कि जो भैया पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करें, इनर पार्ट की, तो वहाँ क्या होता है, इंडोजेनिक फोर्स होता है, बाहर क्या, एक्सोजेनिक होता है। तो भैया ये अपरदन, अपक्षय और निक्षेपण आपको दिखाई देता है, बाहर होता है ना, इसमें तो जैसे विंड है, एयर है, रेनफॉल है, ये सब इसके क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, ठीक है। फिर कहीं डिपोजिशनल फीचर, तो उसकी बात करें तो ये एक्सोजेनिक हो गया, तो ये प्लेटों की गति के कारण नहीं होता है। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, बाकी ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और इसमें सत्य ही बताना था। तो 1 और 2 आपका हो जाएगा आंसर इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 17th नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें से हमको असत्य कथन के बारे में बताना है। पहला जो है आपका इसमें से कथन कि जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो अभिसारित सीमा का निर्माण करती हैं, ठीक है। मतलब जब दो प्लेट्स होती हैं, कम टूवर्ड्स ईच अदर, दे फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री, बिल्कुल सही बात है। जब दो, मतलब सेम डायरेक्शन पर फोर्स लग रहा हो, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री कहलाती है अगर आपकी, और अगर दूर जा रही हो तो डाइवर्जेंट बोलते हैं, जिसको अपसार बोलते हैं, फैलना, अपसारी, और पास आना अब जो है अभिसारी, अभिसारी, ठीक है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, अगर दो प्लेट्स का जो मूवमेंट है वो उनके
एक दूसरे की तरफ हो रहा हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तभी तो कोलाइड होगा उनके बीच में, ठीक है। दूसरा जो है कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो कायांतरित कहलाती हैं, है ना। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसको हिंदी में संरक्षी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, वो एक दूसरे से मतलब ऐसे ऐसे चलती रहती, पैरेलल चलती रहेंगी, तो किसी तरीके का कोलिजन वगैरह नहीं होता। तो व्हेन टू प्लेट्स गेट्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर दे फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। देखिए लिखा उल्टा है, तीन मूवमेंट हो गई, एक तो जब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे उसको कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूर जा रहे हैं तो डाइवर्जेंट बोल देंगे, और दोनों अगर पैरेलल सरक रहे हैं दोनों तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जो कंजर्व मतलब उसको संरक्षी सीमा भी बोला जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म जो बाउंड मतलब ट्रांसफॉर्म जो उसकी क्या है, मूवमेंट है, बाउंड्री है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो दिया गया गलत है, क्योंकि जब दूर जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको कि उसको अपसारी सीमा बोलते हैं, मतलब डाइवर्जेंट जोन बोलते हैं, तो दूसरा गलत हो गया आपका। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि अगर क्षैतिज दिशा में गति करते हैं, दरअसल ये क्या है कि एक तरीके से पैरेलल समझिए आप उसको, ठीक है वो, और ये डेफिनेशन दे रहा है सेकंड वाले की, उल्टा लिखा गया है। दूसरे वाले में किसको लिखना चाहिए था, उसको अपसारी डाइवर्जेंट को, तो लिख दिया ट्रांसफॉर्म में। तीसरे वाले में अपसारी बता रहा है और लिख क्या रहा है कि भैया ये एक दूसरे के साथ गति करती है, ठीक है। तो तीसरा और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका उल्टा लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि सही पूछ रहा था कि गलत पूछ रहा है, इसमें गलत पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला बस सही है, बाकी जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 और 3, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए तीन ही मूवमेंट होते हैं, याद रखिएगा, अगर दो प्लेटों का जो मूवमेंट है, जैसे ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आप सुनते हैं, तो अब दो प्लेट हैं, अगर दोनों के बीच में से अगर जो फोर्स लग रहा है वो जो प्लेटों के बीच में अगर, तो वो एक ही तरफ लग रहा है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल क्षैतिज दिशा में ऐसा लग रहा है एक दूसरे की ओर, तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट, मतलब क्या हो गया आपका अभिसारी। अगर दूर जा रहे हैं तो उनको डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो रहे हैं ना, दूर जा रहे हैं तो डाइवर्जेंट बोला जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे, अपसारी, फैलने वाला। और अगर पैरेलल चल रहे हैं, दोनों के बीच में किसी तरीके का कोलिजन नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, संरक्षी सीमा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और आंसर इसका गलत इसलिए क्योंकि सेकंड और थर्ड जो है दोनों स्टेटमेंट उल्टे लिखे गए हैं, तो सी आंसर 2 और 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि महाद्वीपों की जो वर्तमान स्थिति है और उसके आकार का जो निर्माण है प्लेटों की गति के कारण हुआ। सही बात है, सारी की सारी चीजें प्लेट के मूवमेंट से ही रिलेटेड है। आप देखिए पूरा डेवलपमेंट देखते होंगे, पहले बिग बैंग थ्योरी आई उससे, ठीक है, उसके बाद फिर आपका अल्फ्रेड वैगनर आएंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आएगी, फिर उसके बाद आपका 1928 में आर्थर होम्स वाला आएगा कन्वेक्शनल करंट, फिर 1940 के बाद आपको पता चलेगा कि भैया आपके तो सागरों के नीचे भी बहुत ज्यादा विविधता है उच्चावच में, रिलीफ में, ठीक है, जब पनडुब्बियों वगैरह का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब दौर चलेगा, उसके बाद 1967 में आते आते प्लेट टेक्टोनिक इन सब को एक्यूमुलेट करके एक थ्योरी दे देगी, और उसी से पता चलेगा कि पूरे विश्व में जो पूरे लैंडफॉर्म्स हों, पर्वत हो, पहाड़ हो, इनकी जो सबकी मतलब बनावट है, रचना है, वो कैसे हुई है। तो वही उसका बेस है, वही लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि पहला जो स्टेटमेंट है, प्रेजेंट पोजिशन एंड शेप ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म बाय मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका इसमें से, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है कि विश्व के जो अधिकांश ज्वालामुखी और जो भूकंप संभावित क्षेत्र है प्लेटों के मध्य भाग में, नहीं भैया बिल्कुल किनारे होते हैं, आप पैसिफिक रिंग ऑफ ओशियन वगैरह देखते होंगे, ठीक है, तो एंडीज वगैरह में आपने देखा वो बहुत भयंकर वाले आप वो क्या कहते हैं भूकंप आते हैं वहाँ पर। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ वर्ल्ड्स पॉसिबल वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक रीजन आर सिचुएटेड ऑन मिडिल ऑफ दीज प्लेट्स, नहीं भैया ये जो होती है किनारे, मतलब जो अगर प्लेट है, मान लीजिए कोई प्लेट है तो प्लेट के किनारे में है ना, क्योंकि वहीं जाके फिर वो मूवमेंट होती है, ठीक है ना, डाइवर्जेंट बाउंड्री के किनारे जाके सबडक्शन वगैरह, तो वो किनारे की बात है, ठीक है, वो बीच की बात नहीं है प्लेट की, मिडिल वाले पार्ट की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, और जो सत्य इसमें से हमको कथन बताना था, तो पहला जो स्टेटमेंट है वही केवल सही है, ओनली वन इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व के जितने भी पूरे वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे, ठीक है, लैटिन अमेरिका से लेके अफ्रीका से लेके या इंडिया वाला पूरा देखेंगे आप, तो पूरा का पूरा आप देखेंगे वहाँ डॉट डॉट जो बना रहता है किनारे किनारे प्लेट के जो मार्जिन्स पे, है ना, तो वही जो एरिया है जो आप अग्नि वाले प्रशांत महासागर का पढ़ते हैं, तो उसी के बारे में है ये। तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है ये, ठीक है, ये किनारे पे होता है प्लेट्स के, ठीक है, जो किनारों पे अवस्थित क्षेत्र हैं वहाँ के, ना कि मध्य में, ठीक है। मध्य में तो आप मिड ओशियनिक रिज देखते हैं, देखिए मिडिल वाले पार्ट में क्या होता है कि जैसे आप मिड ओशियनिक रिज देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है कि भैया डाइवर्जेंट फोर्स लग रहा है, यहाँ से निकली और प्लेट्स का मूवमेंट ऐसा गया यहाँ गया, अब ये किनारे जाके जब कॉन्टिनेंट के मार्जिन वाले एरिया में, तो वहाँ सबडक्ट होंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर वही क्रिया, फिर वो उससे ऊपर आते, तो यहाँ रेगुलर जो है वोल्केनोज निकलते रहते हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। और इसमें लिखा गया है कि स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन
कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो लिखता है वो बोलता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है भैया वो गोंडवाना जो लैंड थी उसका एक हिस्सा था। बिल्कुल सही बात है, आप गोंडवाना लैंड, अंगारे लैंड, वो पैंजिया और पैंथालसा वाला जो आपने सुना था वही फंडा है यहाँ पर। तो पहला वाला बिल्कुल सही बात है, सदन वाले पार्ट को गोंडवाना बोला गया था उसमें, ठीक है। अगर ऐसे बना ले अगर अपन, तो सदन वाले पार्ट को अपने गोंडवाना लैंड बोला गया था और ऊपर वाले को अंगारा लैंड बोला गया था, ठीक है ना, जो स्थलीय भाग था। तो जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो भारत ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है और अंटार्कटिक है, वो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते थे। पूरा वर्ल्ड मैप आप देखिए, ये अगर आप देख लेंगे कि ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद आपका अफ्रीका वाला पार्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद आपका इंडिया वाला पार्ट आ गया, अंटार्कटिक नीचे है और ऑस्ट्रेलिया, तो बिल्कुल सही है, वो गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। तीसरा जो है कि संवहनी धाराओं ने कन्वेक्शनल करंट, वही आर्थर होम्स वाला 1928 वाली जो थ्योरी डेवलप हुई थी, कन्वेक्शनल करंट कुछ नहीं होता, आप ये समझिए कि नीचे अगर जो है वो वॉल्केनिक जो देखिए प्लेट्स जो है स्थेनोस्फीयर, अब एस्थेनोस्फीयर वहां से क्या है कि अगर ऊपर की तरफ राइजिंग लिम चल रही है, राइजिंग लिम चल रही है, तो वो लिम जो है वो कहां से पैदा हो रही है, वो कहीं ऊष्मा से आ रही है, वो ऊष्मा ऊर्जा कहां से है, वो वहीं से है एस्थेनोस्फीयर से, वो जो निकल रहा है क्या ज्वालामुखी के रूप में जो आएगा, जो लावा है आपका जो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो वही है, संवहनी धाराओं ने भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट को उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित किया, यही तो है, कोई फोर्स चाहिए और वो फोर्स जो है वो वहीं से आ रहा था, इसी की डिमांड कर रहे थे लोग और यही बता नहीं पा रहे थे कौन, जो आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिन्होंने दी थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। तो फिर आर्थर होम्स बताते भैया कि ये वाला है, कोई चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल से नहीं हुए हैं ये आपके, कि जो आप देखते हैं ना कि साउथ अमेरिका का पार्ट देखिए, अफ्रीका वाला पार्ट देखिए, तो ऐसा लगेगा कि दोनों को जोड़ दीजिए तो जिग्स ऑफ फिट वगैरह जो आपने सुना होगा, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके सही है और सही ही बताना था इसमें आपको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑल हो जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर आपका डी ऑल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20th नंबर का, और इसमें हिमालय का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि हिमालय और असत्य कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि हिमालय और पश्चिम एशिया के जो वलित पर्वतों का निर्माण है, 33 का जो भू अभिनति थी उसके अवसादों से हुआ है, ठीक है, मतलब वो जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, है ना, लाइक हिमालय एंड वेस्टर्न एशिया के, वर फॉर्म्ड बाय जो आपके क्या है जियोसिंक्लाइन ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ 33, ठीक है, वो वलन से, ठीक है, वही पूरी श्रृंखला इसलिए बनी हुई है वो, ठीक है, तो वही बोल रहे हैं वो। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है और यूरेशियन प्लेट के बीच जब टकराव हुआ था तब हिमालय का उत्थान हुआ, जो अभी भी निरंतर जारी, बिल्कुल सही बात है। द कोलिजन बिटवीन द इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड द यूरेशियन प्लेट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स आर कंटिन्यूइंग, इसीलिए तो बोल रहे हैं हम कि भैया हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ती है, ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, असत्य बताना था, तो भैया कोई भी गलत नहीं है, नाइदर वन नॉट टू, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के विस्तृत जो उत्तरी मैदान है उसके विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला ये कि द हिमालयन अपलिफ्ट, ठीक है, जो हिमालयन अपलिफ्ट है, ठीक है ना, अपलिफ्ट जो हो रहा है ऑफ आउट ऑफ द टेथिस सी एंड द सबसिस्ट जो आपका सब्सिडेंस है उसका ऑफ द नॉर्दर्न जो आपका फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू था रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन, मतलब टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठना, ठीक है, टेथिस से ही आप समझिए कि हिमालय का जो है निर्माण हुआ, उत्थान हुआ, उसके उठना तथा प्रायद्वीपीय पठार के नीचे दबने से एक द्रोणी का निर्माण हुआ है, ठीक है, द्रोणी का निर्माण हुआ है, ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है आपका। दूसरा ये कि कालांतर में ये जो द्रोणी है आपकी, कालांतर में यही जो द्रोणी है आपकी वो क्या बन जाएगी, उत्तर के पर्वतों और प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियों के अवसादों से भर गई। ये भैया नदन जो अपना प्लेन है उसके निर्माण के बारे में बता रहे हैं। इन जलोढ़ निक्षेपों से ही उत्तर भारत के विशाल जो मैदान है उनका विकास हुआ है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना। प्लेन का निर्माण होता क्या है भैया, ऊपर से नदी निकली, अब वो अपने साथ अवसाद लेके आई और फिर नीचे फिर डिपॉजिट करेगी, तो उसी से जो है मैदान बन रहे, बोले जलोढ़ मृदा होती है जहाँ बाढ़ आती है उपजाऊ हो जाती है, तो वही है सेडिमेंटेशन, किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाता है और किस तरीके से स्थलाकृति है, तो जब नीचे आती है कम हो जाता है प्लेन एरिया में, तो फिर वहां पर क्या प्लेन बनाती है ना, तो उसी से रिलेटेड है ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है इसमें से, और असत्य कथनों को इसमें से हमको चिन्हना था, तो कोई भी जो कथन है वो असत्य नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में भी वही लिखा गया है, ठीक है, कि इन ड्यू कोर्सेज ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विथ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ, मतलब ये कि जो अपलिफ्टमेंट था, ठीक है, तेथिस जो अपना सी के उत्थान के कारण हिमालय बना उसके बाद, ठीक है, और
जो उसके बाद जो पेनिनसुलर प्लेटू था उसके बीच में एक लार्ज बेसिन बनी, और वो बेसिन कौन, नदियां बनाई। तो वह कौन सी नदियां, जो भैया उत्तर के पर्वतों से और प्रायद्वीपी पठारों से जो बहकर नदियों से अवसाद लाए गए, उसी से उनका फुलफिलमेंट हो गया, ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड ये कि अब फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एल्यूवियल जो डिपॉजिट होता है लेड टू द, मतलब लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल ईजी लेवल का क्वेश्चन ये, और इसका जो है कोई भी गलत नहीं है इसमें से कथन, इसलिए नन ऑफ द एबव हो जाएगा, गलत पूछा था तो नन हो जाएगा, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर का क्वेश्चन है, और पेनिनसुलर जो अपना प्लेट्यू है ना, जो आप देखते होंगे ये वाला जो पार्ट है आपका, तो पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है आपका उसके संदर्भ में कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा कथन सही है। तो पहला ये सबसे प्राचीन भाग जो है भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग है, इसीलिए सबसे स्थिर भी है। इट इज द ओल्डेस्ट लैंड मास विच इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल लैंड ब्लॉक्स, भैया कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, सबसे पुराना है तो स्थिर भाग है। यहाँ ये बोला जाता था कि भूकंप भूकंप की प्रक्रिया नहीं देखी जाती, लेकिन अब जब लातूर वगैरह का आ गया है तो तब से ये फिर थोड़ा सा डाउटफुल हो गया कि ऐसा क्यों, लेकिन वो उसका कारण मैनमेड भी था कि जो आपका मतलब बांध वगैरह बनाने से भी आते हैं, वो भी कारण है उसका। तो प्लेट्स का मूवमेंट वहाँ पर लगभग नगण्य होता है, ठीक है ना, इसलिए स्थिर बोला जाता है इस पुरानी जगह। तो किसी भी प्रकार की जो दूसरा स्टेटमेंट है कि जो इसे भूमि का, इसको एक बहुत ही अस्थिर भाग माना जाता है, भूमि का है ना, भूमि का लिखा है, भूमि का बहुत स्थिर भाग माना जाता है ना, अस्थिर लिखा है जबकि होता स्थिर है। तो इसमें लिखा है कि अनस्टेबल नहीं भैया, स्टेबल होता है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा ये कि किसी भी प्रकार के भूकंपीय क्रिया के होने से अब इसे क्या, स्थिर भाग माना जाता है, मतलब किसी भी प्रकार की भूकंपी जो क्रिया है उसके ना होने के कारण अब इसे स्थिर भाग नहीं भैया, पहले माना जाता था, अब जब से लातूर वाला जो है आपका भूकंप आ गया तब से नहीं माना जाता। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला जो स्टेटमेंट है वही बस सही है। तो इसका आंसर आपका ओनली वन ए हो जाएगा, ठीक है। कच्छ साइड भी भूकंप की घटनाएं देखी गई है ना, तो अब इस एरिया को जो है आपका जो है दक्कन प्लेटू वाला जो मतलब पेनिनसुलर प्लेटू वाला जो एरिया है उसको अब स्थिर नहीं माना जा रहा है, ठीक है ना, और इसे पहले माना जाता था कि बहुत ज़्यादा स्थिर भाग है, लेकिन इसमें अब थोड़ा डाउट क्रिएट होने लगा है। तो ये दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि किसी भी प्रकार की, मतलब कभी आया ही ना हो कोई भूकंपीय क्रिया, तो अब तो एग्जांपल है आपके पास, इसलिए स्टेटमेंट गलत है, ओनली वन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर का क्वेश्चन है, और इस पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला ये कि जो हिमालय है एवं जो उत्तरी मैदान है वो नवीन स्थलाकृतियाँ हैं। नवीन का निर्माण कौन, नई जो नदियाँ हैं डिपॉजिट कर रही हैं सेडिमेंट्स ला के, अवसादों का निक्षेपण करके तभी तो हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है, हिमालय तो अपना नवीन है ही है ना, नवीन जो है वलित पर्वत, मतलब न्यूएस्ट ओल्ड जो आपके फोल्ड, ओल्ड नहीं फोल्ड है, ठीक है ना, न्यूएस्ट आपके जो फोल्डेड माउंटेन्स है उनका एग्जांपल है, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि हिमालय पर्वत भी जो है वो एक अस्थिर भाग है, जब आप भूकंप जोन वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना हिमालयन वाला जो पार्ट है वो, क्यों, क्योंकि भैया वो पर्वत पे है तो अस्थिर भाग है, इसीलिए तो वहां पर वैसी घटनाएं देखी जाती है, एवलांचे भूस्खलन, तो उसी के लिए बोल रहा है कि अस्थिर भाग है, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म्स एन अनस्टेबल जोन। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर का क्वेश्चन है, और इसे पूछ रहा है कि भैया जो अपना हिमालय है उसको युवा स्थलाकृति बोला क्यों जाता है, उसके कारण जो हैं वो दिए गए हैं, और उसमें से रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से हैं जो सही कारण है, मतलब फॉर विच ऑफ द रीजन हिमालय इज नोन एज यूथ माउंटेन्स। पहला लिखा हाई पीक्स, ये सब आपको पता है, दूसरा डीप वैलीज, तीसरा स्विफ्ट जो फ्लोइंग रिवर्स हैं, और कंसिस्टेंस इंक्रीज इन हाइट, ठीक है, इसलिए जा रहा है कि अभी भी मूवमेंट चालू है और उसकी हाइट बढ़ रही है। तो पहला ऊंचे शिखर, ये तो आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट वगैरह आप सुन ही रहे हैं ना, नंगा पर्वत हो, कंचनजंगा, सब आप सुन रहे हैं उसमें से। दूसरा ये कि डीप वैलीज क्या है, कि जब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, जब उसके अंदर फोर्स बहुत ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, आप काइनेटिक एनर्जी जब उसके अंदर पानी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जब ऊपर से निकलती है, तब वहाँ से गहरी घाटियों का निर्माण होता है, जो गॉर्ज वर्ज आप देखते हैं, तो वही है, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है। तीसरा ये कि तेज बहाव वाली नदियाँ, बिल्कुल सही बात है, तभी तो युवा नदियाँ बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था में है वहाँ पर। तो चौथा जो है कि ऊंचाई में निरंतर होने वाली वृद्धि, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और ये क्वेश्चन हमारा 25 नंबर का है, और इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला ये कि जो हिमालय है वो भूगर्भी है ना, मतलब जियोलॉजिकली अगर अपन देखें तो उस दृष्टि से वो युवा है, और बनावट के दृष्टिकोण से फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल सही बात है, पहला जो स्टेटमेंट है वही है जो अपन ने ऊपर बताया है आपको, ठीक है ना। तो दूसरा ये कि ये पर्वत जो है श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर
आपकी ब्रह्मपुत्र तक कहाँ विस्तृत है? अगर ऐसे आप देखें तो भैया कहाँ, पश्चिम से पूर्व की, अगर सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक, तो ठीक बोल रहे हैं ना। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका जो है वो ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट है आपका कि ये विश्व की सबसे ऊंची और अत्यधिक असम रूपों में से एक है, दे रिप्रेजेंट्स द क्या, सबसे मतलब हाईएस्ट जो पीक्स है वो भी यहाँ पाई जाती हैं, और जो इसका कैसा है मतलब बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों वाली, इसमें पूरी की पूरी क्या पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र दिखाई देता है, रग्ड माउंटेन बेरीज ऑफ द वर्ल्ड इसको बोला जाता है। तो बिल्कुल सही है तीसरा स्टेटमेंट भी, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और जो इसका आंसर हो जाएगा वो भी आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और ये हिमालय के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट दिया गया है हिमालय के बारे में, बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है आपका वो सही है। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है उसमें लिखा गया है पहला स्टेटमेंट कि 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक अर्धवृत्त के रूप में फैला है ये, क्या हिमालय, मतलब दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा हिमालय के डायमेंशन को अपन समझते हैं, पहले दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला बिल्कुल सही है, दूसरा ये कि चौड़ाई जो है पश्चिम भाग में अधिक एवं पूर्वी भाग में धीरे धीरे कम होती जाती, शनै शनै कम होती जाती है। मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो तो ठीक है कि दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर अप्रॉक्स, दूसरा ये कि इसकी जो विड्थ है इज मैक्सिमम इन वेस्ट एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स ईस्ट, जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका। तीसरा ये है कि द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ, मतलब ऊंचाई में पश्चिम में मतलब पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भारत में जो है अधिक विविधता जो है वो पाई जाती है ना, मतलब हाइट की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, ऊंचाई की मतलब एल्टीट्यूड से उसका मतलब निकालिएगा आप। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल हो जाएगा। थोड़ा हिमालय के डायमेंशन को अपन समझ लेते हैं, आयाम को समझ लेते हैं कि है क्या भैया, जो हिमालय की जो आकृति है वो कैसी है आपकी, जो हिमालय की आकृति है वो चापीय है, आप देखिए वही वो बोल रहा है पहले स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि जो इंडियन जो इंडो प्लेट थी उसकी भी जो आकृति थी वो आपकी चापीय थी। ठीक है, अब हिमालय की अगर बात करें, अगर अपन डायमेंशन की, तो ईस्ट टू वेस्ट अगर अपन देखेंगे तो वो 2400 किलोमीटर यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है, चौड़ाई जो है आपकी, ठीक है, और अगर चौड़ाई देखेंगे तो जैसे ही अपन वेस्ट से ईस्ट की ओर आते हैं मैप में, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखेंगे, ठीक है, अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप देखेंगे, ऐसे देखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो है 300 से 50 किलोमीटर तक, मतलब जो है चौड़ाई जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, मतलब यहाँ जो है चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ जो है वो कम हो जाएगी, क्या चौड़ाई, ठीक है ना, चौड़ाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो चौड़ाई है वही तो लिखा था कि पश्चिम भाग में अधिक है, पूर्वी भाग में धीरे धीरे कम होती जाती है, तो इसमें वेरिएशन आता है 300 से लेकर 50 किलोमीटर तक का अप्रॉक्सीमेटली। इसके कारण क्या है, इसके कारण जब थे कि जब प्लेट, जब मतलब हिमालय का जब निर्माण हो रहा था, जब बन रही थी, जब अभी अपन पढ़ रहे थे ना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टेथिस सी, तो हुआ क्या कि जब टकराव की मतलब प्रकृति देखें उस समय की, जो टकराव कैसे हुआ था, तो पश्चिम की ओर प्लेटों के सामान्य संचलन से ये निर्मित हुआ है। ठीक है, जबकि पूर्व की ओर टकराते समय जो भारतीय प्लेट की तीव्रता थी वो तेज हो गई थी, ये तेज हो गई थी, इसीलिए इधर जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, वहां तीव्र हो गई थी, तो वहां चौड़ाई आपको कम दिखाई देती है। ठीक है ना, तो जैसे अपन पढ़ते भी है ना पर्वत निर्माण के इतिहास के काल के, तो ये किस काल का है, ये नवयुग का है, टर्शरी का है, सेनोजेइक एरिया का है, ये शुद्ध पहाड़ियाँ जैसे हिमालय है, रॉकीज़ है, एंडीज़ है, ठीक है ना, टर्शरी युग की ये सब क्या है, स्थलाकृतियाँ हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा। ऊंचाई में तो आपको पता ही है कि पश्चिमी भाग जो है मतलब पश्चिम में देखे तो उसकी अपेक्षा पूर्वी भारत में अधिक क्या पाई जाती है, विविधता आपकी पाई जाती है। ठीक है, तो इसके सारे के सारे स्टेटमेंट सही थे, तो ऑल इसका आंसर हो गया, सही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर का, हिमालय से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और पहला स्टेटमेंट है इसमें अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट को पिक करना। पहला ये कि जो नदन मोस्ट रेंज होती है हिमालय की उसको हिमाद्री बोला जाता है, मतलब सबसे उत्तरी भाग जो है, जो श्रृंखला है, श्रृंखला के रूप में है ये, है ना हिमालय, तो वो उसी के कारण होता है कि जब फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं वो चेन में बन जाते हैं, पूरी श्रृंखला बन जाती है, तो श्रृंखला जो है उसको हिमाद्री बोला जाता है, जो नदन मोस्ट पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद अगर उसकी बात करें, सबसे ऊपर आपका क्या हो गया, जो पार्ट है उसको हिमाद्री बोला गया आपका, उसके बाद जो है उसके दक्षिण में जो पार्ट है उसका, है ना, उसको बोला जाता है आपका क्या,
हिमाचल जो है आपका वो हिमालय बोला जाता है, हिमाचल हिमालय बोला जाता है, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपका, ठीक है। और जो तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें, वो लिखा गया है कि जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको शिवालिक बोला जाता है, बोला जाता है ना कि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट और सबसे न्यूएस्ट भी यही है, ठीक है। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है आपके वो बिल्कुल सही है। देखिए, जब हिमालय का हम क्या करते हैं कि जब विभाजन करते हैं, तो अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ अपन देखेंगे ना, तो सबसे ऊपर अपना आ जाएगा ग्रेटर हिमालय वाला पार्ट, उसी को बोलते हैं अपना ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, वृहद हिमालय भी बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 6,000 मीटर के लगभग मानी जाती है। फिर उसके बाद अपन मिडिल हिमालय में आते हैं, जो अपने अपने हिमाचल हिमालय वाला पार्ट देखा, तो इसकी एवरेज हाइट जो है वो 4,000 जो है मीटर तक मानी जाती है। उसके बाद जो लोअर हिमालय जो शिवालिक वाला पार्ट है वो 1500 मीटर उसकी एवरेज हाइट मानी जाती है। ये क्या है, उसके विभाजन का तरीका है, किस तरीके से नॉर्थ टू साउथ। वो अपन जैसे नदियों के नाम से देखते हैं ना कि सिंधु से इसके बीच में पंजाब हिमालय है ना, तो वो सब किसके वो कैसे देखेंगे अपना, वो अपन क्षैतिज देखेंगे। और ये जो है वो नॉर्थ टू साउथ है, वो वेस्ट टू ईस्ट तक का उसका एक्सपेंशन दिखाया जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर पूछा गया है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो आउटर मोस्ट है, जो सबसे मतलब वैसे आउटर मोस्ट देखा जाएगा जो है वो शिवालिक है, उसके ऊपर से हिमाचल, और सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है उसको हिमाद्री बोला जाता है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर आपका नन हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा तो गलत कोई है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, वो आपका नन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये भी हिमालय की मतलब फैक्चुअल जानकारियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें असत्य कथन बताना है, ठीक है। और पहला जो स्टेटमेंट है कि हिमाद्री इज द नदन मोस्ट रेंज हिमालय की, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो है कि ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है और इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर भी हैं, ठीक है। जो भी मैंने आपको पूरा डिवीजन बताया था नॉर्थ से लेकर साउथ तक का, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और तीसरा जो लिखा है कि महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है सममित है, सिमेट्रिकल है, देखिए यही कैच है, ये सममित नहीं है पहली बात तो, ठीक है, इसिमेट्रिकल है, ये असममित है, असममित है इसमें वलय की प्रकृति, सममित नहीं है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। चौथा ये जो है कि महान हिमालय का जो क्रोड है आपका वो किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया था ग्रेनाइट और एंडेसाइट और वो सब, तो ये जो है इसका जो कोर है वो आपका ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो जो तीसरे नंबर का स्टेटमेंट है कि जो महान हिमालय के जो वलय की प्रकृति है ना, मतलब वो फोल्ड होने की जो फोल्ड होने की जो उसकी प्रकृति है वो भैया सिमेट्रिकल है नेचर में, ये कभी नहीं होगा, इसिमेट्रिकल है। और थर्ड ही इसका आंसर हो जाएगा असत्य, बाकी स्टेटमेंट आपके सही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th नंबर का, इसमें एक तरफ तो पीक्स दी गई हैं, दूसरी तरफ हाइट दी गई है, और बताना है कि कौन किसकी है और मैच द फॉलोइंग करना, बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है। पहला लिखा है जो आपका वो कंचनजंगा लिखा है, तो जो कंचनजंगा की हाइट है ना वो आपकी 8598 है, ठीक है ना। उसके बाद अगर अपन देखें कि आपका नंगा पर्वत जो दिया हुआ है सेकंड में, तो उसकी जो हाइट है वो 8126 है ना, मीटर्स में है सब। और उसके बाद अपन देखेंगे कि अगर नंदा देवी होगी, कॉमेट पूछा है, तो कॉमेट की अगर हाइट देखेंगे तो 7756 है, मतलब कॉमेट की 7756 है। और नामचा बारवा जो है आपका, उसकी जो हाइट है वो 7756, बिल्कुल सेम है इनकी, ठीक है। और इसमें जो नंदा देवी दिया गया है, नंदा देवी की जो हाइट है आपकी वो 7817 है ना, तो इसमें से अपन मिला लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि कंचनजंगा का 8598 हो गया, ठीक है। और जो नंगा पर्वत है आपका उसका हो जाएगा 8126 हो जाएगा, ठीक है। और जो नंदा देवी है आपकी वो 7817 हो जाएगा, और कॉमेट का 7756 हो जाएगा, तो डी का आपका 1 हो जाएगा जो ए में है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30th नंबर का, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कौन सा आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो पहला ये कि निम्न हिमालय को हिमाचल हिमालय, बिल्कुल देख चुके हैं अपन, अभी देख रहे थे लॉन्गिट्यूडनल किस तरीके से डिवीजन है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद हिमाचल श्रृंखला का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट था कि लेसर हिमालय को जो है वो क्या बोला जाता है, हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका ठीक बात है, दूसरा जो है आपका स्टेटमेंट कि हिमाचल श्रृंखला का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ, वो भी बिल्कुल ठीक है कि द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैलीज कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, सुनते होंगे आप कश्मीर घाटी, कांगड़ा, कुल्लू की घाटियाँ, बिल्कुल सही है। और चौथा ये कि हिमाचल जो श्रृंखला है पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, इसलिए ब्रिटिशर्स वहाँ पर मीटिंग करते थे, आपको याद है शिमला सम्मेलन वही सब है, ठीक है। वेवल प्लान जब पढ़ते होंगे आप तो वहीं वहीं जाते थे वो लोग, तो बिल्कुल सही है। तो दिस रीजन इज वेल नोन
नोन फॉर इट्स हिली स्टेशन, आज भी टूरिज्म के लिए अपन जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और सही पूछा था, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31st नंबर का, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो श्रेणियां दी गई हैं इनको भैया आप नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में, सही ऑर्डर में अरेंज कर दें। पहला लिखा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल और शिवालिक। तो देखिए नॉर्थ टू साउथ देख लेते हैं अपन, ट्रांस हिमालय वाला पार्ट आएगा सबसे पहले, तो जैसे काराकोरम है आपका, फिर लद्दाख है आपका, उसके बाद आपका जास्कर आएगा, जास्कर के बाद आपका पीर पंजाल, और पीर पंजाल के बाद आपका धौलाधर आएगा, धौलाधर के बाद आपका शिवालिक आएगा, ठीक है। तो आप लगा दीजिए इस हिसाब से, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 5, 4, 6, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका वो बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल मतलब फिफ्थ, और उसके बाद धौलाधर, और सबसे नीचे आपका शिवालिक, ठीक है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और निम्न हिमालय की जो सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, ठीक है, मतलब जो आपका लेसर हिमालय है उसकी जो लॉन्गेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज जो है, उसके बारे में बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सब मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जरूर देख जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आपका पीर पंजाल है, ठीक है, सीधा सीधा इसका आंसर है, जब आप देखेंगे मैप में कि जो लेसर हिमालय उसकी जो सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो आपकी पीर पंजाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 33rd नंबर का क्वेश्चन है, और ये भी हिमालय से रिलेटेड है कि हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है शिवालिक, फिर वही सेम फैक्ट है, आउटर मोस्ट जो रेंज है उसको शिवालिक हिमालय बोला जाता है। उसके बाद ये कि दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉड डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका कि इन श्रृंखलाओं का जो निर्माण हुआ है वो मुख्य जो हिमालय है उसकी श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से हुआ है, जो संपीड़ित है उन अवसादों से हुआ है, तो बिल्कुल ठीक बात है भैया, उसी से तो होगा, ठीक है। लैंडफॉर्म्स बनते कैसे, तीसरा ये कि दून नामक घाटियां निम्न हिमालय तथा शिवालिक के मध्य में लंबवत, दून और द्वार सुना होगा आपने, ठीक है ना, जैसे देहरादून, हरिद्वार, तो दून और द्वार, ठीक है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न के मतलब रेफरेंस में उसको कैटेगराइजेशन किया गया है, वो लंबवत घाटियां हैं जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है, है ना, ये सीधा सीधा फैक्ट पूछा जाता है। तो तीनों जो आपके इसमें स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, और ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और सही पूछा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34th नंबर का, और इसमें लिखा गया है कि नदी जो घाटियां हैं उनकी सीमाओं के आधार पर हिमालय के पश्चिम से पूर्व के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का आप विचार करिए, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें जो अपन विभाजन देखते हैं, तो इसमें क्या है कि सिंध से लेके सतलज तक एक किया जाता है डिवीज़न, फिर उसके बाद सतलज से लेके आपका काली नदी तक, ठीक है, फिर काली नदी से तीस्ता नदी तक, और फिर तीस्ता नदी से दिहांग या ब्रह्मपुत्र जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो जो आपका सिंध से लेके सतलज वाला एरिया है ना, पश्चिमी हिमालय, और इसमें क्या है कि मतलब सम्मिलित रूप से, ठीक है, तो जो है आपका सिंध से सतलज तक का है वो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोला जाता है, सतलज से अगर काली तक की बात याद करें अपन तो कुमाऊं हिमालय है आपका, काली से तीस्ता नदी के बीच में आपका नेपाल हिमालय होता है, और तीस्ता से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि असम हिमालय है, इससे इसी के जो पूर्व के भाग को पूर्वांचल की पहाड़ियां बोला जाता है। यही आप देखेंगे देखिए क्लाइमेटोलॉजी में कि जो ईस्टर्न हिमालय है वो आपका जो है इक्वेटर के ज्यादा करीब दिखाई देगा, और पश्चिमी हिमालय आपको नहीं और समुद्र से निकट दिखाई देगा, तो यही सब तो क्लाइमेटोलॉजी में सीधा सीधा डिफरेंस डालेगा। देखते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पहला ये कि सतलज से सिंध के बीच में मैंने आपको बता दिया यही पंजाब हिमालय है और कश्मीर हिमालय, मतलब द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज इज नोन एज पंजाब हिमालय, इसी को कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट सही हो गया आपका। दूसरा यह है कि सतलज और जो काली नदी है उसके बीच के भाग को नेपाल हिमालय, नहीं भैया ये कुमाऊं है आपका, ठीक है। तीसरा ये काली और तीस्ता नदी के बीच को क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय, मतलब सेकंड वाले में लिखा है कि द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली उसको नेपाल हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच में कुमाऊं हिमालय, तो उल्टा लिख दिया है, सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय बनेगा, है ना, क्योंकि ये जो है काली नदी जो है वो बॉर्डर भी बनाती है उत्तराखंड और नेपाल के बीच का, ठीक है, और काली से जो तीस्ता नदी तक का है वो नेपाल हिमालय कहलाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके उल्टे लिखे गए हैं, जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। चौथा ये कि तीस्ता और दिहांग नदी, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र है, दिहांग या ब्रह्मपुत्र बोल लीजिए उसको, तो वो जो है कहाँ, उसको क्या बोला जाता है, असम हिमालय में, मतलब नाम नॉमनक्लेचर किया गया, उसका विभाजन किया गया है, तो जो तपार्ट बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग इज कॉल्ड असम हिमालय। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है ना, और असत्य बताना था लेकिन इसमें अपने को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड और थर्ड इसका जो आंसर है वो आपका गलत है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35th नंबर का, और ये भी आपका फिजियोग्राफी से रिलेटेड है सीधा सीधा, और इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है वो रिकॉग्नाइज करना है, कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे जो पूर्वी सीमा है उसको बनाती है, ठीक है। दूसरा लिखा है आपका कि दिहांग जो है महाखंड के साथ
हिमालय दक्षिण की ओर भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ये बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी और पहला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ना अरुणाचल के पास वो गॉर्ज बनाते हुए, ठीक है, तो वो आपको पता होगा। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा जो है कि पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी, अभी अभी बताया मैंने, तो हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, तो वो ऐसे लंबवत फैला हुआ। अब यहाँ तक हिमालय ऐसा, फिर आप देखेंगे तो ऐसा, इसीलिए फिर बारिश वारिश जो है बहुत ज़्यादा वहाँ देखने को मिलती है, कहाँ, मासिनराम साइड। तो जो चौथा है कि पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, वहाँ की जो ट्राइब्स है ना उसी के नाम पे सारी की सारी पहाड़ियां भी है मैक्सिमम आप देखेंगे। ठीक है, मिशमी, अबोर, वही सब है। द पूर्वांचल जो है पहाड़ियां जो है कंप्राइजेस पटकाई हिल्स, नागा, मणिपुर हिल्स एंड जो आपका नागा हिल्स लिखा गया है, पटकाई बूम भी है, ठीक है, मीजो भी है, मिशमी भी है, अबोर भी है। थर्ड स्टेटमेंट ये था कि जो पूर्वांचल है और द ईस्टर्न हिल्स इज द सदर्न जो एक्सटेंशन है हिमालय का, दक्षिण की तरफ उसका विस्तार है, ऐसे समझिएगा इसको। ठीक है, और बियॉन्ड दिहांग द हिमालयाज स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है अपना, वहाँ की बात कर रहे हैं, पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। बिल्कुल ठीक है, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें बताना ये है कि कौन सा जो कथन है वो आपका असत्य है। पहला ये कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण तीन प्रमुख नदी प्रणालियों से हुआ है, जो नदी तंत्र है, ठीक है, जो रिवर सिस्टम से है। कौन सा? नदन प्लेन जो है वो फॉर्म हुआ है कैसे? थ्री मेजर रिवर सिस्टम से। आपको पता है कौन कौन सी? इंडस हो गई आपकी, गैंगेटिक मतलब गंगा हो गई आपकी, और आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई। तो इन्हीं तीनों की बात करें, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इसका विस्तार जो है लगभग 9 लाख जो आपका वर्ग किलोमीटर है उतने में है, मतलब इट स्प्रेड्स। किसकी बात कर रहे हैं? नदन प्लेन की बात कर रहे हैं, कि इसका जो एरिया है वो 9 लाख जो है आपका स्क्वायर किलोमीटर है, जो दूसरा आपका लिखा है, यही डेटा वाइज ये जो है फैक्चुअल जानकारी है। ये 7 लाख है, ठीक है, जो नदन प्लेन की बात करें, इसकी जो लगभग जो इसका क्षेत्र, जितने क्षेत्र में इसका विस्तार है जो इसका, वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, तीसरा ये कि ये मैदान लगभग 3400 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है 240 से 320 किलोमीटर है। ये जो चौड़ाई है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ 2400 किलोमीटर है, ये 3400 नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गया, असत्य ही बताना था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है, क्योंकि जो ये दिया गया है ना कि ये लंबाई कितनी है इस मैदान की, नदन प्लेन की जो बात करें वो 2400 किलोमीटर है, और अगर चौड़ाई की बात करें अगर अपन, तो 240 से लेकर 320 किलोमीटर है चौड़ाई, ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक दिया गया है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, जो इसका एक्सटेंट था ना 3400 किलोमीटर, वो गलत दे दिया था, लंबा जो है वे 2400 किलोमीटर है, ठीक है। तो जो दूसरा तीसरा गलत था, तो इसलिए आंसर आपका सी हो गया, 2 और 3, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें पूछा जा रहा है कि असत्य कथन को हमको बताना है। पहला ये कि गंगा का जो मैदान है उसका विस्तार जो है घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है, पहला जो लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है, ये घग्गर और तीस्ता के बीच ही तो है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है मुख्यतः असम में स्थित है, ठीक है। पंजाब के मैदान का जो निर्माण है सिंधु और इसकी जो सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। सिंधु नदी का आप पूरा तंत्र देखते होंगे, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। तो ये जो है तीसरा स्टेटमेंट वो भी ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट जो है कि सिंधु के मैदान का विस्तार हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, कहाँ से बिहार और झारखंड भी है, ये तो गंगा की बात कर रहे हैं। तो चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है, जो लिखा है कि द इंडस प्लेन इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, है ना, और झारखंड। तो ये झारखंड बिहार कहां से आएगा, ये तो गंगा वाला रीजन हो जाएगा, तो ये गलत है आपका, बाकी बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जो पंजाब प्लेन है वो फॉर्म किया गया है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से मिलके बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है वो लाई करता है कहां, पर्टिकुलरली इन असम, ठीक है, और जो गंगा प्लेन है उसका एक्सटेंड घग्गर और तीस्ता के बीच में है। तो डी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी सब ठीक है, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और ये जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, है ना, जिस तरीके से नदियों के द्वारा उनका निर्माण होता है, उनके बारे में दिया गया है, और पूछ रहा है कि उनको भैया उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कर दें आप उसको, ठीक है। तो उसमें जो लिखा हुआ है वो अपन देखते हैं। पहला लिखा है खादर, दूसरा लिखा है भाबर, और तीसरा लिखा है तराई, और चौथा जो लिखा है आपका बांगर लिखा हुआ है। तो अगर अब आप गंगा का मैदान देखेंगे, मैदानी क्षेत्र देखेंगे, तो नॉर्थ टू साउथ अगर अपन देखें, तो सबसे जो ऊपर आता है आपका भाबर वाला एरिया आता है। कहाँ वाला एरिया आता है आपका? भाबर वाला एरिया आता है, ठीक है। और उसके बाद जो आता है आपका दूसरा, वो आएगा आपका तराई। तराई के बाद जो आएगा वो आपका बांगर आता है, और बांगर के बाद जो नीचे खादर, जो नई जो आपकी बाढ़ युक्त जो जलोढ़ मृदा होती है उपजाऊ वाली, वो सबसे नीचे दिखाई देगी जहाँ बाढ़ वाड़ आ रहा आपका। तो नॉर्थ टू साउथ जो है, सबसे पहले भाबर, उसके बाद तराई, तराई के बाद बांगर, उसके बाद खादर। अब उस हिसाब से आप इसको अरेंज कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? भाबर आ जाएगा। देखिए कहाँ पे है भाबर, सेकंड जो है सब में है। उसके बाद भाबर के बाद क्या आ जाएगा? तराई, मतलब 2 के बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। दो ऑप्शन आपके क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए, बी और सी बचा। और फिर तराई के बाद आपका आ जाएगा बांगर। अगर आपको पता होता कि सबसे नीचे खादर है तो वैसे भी लगा देते आप, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? भाबर, देन तराई, देन बांगर, देन खादर,
ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा उस हिसाब से लगा लीजिए आप, 2, 3, ठीक है, सबसे नीचे आपका 1 और उसके बाद जो आपका बच गया 4, मतलब आपका खादर हो गया बाबर, मतलब बाबर जो है आपका वो सबसे पहले आ गया, बाबर जो है, ठीक है, जो ये भाबर लिखा गया है वो सबसे पहले आ गया, फिर तराई, फिर बांगर और खादर। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 2341। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें होता क्या है, थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। जैसे अब हिमालय नदी है, मतलब हिमालय जो नदियां हैं अपनी वो आ रही हैं, वो अपने साथ जो है, जैसे गंगा है वो अपने साथ बहुत सारा सिल्टेशन अवसाद लेके आ रही है। अब क्या हुआ, शुरू शुरू में जो बड़े बड़े बोल्डर्स लाए वो अपना जो है फुट हिल्स वाला जो एरिया हिमालय का वहां पर उसने इकट्ठा कर दिया, तो कुछ ऐसी बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपना जो होता है वही भाबर वाला एरिया होता है, यहाँ पर जो है स्लोप ब्रेक हो जाता है, इसी कारण यहाँ बड़े बड़े आकार के अवसाद दिखाई देते हैं, ये इनस्टेबल एरिया है, ठीक है। और इसके नीचे जो है सबसे जो है फाइन जो है जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहां पर क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब इसके आगे वाले जब एरिया में आप जाएंगे तो तराई वाला एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है, तराई वाला एरिया, दलदली क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाला ये जो बाढ़ वाला मैदान होता है उसी में दो चीजें होती है, एक तो बांगर होता है और एक खादर होता है, ठीक है। तो जो पुरानी मृदा होती है वो बांगर, और जो नई जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ का मतलब एल्यूवियल है, तो जो ओल्ड वाली होगी वो बांगर और जो न्यू वाली होगी उसको खादर बोला जाता है, ठीक है। तो यही इसमें कंसेप्ट था। और जो भाबर जो होती है ना, वहाँ की जो मतलब जल का रिसाव होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पोरोसिटी जो संरंध्रता होती है उसके कारण, क्योंकि जो फाइन कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, है ना, इसीलिए जल का नीचे जाना वहाँ से क्या होता है, क्या होता है, सुनिश्चित हो पाता है, और इसीलिए वहाँ पे सरिताओं का लुप्त हो जाना, मतलब अगर आप देखेंगे रिवर्स जो होती है वहाँ पे लुप्त हो जाती हैं, फिर उसके जो लोअर पार्ट में जाएंगे वहाँ पे वो उनका फिर से क्या होता है, ड्रेनेज चालू हो जाता है, ठीक है। और तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके बारे में क्वेश्चन है, और पूछा जा रहा है जो कि प्रायद्वीपी पठार के संदर्भ में कथन है, बताइए कौन सा सही है। पहला ये कि ये मेज की आकृति की तरह ऊपर उठा हुआ है, मेज की आकृति की तरह ऊपर उठा हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। और जो दूसरा लिखा गया है इसमें कि इसका जो निर्माण है वो आपका क्रिस्टलीय और रूपांतरित शैले से हुआ, देखिए यही कैच है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। जो दूसरा लिखा गया है, मतलब जो पहला है वो बिल्कुल ठीक है कि भैया जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो टेबल लैंड मतलब लाइक वैसा है आपका, ठीक है ना, आप उसकी आकृति देखेंगे। दूसरा ये कि भैया बिल्कुल गलत है कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ओनली क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, एक तो वैसे भी पंक्चुएशन था, सामान्यतः गलत होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ये ओनली नहीं है कि क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसमें एक जो आप इग्नियस रॉक्स पूछ मतलब पढ़ते होंगे ना, दक्कन का पठार बोलते हैं कि ज्वालामुखी, तो वो क्या है आपका, वो वही है इग्नियस रॉक्स है, तो वो यहाँ पर मिसिंग है और वो सबसे बड़ा फैक्ट है। तो ये आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इट इज़ ओल्डेस्ट लैंड मास पार्ट ऑफ अंगारा लैंड, भैया मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर वाला पार्ट है, हम तो नीचे वाले गोंडवाना लैंड के भाग में ना, तो अंगारा लैंड कैसे होगा, ठीक है, यूरोप और अमेरिका वाला, नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट थोड़ी है वो, तो अंगारा लैंड नहीं भैया, हम जो पार्ट थे वो गोंडवाना लैंड के थे, तो हमारा जो प्रायद्वीपी पठार है वो भी आपका गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है कि विच ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग फॉर्म द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सीधा सीधा जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, गलत है वो भी आपका, कि ये प्राचीनतम भाग जो है वो अंगारा लैंड का भूभाग है जो अलग होकर उत्तर में गोंडवाना लैंड का भाग बना, नहीं भैया दोनों अलग थे, नॉर्थ और नॉर्थ वाले नदन पार्ट वाले को अंगारा लैंड और सदन पार्ट को गोंडवाना लैंड बोला जाता था। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, और जो सही स्टेटमेंट है वो फर्स्ट है, तो ओनली वन इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें बताना है कि नर्मदा नदी के उत्तर में जो स्थित है आपका प्रायद्वीपी पठार का भाग, जो कि मालवा का जो पठार है आपका उसके अधिकांश भाग पर विस्तृत है, वो जाना जाता है किस नाम से। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू इज नोन एज, ठीक है। तो पहला लिखा है कि मध्य उच्च भूमि, और यही इसका आंसर भी है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा बुंदेलखंड का पठार, वो तो उसी का पार्ट है, किसका, अगर सेंट्रल अपन मध्य उच्च भूमि देखेंगे उसका। और ये जो आपका बंगेलखंड का पठार है और छोटा नागपुर का पठार है, तो बिल्कुल गलत है, कॉन्टेक्चुअल जानकारी है, सीधे इसको जान लीजिए कि सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है मालवा का पठार, जहाँ पे क्या काली मिट्टी है, सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और वहाँ की जलवायु भी कैसी है, सम है, किसी हिस्टोरियन ने बताया था जो हमारे यहाँ विदेश से विदेशी यात्रा आया था, उसका नाम बताएंगे कि आप क्या है कमेंट करके प्लीज़, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेंट्रल हाईलैंड होगा, मध्य उच्च भूमि होगा, ए होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें लिखा हुआ है कि जो स्टेटमेंट है बताना है कौन सा सही है। पहला यह कि मध्य उच्च भूमि
ठीक है, से बहने वाली जो नदियां हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरह, मतलब तरफ ढाल के अनुसार बहती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ढाल से तो बहती ही हैं। मध्य उच्च भूमि से बहने वाली जो नदियां हैं वो साउथ, जो वेस्ट से जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं, है ना, चंबल, है ना, जो अब यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो मिली, वैसे देखेंगे मैप में आपको तो दिखेगा, तो चंबल है, केन है, बेतवा है, सिंध है, मध्य उच्च भूमि से बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ना सोन वोन आके गंगा में नीचे से मिल रही दक्षिण की ओर से, वही लिखा गया। बुंदेलखंड और बघेलखंड जो है इसका पूर्वी विस्तार है। ठीक है, बघेलखंड जो है सबसे पूर्वी आ जाता है, बुंदेलखंड भी उसके अंतर्गत आ जाता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर ऑल हो जाएगा इसका, क्योंकि तो सही पूछा था तो डी है। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन है इस रीजन का, है ना, वो बुंदेलखंड और बघेलखंड है। जो रिवर्स यहां से बहती हैं कहां से, जो सेंट्रल हाईलैंड रीजन है, ठीक है, उसमें से जो रिवर बहती हैं वो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। और जो फ्लो है जो इनका रिवर का ड्रेनेज सिस्टम का, कहाँ का, जो सेंट्रल हाईलैंड वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ना, सेंट्रल हाईलैंड वाला जो रीजन है आपका, तो वहां की जो नदियां हैं ये, तो इनका जो फ्लो है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है, ऊपर की ओर जा रही हैं ये। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है और तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। इसका आंसर डी हो जाएगा ऑल, क्योंकि सही चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42nd नंबर का, और इसमें डेक्कन प्लेट्यू जो है आपका, जो सदर्न प्रायद्वीपीय पठार है आपका, दक्षिण का जो पठार है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो पहला लिखा है कि ये आपका ट्रायंगुलर लैंडमास है, मतलब त्रिभुजाकार भूखंड है, और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये कि इसके उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो दूसरा लिखा गया है। देखिए ये क्या है कि ये जो सतपुड़ा की बात करें और लिख जो है विंध्याचल दिया इन्होंने, तो ये गलत है दूसरा स्टेटमेंट, कि विंध्याचल रेंज जो है वो इसके किस में, इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, तो नहीं, ये दूसरा जो है आपका वो गलत है, वो सतपुड़ा से रिलेटेड है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसी को आप एलिमिनेट कर देते तो वैसे भी आंसर मिल जाता नहीं, क्योंकि गलत ही बताना है तो आंसर नहीं मिलता, सत्य कथन नहीं। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा ये कि महादेव की पहाड़ी आपने सुना होगा, पचमढ़ी जो है ना, फिर कैमूर की पहाड़ी भी आपने सुना होगा सोन नदी के संदर्भ में, और मैकाल श्रृंखला जो आप नर्मदा और अमरकंटक का पठार वाला रीजन देखते हैं, तो श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं जो लिखा गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो भी बिल्कुल ठीक है ना। तो पहला हो गया सही, तीसरा हो गया सही, दूसरा था गलत, और चौथा है कि दक्षिण का पठार पश्चिम में नीचे तथा पूर्व में ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला। देखिए ये भी उल्टा लिख दिए हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये जो अपना पठारी रीजन की बात करें, तो इसका जो पश्चिमी भाग है वो ऊंचा है, पूर्व में ये नीचा है और कम ढाल वाला है। ढाल भी जो है आपको दिखाई देगी पश्चिमी भाग में ज्यादा है। ठीक है, तो ये है कि उल्टा लिखा हुआ है, ये पश्चिम में बोला है कि नीचे है, ठीक है, जबकि जिसका वेस्टर्न पार्ट है वो उसका क्या है, हाईएस्ट है, हाइट देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा है, और ईस्टर्न पार्ट में उसकी जो हाइट है वो कम होती जाती है, और ढाल भी जो है ईस्टर्न साइड में कम है, वेस्टर्न साइड में ज़्यादा है। तो चौथा और दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, और इसमें गलत ही पूछा था, तो 2 और 4 ऑनली जो है आपका बी में दिया गया है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और ये कार्बी एंगलोंग का जो आपका पठार है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आ गए अपन फिजियोग्राफी में, उसके बारे में क्वेश्चन है, मेघालय के पठार के बारे में। तो पहला ये कि इट इज ऑल्सो नोन एज मेघालयन प्लेट्यू एंड नॉर्थ कचार जो है आपका हिल्स बोला जाता है इसको, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, इसे मेघालय का पठार भी बोलते हैं, उत्तर कचार पहाड़ी भी बोला जाता है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये, एक भूकंपी क्रिया के द्वारा छोटा नागपुर के पठार के उत्थान के कारण ये क्या हो गया, विलग हो गया, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, फॉल्ट रीजन था वो, ठीक है, फॉल्ट के कारण ये अलग हुआ है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से, ठीक है, तो ये जो आपका लिखा हुआ है दूसरा स्टेटमेंट वो आपका गलत है, ठीक है, ये कोई भूकंपी क्रिया के कारण नहीं है कि उसके कारण वो विलग हो गया है, वो आपका फॉल्ट लाइन के कारण है, फॉल्ट के कारण है, सैंड जैसे सैंड एंड्रीज फॉल्ट सुनते हैं आप, ठीक है, तो वैसे ही वही ये फॉल्ट है, ये प्लेट के मूवमेंट से सीधा सीधा क्या है, इंटरकनेक्ट है ये जो कंसेप्ट है, तो दूसरा आपका गलत है। तीसरा ये कि गारो खासी और जयंतिया जो है पूर्व से पश्चिम, नहीं ये ऐसी है कि अगर गारो खासी और जयंतिया की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट है, ना कि ये ईस्ट टू वेस्ट है, तो तीसरा भी जो स्टेटमेंट है वो गलत है कि भैया जो गारो खासी जयंतिया वो वेस्ट टू ईस्ट है ना, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, ये इंग्लिश में गलत लिखा है, ईस्ट टू वेस्ट है ना, ये हिंदी वाले को आप समझिए, इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आप तो ये समझ लीजिए कि गारो खासी जयंतिया का जो विस्तार है अगर अपन इंडिया के मैप में देखें, ठीक है, अगर अपन देखें तो अगर गारो खासी जयंतिया की, तो जो गारो है खासी है जयंतिया वो ऐसा है, ठीक है, तो आपका जो वेस्ट टू ईस्ट है और इसमें ईस्ट टू वेस्ट दिया गया है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो पहला और जो तीसरा स्टेटमेंट है आपका वो आपका
देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है और तीसरा गलत है, तो इसमें असत्य नहीं पूछा, सत्य पूछा, तो ऑनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका असत्य है, मतलब रॉन्ग वन को अपने को पिक करना है। पहला ये कि पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर है, बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तट के समानांतर है एवं असतत है। नहीं भैया ये थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ पे जो है वो बहुत सारी नदियाँ नहीं आती, बड़ी नदियाँ, तो ये जो है वो कंटिन्यूअस रेंज है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, जो आपका पश्चिमी तट है जो पश्चिमी घाट के समानांतर है, वेस्टर्न जो है घाट के जो पैरेलल है, वेस्टर्न कोस्ट वाला पार्ट, वो डिसकंटिन्यूअस जो है नहीं है, वो कंटिन्यूअस है, सतत है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है ना, जो अरब के सागर में जो गिरने वाली जो दो बड़ी नदियां हैं वो तो आपको पता है, सेंट्रल जो आइलैंड वाली रीजन वाली नदी है कौन सी, नर्मदा और तापी, बाकी तो छोटी छोटी हैं जो साथ में साउथ में देखते हैं आप केरला साइड में। ठीक है, तो जो है आपकी ये कंटिन्यूअस रेंज है कौन सी, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, वेस्टर्न कोस्ट वाली। ठीक है, तो ठीक है, दूसरा जो है कि पश्चिमी घाट को केवल दर्रों से इसीलिए तो क्योंकि वो सतत हैं, इसलिए उनको दर्रों से ही पाल घाट भोर घाट जो आप सुनते होंगे है ना, थाल घाट वगैरह। ठीक है, तो वही लिखा भी है अगला स्टेटमेंट, थाल घाट भोर घाट और पाल घाट प्रमुख दर्रे हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला और दूसरा गलत है, असत्य बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, देखिए मैंने आपको बताया कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत है आपका, दूसरा वाला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, सतत है इसलिए सिर्फ दर्रों से इसको पार किया जा सकता है, और जो मेन दर्रे हैं वो थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट है, मतलब वेस्टर्न घाट कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली, मतलब उनको सिर्फ पासेस के थ्रू थ्रू ही उनके इधर उधर जाया जा सकता है, उनको पार किया जा सकता है, ये सही है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला बस इस जो स्टेटमेंट है आपका वो बस आपका गलत है, और उसमें भी सिर्फ एक ही कैच था कि लिख दिया है कि डिसकंटिन्यूअस है असतत है, नहीं तो वो भी सही होता। ठीक है, तो ओनली वन इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45th नंबर का, और इसमें जो आपके दर्रे हैं है ना, जो पासेज हैं जो ऊपर लिखा हुआ था, भोर घाट थाल घाट और पाल घाट, उनको आपको लगाना है नॉर्थ टू साउथ, लगाना है कहाँ लगाना है आपको, नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करना है। तो पहला क्या दिया है, अब इसकी अगर आपको लोकेशन पता है तो आप आराम से लगा ले जाएंगे। ठीक है, कि थाल घाट कहाँ है, भोर घाट कहाँ है, पाल घाट कहाँ है, इसलिए रेगुलर अपने को याद नहीं करना है, मैप को देखते रहना है। तो इसको अपने को क्या लगाना है, नॉर्थ टू साउथ लगाना है। तो देखिए जो थाल घाट है आपका वो कहाँ है, अगर आप थाल घाट की बात करेंगे तो मुंबई और जो आपका नासिक है उसके बीच में है। उसके बाद अगर अपन भोर घाट की बात करें, ठीक है, तो वो आपका मुंबई और पुणे के बीच में है, मुंबई और पुणे के बीच में, और जो आपका पाल घाट है वो तो बिल्कुल नीचे हो गया, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच हो गया है ना, तो सबसे साउथ में क्या हो गया आपका, पाल घाट हो गया, और सबसे ऊपर कौन सा हो गया आपका, ठीक है, जो मुंबई व नासिक के बीच में है आपका, क्या, जो आपका थाल घाट है, तो टू और वो लगा देते हैं आप तो वैसे भी लग जाता आपका। ठीक है, मतलब तो सबसे ऊपर वाला अगर आप लगा देते कि थाल घाट है जो मुंबई और नासिक के बीच में, सबसे नीचे वाला जो है आपका पाल घाट है, तो वैसे ही लग जाता है ना, टू और थ्री, तो ए फर्स्ट मतलब ए ऑप्शन में ही है, तो 2 1 3 होगा, सबसे नॉर्थ में है आपका थाल घाट जो आपका मुंबई और नासिक के बीच में है, फिर उसके बाद आपका आएगा भोर घाट जो मुंबई और पुणे के बीच में, उसके बाद आएगा पाल घाट जो आपका नीलगिरी और अन्नामलाई के क्षेत्र में अवस्थित है, नीलगिरी के जो चोटी वगैरह आप पढ़ते हैं ना, जो डोडा बेटा वगैरह, वही वाला रीज़न है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, इसमें भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो असत्य कथन है, उसको रिकॉग्नाइज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को। पहला लिखा है पूर्वी घाट का जो विस्तार है महानदी घाटी से लेकर, जो महानदी घाटी है, महानदी की जो घाटी है वहां से लेके दक्षिण में नीलगिरी तक है, मतलब ईस्टर्न घाट का अगर अपन स्ट्रेच देखें तो फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। दूसरा जो लिखा बिल्कुल ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट जो है, दूसरा ये है कि द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इन टू द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां इधर से जा रही हैं तो उनने इरोड कर दिया उसको, वहां पर क्या कर दिया है, तोड़फोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए वो असतत है जो पूर्वी घाट है, और पश्चिमी घाट सतत इसीलिए है क्योंकि बहुत सारी बड़ी नदियों का फ्लो उधर नहीं दिखाई देगा आपको, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा ये कि यहाँ जो अधिकांश वर्षा है पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है, देखिए ये फिर गलत, ये अपन साउथ वेस्ट मानसून से तो मेन अपनी यहाँ जो हो रही है वो क्या हो रही है, बारिश हो रही है, तो जो विंड्स आती हैं वो ऐसे आके और ऐसे नॉर्थ ईस्ट में बारिश करा के फिर ऐसी, तो ये वाला जो एरिया है वो बच जाता है, ये जब आपका जब आता है कौन सा, जैसे ये साउथ वेस्ट हो गया तो वो कौन सा मानसून है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो ऊपर से आ रहा है, जो ऊपर से आ रहा है ऐसा, तो फिर लौटते हुए मानसून से इस एरिया में ज़्यादा बारिश होती है, तो जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है और तीसरा वो इसीलिए गलत है। देखिए तीसरा स्टेटमेंट लिखा है कि द ईस्टर्न घाट्स कॉजेज, जो वहाँ पर मेनली जो
रेनफॉल का कॉज है वो ओरोग्राफिक है, नहीं भैया ओरोग्राफिक नहीं है, वो तो आपका पश्चिमी घाट में दिखाई देगा ना, यहाँ से आएगी जो मानसूनल विंड है, कहाँ से, यहाँ से मॉइस्चर लेके आई और यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे टकराई और वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाले पार्ट में बारिश कर दी, इसीलिए जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो रेन शेडो एरिया के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये फीचर जो है वेस्टर्न घाट का है, बोल रहे हैं कि ईस्टर्न घाट का, इसलिए सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है आपका। पहला वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो जो है स्टेटमेंट वो आपका ठीक है, और दूसरा वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको एलोबरेट कर दिया है। ठीक है, तीसरा वाला बस स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें क्या बोल रहा है, असत्य। तो ऑनली थ्री इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर का, और इसमें भी हिल्स दिया गया है और इसको नॉर्थ टू साउथ, देखिए ये भी बिल्कुल मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें अपने को नॉर्थ टू साउथ लगाना है कि भैया कौन सी नॉर्थ में हिल है और कौन सी आपकी साउथ में है। तो पहला दिया गया है सिरुमलाई, ठीक है, और जो सिरुमलाई है वो सबसे साउथ में है। ठीक है, देख लीजिए दो में दिया गया है, तो वैसे ही दो ऑप्शन आपके जो हो गए क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। सबसे शुरू में फाइव होगा ही क्योंकि सब में, फोर भी सब में दिया गया है, फिर भी अपन नॉर्थ टू साउथ ही देख लेते हैं ना पहले, फिर अरेंज करते हैं। सबसे अगर नॉर्थ की बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश में आपका है, इसमें जो दिया गया है ये नगारी जो पहाड़ी है, नगारी हिल्स, वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें जावेडी, अब देखिए बाकी सब तमिलनाडु की ही है, जावेडी भी है, शेवराई भी है, पंचमलाई भी है, शिरुमलाई, तो सबसे नीचे तो आपकी शिरुमलाई होती है, उसके ऊपर जो आती है आपकी पंचमलाई आती है, और पंचमलाई के ऊपर जो आती है शेवराई आती है, और सबसे ऊपर आपकी जावेडी आती है, तो उस हिसाब से आप इसको लगा दीजिए। ठीक है, तो सबसे ऊपर हो गई आंध्र प्रदेश वाली नगारी हो गई, है ना, आंध्र प्रदेश, तो सबसे पहले फाइव आ गया, उसके बाद फिर आपके बाद उसके बाद भी सारी की सारी जो है तमिलनाडु की, तो जावेडी आ जाएगा, जावेडी के बाद आपका क्या आ जाएगा, शेवराई आ जाएगा, फिर उसके बाद पंच ई मलाई आ जाएगा, फिर शिरुमलाई आ जाएगा। 5 4 3 1 2, ठीक है, नहीं फाइव सबसे नीचे क्या है आपका, वन है ना, तो 5 4 3 2 1 इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए नॉर्थ टू साउथ एक बार और बता देता हूँ मैं, नगारी तो आपको पता है आंध्र प्रदेश में, बाकी सब तमिलनाडु की है, तमिलनाडु में आप देखिए कि सबसे ऊपर जो इसमें दी गई है वो जावेडी होगी, जावेडी के बाद आपका आएगा शेवराय, शेवराय के बाद आपका पंचमलाई या शिरुमलाई। देखिए अगर आप नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो ये वाला एरिया है, ये तमिलनाडु वाला जो एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे सारी की सारी हिल्स, मैप देखते जाइए, और इसका आंसर 5 4 3 2 1 हो गया होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 48 नंबर का, इसमें स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो बोल रहे हैं भैया कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, पहला जो आपका लिखा गया है इसमें। ठीक है, स्टेटमेंट जो है चुनना क्या है इसमें, सत्य कथन, तो पहले वाला तो गलत है। सबसे ऊंची चोटी क्या है पश्चिमी घाट की, आपको पता है अनाई मुडी है, उसकी क्या हाइट है, 2695 मीटर है, उसके बाद जो है आपकी डोडा बेटा है, वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटियों में से आती है वो। ठीक है, तो नीलगिरी की ऊंची चोटी और पश्चिमी घाट की जो ऊंची चोटी, ये दो चीज़ें हैं। तो पहली आपकी अनाई मुडी है जो सबसे ऊंची चोटी है, ना कि डोडा बेटा है, डोडा बेटा की जो हाइट है वो 2633 मीटर है। ठीक है, और जो सबसे ऊंची चोटी है वो 2695 की, कौन सी है वो, अनाई मुड्डी। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, करेक्ट बताना है तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ये पूर्वी घाट की सबसे जो ऊंची चोटी है वो आपकी महेंद्रगिरी है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका महेंद्रगिरी वाला। तीसरा जो है कि उटक मंडलम और जो कोडाई कनाल है, ये प्रसिद्ध पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु वो केरला में अवस्थित हैं। मतलब ये कि जो हिल स्टेशन है उटक मंडलम और जो कोडाई कनाल है, ये सिचुएटेड कहाँ है, तमिलनाडु और केरला में सिचुएटेड है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है, जो तमिलनाडु और केरल लिख दिया है इन्होंने, ये गलत कर दिया है, क्योंकि दोनों के दोनों ही ये तमिलनाडु में है भैया। कोडाई कनाल भी है, ऊटी ऊटी वाला पार्ट सुनते हैं, और जो उटक मंडलम ऊटी वगैरह, तो ये दोनों के दोनों तमिलनाडु। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला भी स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ जो सही है वो दूसरा है, तो सही बताना था, तो ऑनली टू हो जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना तो मतलब ग्रास्प हो जाता होगा आप लोग, क्योंकि हाईएस्ट जो पीक है ईस्टर्न घाट की वो महेंद्रगिरी है। द हिल स्टेशन ऑफ उटक मंडलम एंड कोडाई कनाल आर सिचुएटेड इन तमिलनाडु एंड केरला, तो दोनों तमिलनाडु में है, इसलिए गलत है। ठीक है ना, और फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ना, भाषा कभी अवरोध नहीं बनती अगर दिमाग में विचार बिल्कुल स्पष्ट उठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर का, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विथ अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैक सॉइल इन पेनिन सोलर प्लेट्यू द एरिया इज नोन एज डक्कन प्लेट्यू। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं उसको। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, काली मृदा की जो उपस्थिति के कारण दक्कन ट्रेप बोला जाता है, जो प्रायद्वीपीय आपका पठार है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका, है ना, उसमें लिखा गया है कि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से निकले जो लावा है उसके ठंडे होने से निर्मित जो है आग्नेय शैल से हुई है, पैरेंट रॉक जो अपन पढ़ चुके हैं, कि दिस इज ऑफ वोल्केनिक जो है ओरिजिन हुआ है इसका, है ना, और जो रॉक्स थी वो क्या है, वो
इग्नेस रॉक्स हैं, ठीक है। अब विथ अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैक सॉइल इन पेनिनसुलर प्लेट्यू द एरिया इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। बिल्कुल सिंपल से फैक्ट्स हैं दोनों, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और सही पूछ रहा है, इसका आंसर आपका सी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहला ये कि थार का जो मरुस्थल है भैया अरावली के पश्चिम किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो आप देखते हैं दिल्ली से भी अरावली रेंज का जो मतलब विस्तार आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए थोड़ा सा मैप बना लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। और देखिए तो दिल्ली वाला रीजन जो है और ये अरावली वाला आप देख रहे हैं, तो वो ठीक बोल रहा है ना कि जो थार का मरुस्थल वो तो अरावली के पश्चिम किनारे पे है। लूनी जो है इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, जो गुम जाती है, छुप जाती है, आपको पता है, ठीक है, विलुप्त हो जाती है, लूनी ही वो नदी है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। तीसरा ये बरखान का विस्तार बहुत अधिक मात्रा में, जहां बालू पाए गए, बालू के जो अर्धचंद्रकार ऐसे अर्धचंद्रकार जो हैं जो मतलब स्थलाकृति बनती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बरखान बोला जाता है। तो तीसरा जो है कि बरखान जो है आपके कवर्स लार्जर एरिया ऑफ दिस रीजन, बिल्कुल ठीक है ना। और लूनी यहाँ कि प्रोमिनेंट रिवर है, जो दूसरा स्टेटमेंट है। लास्ट वन जो है कि द लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स आर प्रोमिनेंटली फाउंड नियर इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, सीधा फैक्ट है। ये भी बिल्कुल आपका सही है स्टेटमेंट कि जो इंडिया और पाकिस्तान की जो सीमा है ना, जो आपकी इंडिया और पाकिस्तान की जो सीमा है उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल जो ड्यून्स मतलब ड्यून्स हैं, लंबवत टीले हैं, जो टीले समझिएगा उसको, वो पाए जाते हैं। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा 51st नंबर का क्वेश्चन है और ये वेस्टर्न जो आपका कोस्ट है उसको लेके क्वेश्चन है, पश्चिमी तट को। पहला स्टेटमेंट है कि ये जो पश्चिमी घाट है और अरब सागर है उसके बीच स्थित एक विस्तृत मैदान है। देखिए ये संकीर्ण पट्टी है, संकीर्ण तटीय मैदान है, ये विस्तृत नहीं है, मतलब बहुत ब्रॉडर नहीं है, ये है ना संकीर्ण है, ये जो पूर्वी जो अपना तट है ना, ईस्टर्न वाला जो कोस्ट है वो विस्तृत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है कि सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी इज अ ब्रॉडर प्लेन, तो ब्रॉडर नहीं है, ये नैरोअर है ना कंपेरेटिव टू ईस्टर्न कोस्ट, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ये कि इस तट के उत्तरी भाग को अगर नदन पार्ट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अपन, जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है, तो उसके नदन पार्ट की बात करें तो उसको कोंकण तट है ना, जो गोवा वाला आप देखते हैं, मुंबई और गोवा वाला, फिर जो उसका मिडिल वाला पार्ट होता है उसको कन्नड़ का मैदान बोलते हैं, ठीक है, और जो सदर्न वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मालाबार तट। तो ये बिल्कुल जो दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो अपर पार्ट है कोंकण है और जो मिडिल वाला पार्ट है वो कन्नड़ प्लेन है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही, पहला वाला गलत। तीसरा ये कि इसका जो सदर्न पार्ट है कोरोमंडल कहलाता है, तो भैया कोरोमंडल नहीं, इसको मालाबार बोला जाता है, ये ईस्टर्न वाले कोस्ट की बात करने लग गए। तो तीसरा जो है स्टेटमेंट वो गलत है, सदर्न पार्ट को, वेस्टर्न जो कोस्ट है आपका उसके जो सदर्न पार्ट है उसको बोला जाता है मालाबार तट। तो पहला आपका गलत हो गया स्टेटमेंट, और तीसरा सेकंड बस सही है आपका और पूछ क्या रहा, असत्य। तो वन एंड थ्री इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये भी आपका ईस्टर्न कोस्ट से रिलेटेड है, मतलब वो वेस्टर्न कोस्ट से था, ये ईस्टर्न कोस्ट से मतलब पूर्वी तट। तो ये पूर्वी तट कैसा है, ये काफ़ी संकीर्ण और छोटा है, नहीं दिया, ये आपका कैसा है, काफ़ी जो है वो ब्रॉडर पार्ट है, ये विस्तृत मैदान है, चौड़ा है और समतल है, ठीक है, और बड़ा है ये कंपेरेटिव उधर से देखें अगर अपन वेस्टर्न कोस्ट से, ठीक है। इसके उत्तरी भाग में, पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा ये कि इसके उत्तरी भाग में नदन सरकार जो उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग में आपके कोरोमंडल तट स्थित है, ये बिल्कुल सही बात है ना। और यही आप देखते होंगे बड़ी बड़ी जो नदियां हैं आपकी, महानदी है, गोदावरी है आपकी, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इस मतलब बंगाल की खाड़ी साइड में बहते हुए विशाल डेल्टा, मतलब बड़े बड़े डेल्टास को क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं, ठीक है। और वही आप देख रहे हो पूर्वी तट पे आपका चिल्का झील है उड़ीसा वाले पार्ट में, गहीर माता जो है आपका ओलिव रिडले टर्टल के संदर्भ में सुनते होंगे आप, है ना, ओलिव रिडले जो आपका टर्टल है गंजम कोस्ट वाला, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है आपका कि पूर्वी तट पे महानदी है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये क्या करती हैं, ज्वारनाथ मुख का निर्माण करती, नहीं भैया डेल्टा का करती, मतलब ये बोलना ये चाह रहे हैं कि ऑन दिस कोस्ट रिवर लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म्स एस्चुरीज, नहीं डेल्टा बनाती है, एस्चुरी तो नर्मदा और तापी बना रही है ना, वो तो किधर जा रही है, वो तो इधर आ रही है अरेबियन सी साइड में, है ना, वो रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है, और पहला स्टेटमेंट आपका गलत था। और लास्ट स्टेटमेंट जो है कि ईस्टर्न कोस्ट पे चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो सबसे बड़ी झील है आपकी जो चिल्का झील है, ठीक है ना, खारे पानी की, है ना, तटीय की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, चिल्का झील जो है भारत की मतलब खारे पानी की सबसे बड़ी झील में से एक है। तो चौथा जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। गलत कथन अपने को इसमें से क्या करना था, फाइंड करना था कि कौन कौन सा आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो आपका इसमें गलत कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट आपका गलत हो गया और आपका थर्ड गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, सेकेंड एंड फोर्थ सही है आपका, तो बी हो जाएगा, वन एंड थ्री ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और ये हमारा 53rd नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और
इसमें भी अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि लक्कादीप और जो मिनिकॉय है और अमिनीदीप जो था आपका उसका नाम बदल के 1975 में लक्षद्वीप, तो ये बिल्कुल सही है कि लक्षद्वीप जो है लक्कादीप मिनिकॉय और अमिनीदीप को जब 1956 के बाद फिर अपने यहाँ स्टेट्स मतलब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, फिर स्टेट्स फॉर्म होते हैं, तो उसके बाद राज्यों का निर्माण होता है यूटीज़ का, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है आपका लक्षद्वीप का निर्माण लक्कादीप मिनिकॉय और अमिनीदीप को मिला के किया गया था इनका नाम बदल के, लेकिन जो ये ईयर दिया हुआ वो गलत है आपका 1973 है ना कि ये 1975, मतलब द नेम ऑफ लक्कादीप मिनिकॉय एंड अमिनीदीप वर चेंज टू लक्षद्वीप इन 1975, ये गलत है, 1973 है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, असत्य ही बताना था, यही आंसर है। दूसरा ये कि लक्षद्वीप समूह है उसका जो एरिया है आपका 32 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर होगा ये, बिल्कुल ठीक है। और जो तीसरा लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि लक्षद्वीप का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडक्वार्टर है कावारत्ती है, ये भी बिल्कुल आपका ठीक है, कावारत्ती है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। और जो लास्ट स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां जो पिटली आइलैंड है वो अनइनहैबिटेड है, मतलब वो क्या है कि ऐसे समझिए वहां पर जो है मनुष्यों का निवास नहीं है, ठीक है ना, मनुष्यों का निवास नहीं है, लेकिन वहां पे एक क्या है बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभयारण्य है, तो ये याद रखिएगा। और ये स्टेटमेंट भी सही है, सिर्फ पहला वाला जो स्टेटमेंट था वो गलत है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, असत्य बताना था, तो इसका जो आंसर है आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 1973 था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54th नंबर का, और इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। पहला ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है निमंजित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, मतलब ये द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एन एलिवेटेड मतलब एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, बिल्कुल सही बात है, ये समुद्री पर्वत जो नीचे मतलब डूबे हुए होते हैं सबमर्ज होते हैं निमंजित पर्वत है उन्हीं श्रेणियों के शिखर हैं ये, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है कि दीज आइलैंड लाइज क्लोज टू द इक्वेटर, ठीक है, ये द्वीप जो है विषुवत वृत्त के समीप जो है स्थित हैं, तो ये बिल्कुल सही है आपका, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। तीसरा ये कि मतलब ये बोले जा रहा है कि ये जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार ये क्लोज हैं किसके इक्वेटर के समीप है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा ये कि इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो आपको बैरन पता होगा बैरन आइलैंड तो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, बिल्कुल सही बात है, भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो अंडमान निकोबार के जो बैरन द्वीप पर अवस्थित है, ठीक है, तो तीनों के तीनों आपके जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, और इसमें बताना क्या है सही ही चुनना था, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा जो कि डी में दिया गया, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और ये ड्रेनेज से रिलेटेड है रिवर सिस्टम से, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है देखिए उसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को हमको रिकॉग्नाइज करना है कि द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन, उसी की अपवाद रोड़ी कहलाती है जो रिवर सिस्टम होता है, मतलब एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल जो है प्रवाहित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपवाह द्रोणी जो है वो बोला जाता है, पहला जो क्वेश्चन है आपका इसमें, ठीक है। और जो दूसरा लिखा हुआ है इसमें स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट है दूसरा कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है उसको जल विभाजक बोलते हैं, ये वाटर डिवाइड की बात कर रहे हैं, एनी एलिवेटेड एरिया दैट सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड, तो बिल्कुल सिंपल है दोनों क्वेश्चन, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स आपका, ये क्वेश्चन आपका, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका जो आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 हो जाएगा। देखिए अगर नदियों की बात करिए वाटर डिवाइड की बात कर रहे हैं, वाटर डिवाइड में भी ना दो तरीके के होते हैं वाटर डिवाइड, मतलब क्या वाटर डिवाइड तो समझ में आ रहा होगा ना कि दो जो आपके ड्रेनेज बेसिन हैं उनको वो सेपरेट कर रहे हैं, है ना, कोई एलिवेटेड ऐसा जो है वैसा लैंड आ गया या कोई भी जो लैंड फॉर्म है, तो इसमें भी परफेक्ट और इम्परफेक्ट, जैसे आप देखिए परफेक्ट में बात करेंगे ना आप तो इसमें वेस्टर्न घाट वाला पार्ट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी नदी इसको पार नहीं कर पाती, सिर्फ दर्रों से ही इसके इधर उधर जा पाना मतलब मुमकिन हो पाता है। अब हिमालय की बात करें तो वो क्या है इम्परफेक्ट वाटर डिवाइड है, जैसे कि इंडस जो नदी सिंधु नदी देखेंगे तो तिब्बत से निकलकर फिर उसको तिब्बत को उस निकल जाती है मतलब हिमालय को पार कर जाती है, ठीक है ना, तो ये आपका ये याद रखिएगा वाटर डिवाइड में भी दो कंसेप्ट होते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका जो आंसर है वो 1 और 2 बोथ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और ये क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसमें भी जो है आपका वो जो है सही स्टेटमेंट के बारे में हमको बताना है। पहला ये कि विश्व की जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो अमेजन बेसिन की, मतलब वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो किसका है आपका अमेजन का है, तो पहला वाला जो है आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि जो भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी गंगा नदी की नहीं भैया ब्रह्मपुत्र की है, अगर अपवाह द्रोणी की बात कर रहे हैं ड्रेनेज बेसिन की बात कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ी जो है वो ब्रह्मपुत्र की है ना कि गंगा नदी की है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है पहला सही है, तो ओनली वन क्योंकि सत्य बताना था तो ए हो गया इसका ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, इसमें लिखा है कि भारत में अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमको यहां पर विचार करना है, स्टेटमेंट दिया बताना है कि कौन सा गलत है। पहला ये कि इसका
नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है, ठीक है। अगर ड्रेनेज सिस्टम को देखें, इट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स। बिल्कुल सही है, रिलीफ कैसा है, अब रॉक्स कैसी, हार्ड रॉक्स हैं कि सॉफ्ट है ना, वहाँ कैसा होगा, अरीय होगा, रेडियल होगा, है ना, आप पढ़ते होंगे ना ये सब, तो अभी अपन देखेंगे आगे रिवर सिस्टम में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। बिल्कुल सही बात है ना। तो इसमें से असत्य अपने को कथन बताना है कि कौन सा आपका असत्य। तो भैया कोई भी कथन असत्य नहीं है, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है इंग्लिश में देख लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो दोनों बोलते हैं ना कि भैया प्रायद्वीपी नदियाँ जो है सदा नीरा नहीं है, हिमाली नदियाँ हैं जो सदा नीरा है, क्योंकि उनको जो सोर्सेज हैं वो ग्लेशियर वगैरह भी हैं। यही पूछना चाह रहा है ना कि दो तरीकों में हम देखते हैं कि प्रायद्वीपी नदियाँ और हिमालय नदियाँ, और तुलना वगैरह में भी मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और असत्य चुनना था तो नन इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखेंगे हम, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर का, और इसमें भी हिमालयी नदियों के बारे में जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वहीं से फ्रेम किया गया है क्वेश्चन। कि पहला ये कि ये पेरिनियल है, बारहमासी हैं, इनमें वर्ष भर पानी रहता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों रहता है इनके पास, क्योंकि वर्षा के साथ साथ ऊँचे पर्वतों से हिम, मतलब जो पिघली हुई हिम होती है, ग्लेशियर वगैरह जो है, वो भी उनके जल की आपूर्ति का एक सोर्स है। बिल्कुल सही बात है कि दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द जो आपका माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन्स, जो ग्लेशियर वगैरह। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी, कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। भैया जितनी काइनेटिक एनर्जी, जितनी ऊर्जा रहेगी, उतने ही तो वो अवसाद लेके आएंगी। तो तीव्र अपरदन भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती, बिल्कुल ठीक है ना, सेडिमेंटेशन से लेके चलिए उसको। और जो लास्ट स्टेटमेंट है कि ऊपरी भागों में विसर्प, गोखुर झील और मुहाने पे पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती। मुहाने वाला तो ठीक है डेल्टा, लेकिन ये ऊपरी भागों में विसर्प और गोखुर नहीं है भैया, ये आपका मिडिल वाले पार्ट में, मध्य वाले पार्ट में है आपका, ठीक है ना। इन The upper course these rivers form meanders, oxbow lakes, gorge, और वी अकर की घाटियां कहां बनेंगी, ठीक है, एंड ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। तो आप मुहाना वाला तो ठीक है डेल्टा। तो चौथा जो स्टेटमेंट है वो भी आपका गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, और इसे बताना क्या था कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है, जो कि 1, 2, 3 है, ठीक है। इसका आंसर आपका बी होगा, जो मिडिल वाला पार्ट होता है ना, अगर लोअर पार्ट की बात करें, लोअर तो आपका मुहाना वाला हो ही गया, मिडिल वाला पार्ट है वहाँ पे आप मेंडरिंग देखते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद गोखुर झील, जो ऐसा कोई पार्ट सीधे सीधे हट के अलग हो जाता है जब शैलो में बदलाव आता है वहाँ की, है ना, कि वहाँ किस टाइप की रॉक्स हैं, हार्ड रॉक है कि सॉफ्ट रॉक है, इसलिए अलग अलग ये क्या बनती हैं आपकी जो स्थलाकृतियाँ हैं, तो उन्हीं में से ये एक है जो नदियाँ बनाती हैं। तो ये ऊपरी भागों में नहीं है, वो जो गॉर्ज और महाखड्ड जो आप भैया बिल्कुल परपेंडिकुलर वो इरोजन करती हैं जब उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है होती है, ठीक है। थोड़ा समझ लेते हैं इसको अपन कि नदियों का अगर काम देखे तो होता क्या क्या है। अगर नदियों का अगर काम देखे तो तीन तो काम है भैया, पहला तो इरोजन है आपका, ठीक है, इरोजन की बात करते हैं, जो अपरदन है आपका। दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें वो परिवहन करती हैं। तीसरा है डिपोजिशन, तीन ही काम है इनके, जहां जमाव करेंगी, निक्षेपण करेंगी। अब नदी जब युवावस्था में होगी तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी, आप काइनेटिक एनर्जी देखेंगे ना, तो जैसे वो युवावस्था में है, यंग में है, इसके बाद जैसे जैसे फिर उसकी एज बढ़ती जाएगी, वृद्धावस्था में जाती जाएगी, तो वहां पर फिर क्या होती, काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो क्या करती है, रिएक्शन भी करती हैं। तो अगर आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, अगर युवावस्था की बात करें, केवल अपरदन करती हैं, केवल इरोजन करती हैं, वहां पर डिपोजिशन जो है वो नहीं होता। अगर आप उसके बाद देखेंगे, अगर प्रौढ़ावस्था की बात करें, एडल्ट वाली में, है ना, तो वहां पर आपका डिपोजिशन भी होगा और आपका इरोजन भी होगा। लेकिन फिर उसके बाद अगर आप बिल्कुल, मतलब डेल्टा वाला जो एरिया जो देख रहे हैं, वृद्धावस्था की बात करें, ओल्ड एज की नदी की, तो वहां पर सिर्फ वो डिपोजिशन करती हैं। मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो कम होती जाएगी तो होगा क्या, अपरदन और अवसाद ले जाने की उनकी जो क्षमता है वो कम होती जाएगी, ठीक है ना। जो इरोजन की जो उनकी कैपेसिटी है, और जो मतलब वो जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो उनके सेडिमेंट्स ले जाने की शक्ति, वो भी तो कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो है उनकी कम होती जा रही है, ठीक है। और नदी की जो भार वहन क्षमता है वो किस पे डिपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी पे। क्यों करेगी, हाफ एम बी स्क्वायर, वो सीधे सीधे स्लोप पे डिपेंड करता है, जितना ढाल तीव्र होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्या है कि जो एक्चुअल लोड है और लोड कैरिंग कैपेसिटी है, उसी को अपन बोलते हैं क्या कि ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इरोजन जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो वर्टिकल होता है आपका और एक आपका लैटरल होता है। तो जो रिवर का बेड का इरोजन होता है युवावस्था में, जैसे वी शेप की घाटी, आई शेप की, तो वो आपका वर्टिकल वाला है, वो आपका क्या है, युवावस्था का। और नदी के किनारे जो साइड वॉल्स इरोजन, जो प्रौढ़ावस्था में डेल्टा वगैरह देख रहे हैं, तो वो लास्ट वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे इतना काफ़ी है, और उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और इसमें प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है,
अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी स्टेटमेंट है पहला कि आर डिपेंडेंट ऑन मानसून रिवर्स एंड ईयर टू फार्म, मतलब ये कि ये जो देखिए ये फार्म नहीं है, इसमें कृषि वगैरह नहीं है, ये बोलना ये चाह रहे हैं कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये एक तो मौसमी नदियां हैं, मतलब इनको सीजनल बोला जाता है, जैसे वो उनको पेरिनियल बोला जा रहा था बारहमासी, क्यों, क्योंकि जो ये है इनका जो प्रवाह है वो सिर्फ वर्षा पर निर्भर करता है, जो मेन इनका सोर्स है वो वर्षा है, कोई ग्लेशियर वेलेशियर की इनको आपूर्ति नहीं होती, सप्लाई नहीं होती पानी की, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा ये कि इनकी लंबाई कम है और छिछली इसीलिए है भैया, दे हैव शॉर्ट लेंथ एंड इरेगुलर, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि प्रायद्वीपी भारत की जो अधिकांश महत्वपूर्ण नदियां हैं पश्चिमी घाट से निकलती हैं आपकी और जाती महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी, कावेरी, और जो आप देख रहे हैं है ना, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी देख रहे हैं जो आप, वो वही बोल रहे हैं, पश्चिमी घाट से निकलती, त्र्यंबकेश्वर हो गया, महाबलेश्वर हो गया आपका, और वो जाती कहाँ है, अरब सागर की ओर, तो नहीं भैया वो जाती हैं आपकी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, ना कि वहाँ जा रही है, अरब सागर में तो नर्मदा और तापी जा रही हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला सही है, तीसरा जो है स्टेटमेंट कि अरब सागर में की तरफ बहती हैं ये गलत है, चौथा ये कि नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियाँ हैं जो पंजाब मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ पूरब दिशा में बहती हैं, मतलब जो नर्मदा तापी ये बोल रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में, कहाँ से बहेगी भैया बंगाल की खाड़ी में, ये तो अरेबियन सी में जा रही हैं, रिफ्ट वैली से सीधे बहते हुए ये दोनों के दोनों एस्चुरी बनाती हैं, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत है और जो थर्ड स्टेटमेंट वो गलत है, पहला और दूसरा सही है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं भैया कि मैक्सिमम रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लोस टुवर्ड्स अरेबियन सी, नहीं भैया मतलब बे ऑफ बंगाल में जाती, बंगाल की खाड़ी में, और नर्मदा और तापी जो है दो ऐसी रिवर्स हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं अरब के सागर की तरफ बहती हुई अरब सागर में जाती हैं, ईस्ट डायरेक्शन में बहती हुई ऐसे, ठीक है ना, तो आपका इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए जो फर्स्ट और सेकंड है वो बस सही है, बाकी जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है, तो इसका आंसर आपका वन एंड टू और हो गया बी में है आंसर, ठीक है ना, बी है इसका आंसर, वन एंड टू ओनली। इसके बाद है कि सिंधु नदी जो है उसकी सहायक नदियों का नॉर्थ टू साउथ में अपने को अरेंज करना है, मैंने आपको कई बार बताया कि ये इंडस है, इंडस की अब सहायक नदी सिंधु है ना, फिर उसके बाद झेलम है, फिर चेनब है, फिर राबी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है, ये इंडिया और ये आपका पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में आपका इंडस जो आपका वाटर ट्रीटी है 1960 वाला, जिसमें मीडिएटर कौन था, वर्ल्ड बैंक था, सबसे सक्सेसफुल ट्रीटीज़ में इसको माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है इसलिए, ठीक है ना, सहिष्णुता जो टॉलरेंस है जो दिखाया गया है ना पड़ोसी देश के नाते, और अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है वो अपन IR वगैरह में देखेंगे, तो इसमें ऐसे ही है बिल्कुल, नॉर्थ टू साउथ मतलब क्या है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, आप उसी साइड से लगा लीजिए, सिंधु है ना, झेलम मतलब फाइव, चेनाब ठीक है, फिर सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी ठीक है, फिर उसके बाद ब्यास ठीक है, फिर उसके बाद सतलज, मतलब 5 3 4 2 1 जो कि ए में दिया गया है, मतलब अगर नॉर्थ टू साउथ देखें तो इंडस और इंडस का जो है ट्रिब्यूटरीज वाला पूरा सिस्टम अपन देखना है ना, इंडस जो रिवर सिस्टम है, तो इंडस फिर उसके बाद झेलम फिर चेनाब ठीक है, मतलब सिंधु, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज, आपको समझ में आ गया होगा, इसी हिसाब से 5 3 4 2 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नॉर्थ टू साउथ की बात कर रहे थे ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम की, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें जो आपका मतलब शब्द दिए गए हैं और पूछा जा रहा है किससे संबंधित है, तो पहला डेंड्रिटिक, दूसरा ट्रेलिस, तीसरा रेडियल और चौथा रेक्टेंगुलर, ये सब के सब ड्रेनेज पैटर्न है भैया, कहाँ से नदी निकल रही है उस कारण से कैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो इसका सीधा सीधा फैक्चुअल बिल्कुल जानकारी है ये है ना, कि ये ड्रेनेज पैटर्न से रिलेटेड है। पहला जो स्टेटमेंट है अपवाह तंत्र, तंत्र नहीं भैया प्रतिरूप है, तो बी में दिया गया है अपवाह प्रतिरूप, तीसरा अपवाह द्रोड़ी और चौथा जो है नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर अपवाह प्रतिरूप होगा। इंग्लिश में देख लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज बेसिन और नन ऑफ द, ये भैया ड्रेनेज पैटर्न है ठीक है ना, इसको बोला जाता है ड्रेनेज पैटर्न, आपने सुना होगा ना, थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए डेंड्रिटिक जो बोला जा रहा है, डेंड्रिटिक जो होता है वो होता क्या है डेंड्रिटिक ठीक है, ये सब रॉक वहां पे कैसी है, कैसी मतलब इस्तला करती है, उस पे डिपेंड करता है ठीक है ना, तो देखिए जो डेंड्रिटिक है आपका जिसको हिंदी में बोला जाता है वृक्षाकार, मतलब वृक्ष के आकार का होगा, एटिमोलॉजी ठीक है, डेंड्रिटिक तो कैसा होता है, ऐसी कोई स्ट्रीम आ रही है, अब उसमें जो मतलब उसकी सहायक नदियां ऐसे आके मिल गई है ना, ऐसे आके मिल गई, तो आपको आकृति कैसी दिख रही है, मतलब वृक्ष के आकार की, ये होता कैसा है, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे ना तो सर्वाधिक स्तर पे पाई जा रही कॉमन जो है वो यही है, डेंड्रिटिक है, जैसे हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, जो गंगा सिंधु का मैदान देखेंगे, कृष्णा, गोदावरी, जहां पर बहुत ज्यादा मतलब सहायक नदियां होती हैं वहां पर ठीक है, और ये ऐसे क्षेत्र में बनती हैं जो नॉर्मली जो है प्लेन एरिया है, समतल एरिया है, वहां पर आपका डेंड्रिटिक वाला जो है वो दिखाई देता है, क्या वृक्षीय जो प्रणाली है ठीक है। दूसरा जो है आपका उसको ट्रेलिस जो लिखा है, जाली नुमा, ये कहां होता है, जब जो सहायक नदी है ना वो अपनी जो मेन स्ट्रीम है, जो मात्र उसकी सरिता है, उससे 90 डिग्री
का कोण बनाते हुए मिलती है तो उसे बोलते हैं जाली नुमा। ठीक है, देखिए ऐसे समझिए कि ये कोई एक्सट्रीम है। अब इसमें जो सहायक नदियाँ आ रही हैं ना, बिल्कुल 90 डिग्री पर आ रही हैं। ठीक है, ऐसे 90 डिग्री में, तो फिर ये ऐसा दिखाई देता है जैसे ये मान लीजिए कोई वाटर डिवाइड है। ठीक है, ये वाटर डिवाइड है और ये आप ऐसा डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, अगर 90 डिग्री पे अपनी मेन स्ट्रीम से आके मिल रही हैं जो उसकी सहायक नदियाँ, तो उसको जालीनुमा प्रणाली ट्रेलिस बोला जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे आप तो नर्मदा का सिस्टम देखिए आप, या राइन का देख लीजिए, मतलब मेनली ब्रंच घाटी से बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, वहाँ पर आप देख लीजिए राइन का और नर्मदा का। ठीक है, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये रेडियल लिखा हुआ है। अब रेडियल समझिएगा, ये कोई क्षेत्र विशेष है, थोड़ी ऊँची भूमि, जो क्षेत्र डोम शेप हो, है ना, शेड प्लेट हो, गुंबदाकार पहाड़ी वगैरह हो, तो वहां पे जैसे निकलेंगी नदियां तो ऐसे निकल रही है ना, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको अरीय प्रभाव। ठीक है, और क्यों बोला जाता है इसको अरीय प्रभाव, है क्योंकि जैसे आप अमरकंटक का प्लेटू वाला एरिया देखिए, ठीक है, तो वहां पर क्या है आपका ओजार्क है, मतलब जैसे यूएसए में है ओजार्क प्लेटू आप उधर देखेंगे, और जॉस प्लेटू देखेंगे अफ्रीका का, तो वहां पर आपको इस तरीके का क्या दिखाई देगा, क्षेत्र दिखाई देगा जहां पर रेडियल पैटर्न होगा नदियों का। ठीक है, जहां गुंबदाकार होगी पहाड़ी। ठीक है, इसी का जो अपोजिट होता है ना रेडियल का, उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल पैटर्न, मतलब अभिकेंद्रीय, है ना, जो मतलब क्या है सेंट्रिपिटल में क्या होता है कि इसमें क्या बाहर की तरफ निकल रही थी, यहां सब अंदर की तरफ आ रही होंगी। ठीक है ना, इस तरीके से, मतलब सेंट्रिपिटल, स्थलबद्ध झील, जैसे आप मान लीजिए सांबर झील, कच्छ का क्षेत्र, वो सब है इसमें। ठीक है, इसके बाद जो आपका बच गया इसमें एक है आपका रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर अगर आप ऐसे वो जो रॉक्स होती है जैसे वहाँ पर अब किस तरीके की मिट्टी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, तो सीधा चल रहा है, फिर वहाँ सॉफ्ट आ गया तो वो मुड़ गया, इस तरीके से जो पैटर्न होता है उसको बोला जाता है क्या, कि जो आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न है किसका, ड्रेनेज का। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और ये मैंने बता दिया आपको, सब कुछ समझा दिया, इसका आंसर जो है ये ड्रेनेज पैटर्न से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा जो है आपका वो स्टेटमेंट इसमें से सही है। ठीक है, कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो जो पहला है इसमें से, इसमें देखिए अपने को बताना ये है कि कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में यहाँ पर छूट गया है टाइपिंग की वजह से, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला ये कि सिंधु नदी का जो उद्गम है मानसरोवर, जो झील है अपनी, मानसरोवर जो लेक है उसके निकट होता है, तिब्बत में होता है, बिल्कुल सही है। इंडस रिवर का जो ओरिजन है वो तिब्बत के पास मानसरोवर लेक से होता है, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि भारत में कश्मीर के लद्दाख से ये प्रवेश करती है भारत में, सिंधु नदी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, झेलम है, रावी है, चेनब, ब्यास, सतलज, ये किसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, और पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, इसलिए इसका नन ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट सही हैं, डी इसका नन ऑफ द अबव इसलिए होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछ रहा था। ठीक है ना, सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक है इंडस जो रिवर सिस्टम है उसको लेके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इंडस जो वाटर ट्रीटी है भारत पाकिस्तान के बीच में उसको लेके है ये। पहला ये कि 1960 में ये भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच, नहीं भैया अफगानिस्तान नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, बताना क्या है सत्य कथन, तो पहले को तो एलिमिनेट कर दीजिए आप। ठीक है, दूसरा ये कि इसके अनुसार भारत किस इस नदी के, किस नहीं, इस नदी के, सिंधु नदी और उसके पूरा जो तंत्र है, प्रक्रम के संपूर्ण जल का 20%, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 40-40, नहीं भारत को तो 20% है, अफगानिस्तान है ही नहीं है, उसको 80% जल वो यूज कर सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका जो है वो गलत है, पहला भी गलत है, तीसरा ये भारत इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट वन लिखा गया है आपका, ठीक है, कि ये जो है सिंचाई के लिए इसका पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि सिंचाई के लिए तो यूज़ करते हैं ना, रावी, ब्यास, सतलज जो आप देख रहे हैं अपन, है ना, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है और सत्य पूछा तो ओनली थ्री इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर का, और गंगा नदी सिस्टम से ये जो रिवर सिस्टम है उससे उठाया हुआ क्वेश्चन है। पहला ये कि जो भागीरथी और अलकनंदा है देवप्रयाग में मिलती है उत्तराखंड में, और वहाँ बोला जाता है क्या उसको गंगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, भागीरथी और जो अलकनंदा है वो देवप्रयाग में मिलती हैं और तब जाके वहाँ पर गंगा का निर्माण होता है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये यमुना, घाघर, जो घग्गर है और गंडक है, कोसी है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गंगा की, बिल्कुल सही बात है, यमुना, घाघरा और जो आपकी गंडक है और कोसी नदियाँ गंगा की सहायक नदियां। तीसरा ये कि गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, देखिए द्रोणी जो है वो आपकी पहले देख चुके हैं आपकी किसकी सबसे बड़ी द्रोणी है,
द्रोणी तो ब्रह्मपुत्र की थी, लेकिन भारत में स्थित जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी गंगा है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही हो गया। लास्ट स्टेटमेंट ये है कि हरिद्वार के पास ये गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। नमामि गंगे जब से प्रोग्राम आया आप रेगुलर देख रहे होंगे, प्लेन एरिया में ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है आपका वो भी बिल्कुल ठीक है कि एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेज ऑन टू द प्लेन्स, और गंगा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये अपन देख चुके, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65th नंबर का, और इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहला ये कि रिवर यमुना इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ऊपर ही देख लिया अपन ने कि यमुना गंगा की मुख्य सहायक नदी, पहला ठीक। दूसरा यमुना दक्षिण दिशा से गंगा में इलाहाबाद में मिलती है, बिल्कुल सही बात है, चंबल बेतवा केन यमुना जो है ऐसे मिलती है गंगा में, आप मैप में देखेंगे तो, अगर इंडिया के मैप में आप यहां देखेंगे तो ये ऐसे नीचे से मिलती है, सोन भी है जो नीचे से आ रही है। रिवर यमुना मीट्स रिवर गंगा एट इलाहाबाद फ्रॉम द साउथ, मतलब दक्षिण से आकर उसमें मिलती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तीसरा यह चंबल बेतवा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना विच कम्स फ्रॉम द पेनिनसुला अपलैंड, तो देखिए चंबल जो है वो कहां से निकल रही है, इंदौर के पास एक क्षेत्र है जानापाव की पहाड़ी महू के पास, वहां से निकलती है। बेतवा जो है आपका मुलताई है एरिया एमपी में, ठीक है, वहां से निकलती है, ये भी जो है आपका ये भी बिल्कुल ठीक है, तापी बेतवा ये सब एमपी की है ना आपकी, बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल ठीक है, पेनिनसुलर जो अपलैंड है जो मध्य उच्च भूमि है जो आपकी प्रायद्वीप वाली वहां से निकलती है, ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो है चंबल बेतवा ये यमुना की ही क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा चंबल बेतवा केन। तो नेक्स्ट जो है कि सोन नदी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से क्या निकल के गंगा में दक्षिण की तरफ से मिलती है, देखिए दक्षिण की तरफ का मतलब समझ रहे हैं, इनका जो फ्लो है ना वो ऐसा है, अब ये एमपी है, एमपी से इधर अब यूपी में जाके ये यहां पे मिल रही है बिहार में, तो ये दक्षिण की तरफ से आके मिल रही है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट इनके बिल्कुल ठीक हैं, और मैप बेस्ड ये भी क्वेश्चन है, और जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो ऑल हो जाएगा, ठीक है, सभी कथन सत्य हैं जो डी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा जो नगर है वो सिंधु, जो आपका सिंधु है और जो गंगा नदी तंत्र है उसके बीच जल विभाजक पर क्या है अवस्थित है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर, तो ये आपका अंबाला वाला एरिया है, ये अंबाला ही है, ठीक है, जो आपके वाटर डिवाइड पे है सिंधु और गंगा के, है ना, बीच जल विभाजक पर स्थित है वो अंबाला है आपका, तो ये सीधा फैक्चुअल जानकारी थी, ठीक है, मैप जरूर देखते जाइएगा, ये अंबाला है इसका आंसर। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा किसके संबंध में है ये कथन, मतलब किस नदी के संबंध में, उसके बारे में स्टेटमेंट। पहला ये दिस रिवर फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय, ईस्टवर्ड में ये ऐसे क्या कर रही है, पैरेलल चल रही है, ठीक है। दूसरा ये इट टेक्स अ पैरेलल टर्न्स एंड इंटर्स थ्रू अ गॉर्ज, ठीक है। तीसरा ये कि दिबांग लोहित केनुला आर इट्स ट्रिब्यूटरीज, नॉर्मली आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं, ये नदी हिमालय के समानांतर पूर्व की तरफ बहती है, अरुणाचल वगैरह आप देख रहे हैं, है ना, असम में माजुली द्वीप वगैरह देख रहे हैं, अंग्रेजी की यू अक्षर जैसा महाखंड गॉर्ज बना के प्रवेश करती है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तीसरा ये कि दिबांग लोहित केनुला जो है इसकी सहायक नदियां हैं, बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका क्या, ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर रहे हैं, और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 68 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, और इसमें ब्रह्मपुत्र से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको तो पता ही होगा ना कि ये नामचा बरवा के शिखर के पास यू अक्षर का जो है जैसा मोड़ बना के भारत में अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से ये क्या करती है, प्रवेश करती है, मतलब अरुणाचल में गॉर्ज, अब ये गॉर्ज इंग्लिश में भी गॉर्ज है और हिंदी में भी गॉर्ज है, ठीक है, तो ये आपका आपको समझ में आ रहा होगा। पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी अनेक धाराओं में बटके एक क्या होती है, गुम्फित नदी के रूप में बहती है, बिल्कुल जो है ये देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि द ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवर आइलैंड, बिल्कुल ठीक बात है, जो माजुली वगैरह है उनकी उनके तरफ जा रहे हैं ये। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा कई नदी द्वीपों का निर्माण किया गया, ये भी बिल्कुल ठीक है, नदी द्वीपों का निर्माण है, माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, तीसरे स्टेटमेंट में वही लिखा है कि माजुली इज द सेकेंड, मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन, सेकेंड वगैरह नहीं है, सबसे लार्जेस्ट है, वही लिखा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो माजुली है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है असम में, और यह पहला द्वीपीय जिला है कहां का, भारत का, भारत का पहला द्वीपीय जिला भी इसको घोषित किया गया, इसलिए ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, ये फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है कहां का, इंडिया का, ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसमें पूछ रहा है कि इनकरेक्ट बता दीजिए भैया, तो कोई नहीं इनकरेक्ट, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें प्रायद्वीपी जो पेनिनसुलर जो इंडिया है अपना उसकी जो रिवर्स हैं जो इंपॉर्टेंट, उनको अपने को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, इसमें गोदावरी कावेरी नर्मदा तापी कृष्णा और महानदी दिया गया है,
ठीक है, क्या दिया गया है इसमें? अब देखिए, इसमें सबसे अगर हाइट में और सबसे नीचे अगर आपको पता है तो आप वैसे भी अरेंज कर ले जाएंगे। अब देखिए, आप नर्मदा और तापी की बात करें तो कहाँ पर है नर्मदा और तापी? तापी मैंने बताया, देखिए ये एमपी में ही है, तापी भी है, बेतवा भी है। तो तापी जो है वो रायसेन के पास है ना, तो तापी जो नदी है वो भी एमपी से निकल रही है। तो नर्मदा और तापी, नर्मदा कहाँ से? अमरकंटक से, ठीक है ना। नर्मदा, सोन और जोहिला जो तीन नदियाँ हैं अमरकंटक प्लेटू से, अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। तो वो जो है आपकी, ये तो आपका एमपी वाला एरिया हो गया, तो सबसे ऊपर क्या हो गया आपका? नर्मदा और तापी ही तो आएगा ना। तो देखिए 3/4 तो सब में दिया गया है। उसके बाद महानदी, देखिए छत्तीसगढ़ वाला रीजन है वो भी, ठीक है, वो मतलब अमरकंटक से उस साइड में ही वो भी जुड़ा हुआ एरिया है, ठीक है। तो ये जो है आपका तीसरा जो है आपका वो महानदी, मतलब सबसे ऊपर आपका नर्मदा, देन तापी, फिर उसके बाद आपका महानदी, मतलब क्या हो गया आपका 3, 4 और 6। उसके बाद महानदी के बाद आपको देखना है कि कौन सी नदी है। सबसे साउथ में आपकी कावेरी आएगी, ये आपको पता है। कावेरी की आप ऊपर आप देखेंगे कृष्णा नदी आएगी, कृष्णा के ऊपर आपकी गोदावरी आएगी, ठीक है। तो गोदावरी जो है 152, मतलब 3, 4, 6 और 152 इसका ए आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं इसको और ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें बताना कौन सा सही है। पहला ये कि मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर जो इंडिया है वो फ्लो करती हैं ईस्टवर्ड, मतलब पूर्व की तरफ बहती हैं। प्रायद्वीपी भारत की अधिकांश मुख्य नदियां जो हैं आप देखिए वो सब पूर्व की तरफ बह रही हैं, कहाँ? बंगाल की खाड़ी की तरफ, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं, केवल नर्मदा और तापी ही दो बड़ी नदियां हैं। देखिए नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियां हैं जो अपना ईस्ट की तरफ अरेबियन सी में जा रही हैं, बिल्कुल सही है। कि देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लोज कहाँ, जो वेस्ट की तरफ जा रही हैं, कहाँ? पश्चिमी घाट से निकल के कहाँ? आपकी अरब सागर की तरफ जा रही है, ऐसे याद रखिए। नर्मदा और तापी ही दो बड़ी नदियां हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। तीसरा ये कि ड्रेनेज बेसिन जो है पेनिनसुलर रिवर्स का आर कंपैरेटिवली, जो कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, मतलब प्रायद्वीपीय नदियों की जो अपवाह द्रोणी है वो अपेक्षाकृत आकार में छोटी है। तो किसकी अपेक्षा? हिमालयी नदियों की बात कर रहे हैं ये, है ना, जो बाइफरकेशन करते हैं। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑल होना चाहिए, जो डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 71st नंबर का क्वेश्चन है और इसमें जो रिवर्स हैं और इनके जो उद्गम स्थल हैं, मतलब ओरिजिन प्लेसेस है, उसको अपने को मैच करना है। नर्मदा कहाँ से निकली मैंने आपको बता दिया, अमरकंटक से है। तापी जो है आपकी कहाँ से निकली है, बैतूल में है, मुल्ताई है, ठीक है, और बेतवा वगैरह भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। और महानदी जो है आपकी वो कहाँ से निकलेगी आपकी, तो जो महानदी है आपकी वो निकलेगी, जो ये उच्च भूमि लिखा है, देखिए हिंदी में यहाँ पर जो है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में देखिए सेंट्रल हाईलैंड, ये मध्य उच्च भूमि है, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है। इंग्लिश में बिल्कुल ठीक लिखा है, सेंट्रल हाईलैंड छत्तीसगढ़, तो ये जो मध्य उच्च भूमि है ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये किसका है? महानदी का होगा। सी का 3 हो गया, ठीक है, ए का आपका हो गया 4, मतलब अमरकंटक। तापी का आपका बी का 2 होगा। गोदावरी और कृष्णा, कृष्णा जो है आपका वो महाबलेश्वर है और गोदावरी जो है आपका वो त्र्यंबकेश्वर है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको मिला लीजिए तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 4 जो है 2, 3, 5, 1, ठीक है। मतलब नर्मदा का आपका 4 हो गया, तापी का आपका 2 हो गया, महानदी का आपका 3 हो गया, गोदावरी का जो हो गया आपका वो 5 हो गया, और कृष्णा का आपका 1 हो गया जो महाबलेश्वर हो गया, ठीक है। तो 4, 2, 3, 5, 1, ठीक है, 4, 2, 3, 5, 1 सी में है, ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है, मैप बेस्ड है, आप देख जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी के बारे में, ये क्वेश्चन है और स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। तो पहला ये कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, ये सबसे बड़ी नदी है किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं भाई कि ये सबसे बड़ी क्या है आपकी? प्रायद्वीपीय नदी है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा ये कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजरा, वेन गंगा, पेन गंगा सहायक नदियां, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये आकार और विस्तार के कारण इसको दक्षिण की गंगा, तो बिल्कुल सही बात है, दक्षिण गंगा बोला जाता है किसको? गोदावरी को। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका सत्य ही बताना था, इसका आंसर आपका डी ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर झील के नाम दिए गए हैं, स्थान कहाँ से वो संबद्ध हैं उसके बारे में बताना है अपने को, ठीक है। तो देखिए जो चिल्का है वो आपको पता है उड़ीसा है, ठीक है। पुल्लीकट जो है आपका वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में है, किसमें किसमें है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कोलेरू जो है आपका वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो बैम्बनाड है आपका केरला में है। अब देखिए आप देखिए इसमें जो आपका पुल्लीकट लिखा हुआ है, इसलिए इसमें जो पुल्लीकट की मैचिंग आएगी वो बी का 3 आएगा, ठीक है, 3 में है अभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, 2, 3, 1, 4, मतलब चिल्का का उड़ीसा हो गया,
ठीक है, पुलिकट का आपका तमिलनाडु हो गया, कोलेरू का आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और वेम्बनाड का अपना केरल हो गया, है ना। आप याद रखिए पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों हैं, इसमें तमिलनाडु था, मैच करना था, तो यही ऑप्शन है इसमें, बिल्कुल ठीक है, सही है, और आंसर इसका 2314 हो जाएगा, है ना, करेक्टली मैच करना था। नेक्स्ट वन है कि असंगत इसमें से चुनना है, चिल्का झील जो है आपकी वो सॉल्ट वाटर है, बिल्कुल सही बात है, वुलर जो है आपकी फ्रेश वाटर मतलब लवणी और अलवणी, तो वुलर क्या है, अलवणी नहीं भैया, मीठे पानी की झील है वुलर, ठीक है। तो J&K वाले एरिया में आप मैप में देखेंगे वुलर आपको दिखेगी, मीठे पानी की फ्रेश वाटर की लेक जो है आपकी है, ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखा है कि वुलर झील जो है अलवणी है, मतलब फ्रेश वाटर है, देखिए मीठे पानी की झील है, अलवणी है, फ्रेश वाटर है, इंग्लिश में देखिए बिल्कुल ठीक लिखा है, हिंदी में भी बिल्कुल ठीक है, तो पहला सही है और मतलब दूसरा भी सही है। चिल्का झील आपकी कैसी है, खारे पानी की है, सॉल्टी वाटर हो गई, वुलर है जो है फ्रेश वाटर हो गई, मीठे पानी की झील हो गई, अलवणी हो गई, तो ये बिल्कुल ठीक है, वुलर झील वाला मीठे पानी की झील है ना, J&K वाले एरिया में। और उसके बाद जो है आपका सांभर झील जो है आपका वो भी लवणी है, आप जानते हैं। और लोकटक जो झील की बात कर रहे हैं ये मणिपुर वाला केइबुल लामजाओ वाला है भैया, ये मीठे पानी की झील है, ये सॉल्टी नहीं है, ये मीठी है, मीठे पानी की झील है। तो जो लोकटक है आपका तैरता हुआ जो आपका क्या है राष्ट्रीय उद्यान पूरे विश्व का एकमात्र जो है वो अपना क्या है, पहला जो है लोकटक है, फ्लोटिंग है वो नेशनल पार्क, ठीक है, तैरता हुआ, ठीक है, नेशनल पार्क लोकटक केइबुल लामजाओ, तो ये जो है आपका लोकटक मीठे पानी की झील है, डी ही असंगत है, बाकी बिल्कुल सही है। चिल्का सॉल्टी वाटर हुआ हो गया, वुलर मीठे पानी की होगी फ्रेश वाटर की, सांबर सॉल्टी वाटर हो गया, है ना, लवणी जो झील है वो है, लोकटक जो है मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन देखेंगे, इसमें स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा गलत है। पहला ये कि चिल्का लेक इज इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, ये पहले भी देख चुके हैं, चिल्का जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरा ये मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो भारत में वुलर झील है, क्या है, वुलर झील है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो आपका है वो बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये केइबुल लामजाओ जो है आपका, मतलब दूसरा वुलर लेक इंडिया की जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क सिचुएटेड इन लोकटक, जो लेक है मैंने आपको बता दिया लोकटक झील में अवस्थित है, केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि तैरता हुआ है, ठीक है। लास्ट तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही, बताना क्या है, असत्य, तो फोर्थ ही गलत होगा, देख लेते हैं। चिल्का जो है पुलिकट व कोलेरू पश्चिमी तट पर लैगून का उदाहरण है, ठीक है, अब ये पश्चिमी तट बोल रहे हैं, और बात चिल्का जो उड़ीसा की बात कर रहे हैं, पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश वाला, और कोलेरू जो जो आपका आंध्र प्रदेश, तो ये पूर्वी तट पे होंगे कि ये आपके पश्चिमी तट पे होंगे, पश्चिमी नहीं भैया पूर्वी तट है, इसलिए ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, और बाकी के सारे सही हैं, और गलत ही पूछा है, तो ऑनली फोर्थ सी में दिया गया, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्लाइमेटोलॉजी से आपका क्वेश्चन है ना, इंडिया की क्लाइमेटोलॉजी है, तो पहला ये कि जो मानसून की उत्पत्ति हुई है वो अरबी शब्द मौसम से हुई है, बिल्कुल सही बात है, द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड जो आपका मौसम होता है। दूसरा ये कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में, मतलब वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, सीधी सीधी ये डेफिनेशन है, रिवर्सल ऑफ विंड्स, ऋतु के अनुसार सीजन सीजन के हिसाब से, उसी को मानसून कहते हैं, द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड मानसून, मानसून का समय बोलते हैं, वही बिल्कुल सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसके दोनों स्टेटमेंट सही, बोथ इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, क्योंकि सही कथन ही अपने को इसमें रिकॉग्नाइज करना था, ठीक है। तो ये मानसून से रिलेटेड था, दोनों स्टेटमेंट बहुत इजी हैं, और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा गया है कि एक विशाल क्षेत्र में अल्प समय में मौसम की, अब ऊपर वाले में बिल्कुल सही कथन का चयन करना था ना, हाँ दोनों भी बिल्कुल इसीलिए सही है, ठीक है ना, बोथ इसका आंसर है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है कि एक विशाल क्षेत्र में अल्प समय में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का जो कुल योग है जलवायु कहलाता है, ठीक है ना, जो कुल अल्प समय लिख दिया, अरे भैया बहुत लंबे समय में, 30 साल से भी, 30 साल या 30 साल 25-30 साल उससे भी लंबे अवधि में मौसम का जो होता है, जो योग होता है उसकी अवस्थाओं का, विविधताओं का, वेरिएशन जो होता है वेदर कंडीशंस का, और जो होता है ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है, फॉर अ मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए, दीर्घकालिक समय के, उसको बोलते हैं क्लाइमेट, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है भैया, अल्प समय के लिए नहीं लॉन्ग समय के लिए होता है, तो पहला एलिमिनेट कर दीजिए आप, ठीक है। दूसरा ये मौसम एक विशेष विषय विशेष समय में किसी क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था बताता है, बिल्कुल सही बात है। वेदर रिफॉर्म रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमोसफियर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये शॉर्ट टाइम के लिए ना, मौसम और जलवायु में यही तो फर्क होता है, मौसम तो आप बता देते हैं ना कि हमारे यहाँ मौसम अभी कैसा है, आज थोड़ा सा यार धूप ज़्यादा निकली है, आज हमारे यहाँ ठंडी, लेकिन जलवायु तो आप नहीं बोलते ना कि आज तो जलवायु अच्छी थी, वो जलवायु लंबे टाइम के लिए, तभी बोलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज के अलग है क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल का अलग है, टुंड्रा का अलग है, टैगा का अलग है, वही चीज़ है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑनली बी, क्योंकि सत्य कथन का चुनाव करना था, ऑनली बी मतलब ऑनली टू, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी मानसून से रिलेटेड है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए मानसून के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ अ मानसून टाइप, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया वाली जो अपन देखते हैं कि किस टाइप की जलवायु क्लाइमेट, तो मानसून ही बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल ठीक बात है ना, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मानसून टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है एशिया में, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि डिस्पाइट इन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री, बिल्कुल सही बात है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी भारत की जलवायु जो अवस्था है उसमें स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, इसमें आप सीधा सीधा फर्क देख सकते हैं। देखते हैं ना मानसून में कि जो आपका ईस्ट से वेस्ट आप देखते जाएंगे तो सीधे सीधे वर्षा का वितरण आपको दिखाई देगा कि सीधे कम होता चला जाता है, उसी की बात कर रहे हैं। वो किसकी किसकी जो उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं, भिन्नता आ रही है, ठीक है ना, जलवायु पे, बिल्कुल सही बात है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, और इसमें बोल रहा है कि असत्य बता दीजिए, तो कोई नहीं असत्य, नन ऑफ द एबव हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन से जो मतलब कारक हैं वो जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं, तो पहला है अक्षांश, ठीक है, लैटिट्यूड, बिल्कुल सही बात है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं अपन। दूसरा एल्टीट्यूड है ना, हाइट की बात कर रहे हैं अब भैया, मतलब कोई भी हिल है उसके नीचे वाले एरिया में और ऊपर वाले एरिया में, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या है आपका कम होता जाएगा ना, उस हिसाब से तो वहाँ पे क्लाइमेट में भी देखने को मिलता है ना कि नीचे से ऊपर जाते जाएंगे तो पहले कोनल शेप में, फिर ऊपर जाते जाते तो आपको कैसे लॉस और माइकेन जो है आपका मिलने लग जाता है, मॉस और जो आपका लाइकेन होती है, बिल्कुल विरल वनस्पति है, वही बात कर रहे हैं। तीसरा ये कि जो प्रेशर और विंड सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है। चौथा ये कि डिस्टेंस फ्रॉम सी, जो आप लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की बात करते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं ना बेंगलोर में सम है जलवायु, ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्मी, ह्यूमिडिटी होती, वही चीज़ बात कर रहे हैं। जो ओशियन करेंट्स हैं आप देखते हैं कि जो गर्म जलधाराएं हैं है ना, और ठंडी जलधाराएं जहां भी जाएंगे तो वहां के तापमान को गिरा देंगे या तो बढ़ा देंगे, मतलब गर्म कर देंगे ठंडी कर देंगे, ये भी ठीक है। रिलीफ फीचर कैसा है, प्लेन है, प्लेटू वाला एरिया है, कॉन्टिनेंटली जो आप देखते हैं ना, जो बिल्कुल बीच में है, किसी भी अगर बीच वाले एरिया की बात करें किसी कॉन्टिनेंट में जो चारों तरफ से भू आबद्ध है, तो वहाँ पे बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, मतलब कॉन्टिनेंटैलिटी, महाद्वीपीयता का प्रभाव, मतलब गर्मी में बहुत गर्म ठंडी में बहुत ठंडा, इस टाइप से इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो उच्चावच लक्षण है, देशांतरी स्थिति भी आपको, तो मतलब जो है इसमें जितने भी आपके लिखे हैं, देखिए देशांतरी स्थिति जो है वो तो टाइम से रिलेटेड है, ठीक है, मैं शुरू से बता रहा हूँ, मानक समय किससे है 82 डिग्री 30 मिनट ग्रीनविच लाइन, तो क्या है उससे तो हमको कोई लेना देना नहीं, वो टाइम के लिए हमने देशांतर जो है उसका क्या क्या कर रखा है, उसको रिकग्नाइज कर रखा है, तो इसका क्लाइमेट पे कोई डायरेक्टली किसी भी तरीके का क्या प्रभाव दिखाई नहीं देता है, बाकी सबका है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें अक्षांशी स्टेटमेंट है, बताना कौन सा गलत है। तो पहला ये कि जो अक्षांशी स्थिति है उसके कारण पृथ्वी को प्राप्त जो सौर ऊर्जा की मात्रा भिन्न भिन्न होती, इसीलिए विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जो तापमान है वो घटता जाता है, वो बिल्कुल सीधे सीधे वही फंडे हैं जो 6-7 में अपन ने देखा था कि भैया सूरज की जो रोशनी है ऊपर जाते जाते तिरछी होती जाएगी, जब तिरछी होती जाएगी तापमान कम होगा, तो वो कैसे होता है, लैटिट्यूड के हिसाब से ही तो होगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ड्यू टू लैटिट्यूडनल पोजीशन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज, है ना, वेरिएशन देखने को मिलता है, और जो टेम्परेचर है वो जो ग्रेजुअली जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, ठीक है ना, कम होता जाता है, बोलते हैं ना कि भैया साइबेरियन एरिया में तो माइनस में टेम्परेचर, वही बात कर रहे हैं, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा जो है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर, मतलब सही है पहला स्टेटमेंट, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाने पे वायुमंडल की सघनता बढ़ेगी, नहीं भैया, जैसे सबसे ज़्यादा जो एयर प्रेशर है वो कहाँ मापा जाता है, समुद्र तल पे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो वायु प्रेशर जो है, एयर प्रेशर है, वायु की सघनता, मतलब जो किसी भी एयर पैकेट में जो उपस्थित जो वायु राशि की मात्रा होती है उसी को बोलते हैं, तो एयर प्रेशर जो उसका भार है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ऊपर जाते जाते तो वायु विरल होती जाती है ना भैया, है तो ये उल्टा लिखा हुआ है, सघनता बढ़ती नहीं घटती है, है ना, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और तापमान कम होता है, ये बात बिल्कुल सही है ना कि तापमान कम होता है, इसलिए पहाड़ियाँ ग्रीष्म ऋतु में भी ठंडी रहती है, हाइट में है तो होगी ही। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला बस सही है, और इसमें असत्य कथन अपने को क्या करना था, इसमें से अपने को असत्य कथन को ही रिकग्नाइज करना था, तो क्या हो जाएगा, दूसरा बस गलत है, पहला सही है, तो ओनली 2B इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और 81st नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें ये पूछा जा रहा है, इसमें भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा असत्य है उसमें से, कौन सा गलत है। पहला यह कि अक्षांशी स्थिति और तुंगता जो है किसी क्षेत्र के वायु दाब और पवन तंत्र को निर्धारित करती है, बिल्कुल इंटरकनेक्ट है कि जो प्रेशर सिस्टम है और जो विंड सिस्टम है, या विंड तो प्रेशर से ही है ना, आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सारा का सारा जो क्लाइमेटोलॉजी है उसका खेल ही यही है। अब विंड है जो पवन है उसका फ्लो कैसा होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो भैया प्रेशर भी आ गया, विंड सिस्टम भी आ गया, तो वो डिपेंड करेगा किस पे, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे, वो टेम्परेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना,
है ना, तो वही बात पहले वाले स्टेटमेंट में बता रहे हैं, ठीक है ना। एल्टीट्यूड और क्या है जो लैटिट्यूड है वो क्या करते हैं उसको योगदान देते हैं, वो ऐसे कारक हैं जो पवन तंत्र का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है पहला वाला जो स्टेटमेंट। दूसरा ये कि समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है तथा दूरी बढ़ने के साथ प्रभाव में कमी और विषम मौसमी अवस्थाएं, ये कॉन्टिनेंटैलिटी को बता रहे हैं, महाद्वीपीयता के प्रभाव को बता रहे हैं। आपको पता है कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती रहती है, जो टेम्परेचर है वो लगभग एक जैसा। बैंगलोर चले जाइए आप, है ना, आई टी इंडस्ट्री से कनेक्ट करिए, इसीलिए वहाँ पर आई टी इंडस्ट्री जो है डेवलप भी हुई है, ठीक है ना। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी आपका जो है बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट भी ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। और जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को अपने को क्या करना था, फाइंड करना था, और दोनों सही है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82nd नंबर का, और इसमें जो पहला स्टेटमेंट है इसमें लिखा है समुद्र के तटीय क्षेत्रों की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं महासागरीय धाराओं के प्रभाव में वहां की जलवायु को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही है भैया, जो वार्म करेंट और कोल्ड करेंट, जैसे गल्फ स्ट्रीम है वार्म है ना, जो ठंडी है आपकी लैब्राडोर है, तो जहां ये जिस क्षेत्र में जाएगी वहां पर तो टेम्परेचर में डायरेक्टली मतलब प्रभाव डालेगी ना, इफेक्ट डालेगी, वही लिख रहा है ये, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, जो पहला वाला जो आपका है समुद्र के तटीय क्षेत्रों की ओर चलने वाली हवाएं जो है महासागरीय धाराओं के प्रभाव में वहां की जलवायु को प्रभावित करती, क्यों, क्योंकि जो ओशियन करंट है उसमें वहां जो विंड का फ्लो है, जो एयर प्रेशर है, जो एयर का मूवमेंट है, वो तो सीधे सीधे ही इंपैक्ट डाल रहा है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा जो है आपका स्टेटमेंट, उसमें ये बोला जा रहा है कि विश्व के अधिकांश मरुस्थलों का विकास जो है उपोष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है उसमें स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति के कारण हुआ है। मतलब वर्ल्ड्स के जो डेजर्ट्स हैं आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट। एक तो एक सीधी बात समझ लीजिए कि कोई वेस्टर्न जो पार्ट है वहीं पर वेस्टर्न मार्जिन जो है वहाँ पर आपको सारे के सारे मरुस्थल दिखाई दे रहे हैं, सहारा वहारा आप कोई भी देख लीजिए, अपने यहाँ का भी थार देख लीजिए, है ना। तो अब एक मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में आता है वो, ठीक है ना, अब वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब ठंडी अगर कोई भी धारा जा रही है वहां पर तो क्या करेगी, ठंडी अगर महासागरी धारा होगी भैया उसमें और आर्द्रता नहीं है तो जाके वो जो मरुस्थल की जो तीव्रता है ना उसको और बढ़ा देती है, क्योंकि वो उसमें तो क्या है किसी भी तरीके की आर्द्रता को गहर, वो तो पहले से सैचुरेटेड है ना, है तो उसमें और जो अगर गर्म हवा होती तो फिर उसमें क्या होता उसमें आती, तो ये क्या करती हैं जो ठंडी धाराएं होती हैं वो वहाँ की इंटेंसिटी को बढ़ा देती हैं, है ना। तो शुष्कता की जो तीव्रता है ना उसको बढ़ा देती है। बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड्स के जो डेडर्स हैं वो लोकेटेड है वेस्टर्न मार्जिन में कॉन्टिनेंट के सब ट्रॉपिक्स में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट, तो ये एक कारण है, एक मात्र नहीं है वो कारण, ठीक है ना। वो रेनफॉल से भी कनेक्टेड है कि भैया जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे उस लैटिट्यूड में आप ट्रेड विंड्स वाला एरिया देखिए, तो इधर से आई जितनी भी पवन है वो आर्द्रता ग्रहण करके, और बीच में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो क्या इंडिया को ले लीजिए, सबसे जो बढ़िया बारिश है वो ईस्ट साइड में कर दी और वेस्ट की तरफ आते आते बिल्कुल शुष्क होती गई। अब ये शुष्क है, एक तो पहले से शुष्क था, ऊपर से और ठंडी हवा आ गई तो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दी, इसलिए वेस्टर्न मार्जिन में बनता है, ठीक है। तो जो अपना दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, और जो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा है स्टेटमेंट कि कर्क वृत्त की भारत के मध्य में उपस्थिति के कारण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधी और उपोष्ण कटिबंधी दोनों की विशेषताओं से युक्त है। बिल्कुल सही बात है, 23.5 के ऊपर जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल वाली भी अपने को दिखाई देगी जलवायु की विशेषता, और भारत जो है भारत एक ऐसा देश है जहां पर सारे तरीके के आपको क्लाइमेटिक जोन दिखाई देते हैं लगभग, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है सिंस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आप सब पता है ना आपको, जो आपका 23.5 है उसके ऊपर आप जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल वाला एरिया है ना। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हिमालय इंडिया हैज माइल्ड इफेक्ट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन। बिल्कुल सही बात है, जो नदन साइड से है ना जो अपना आ रहा है ऊपर से साइबेरियन रीजन से जो ठंडी हवा आ रही है उसका इम्पैक्ट जो है हमारे यहाँ कम है, किसके कारण, हिमालय की उपस्थिति के, ये सब बेनिफिट्स हैं। तो दूसरा वाला भी जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बोथ, ठीक है ना, कि हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत में जो उपोष्ण कटिबंधी मतलब जो बहुत ठंडी हवाएं होती हैं उनका प्रभाव हमारे यहाँ नहीं पड़ता है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जलवायु और मौसमी अवस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कारक, ठीक है, मतलब द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर governed by the following atmospheric condition। देखिए प्रेशर और सरफेस विंड्स जो हैं वो बिल्कुल हैं, अपर एयर जो सर्कुलेशन है बिल्कुल ठीक बात है, वेस्टर्न जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है वो भी है, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो भी है। तो ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर, और ऑल हो जाएगा। देखिए अगर अपन थोड़ा मानसून को समझेंगे ना, आप मानसून को देखेंगे तो मानसून में क्या है, जैसे इरेगुलरिटी, जैसे ब्रेक्स इन मानसून आप देखते हैं, है ना, तो वो ब्रेक वेक क्यों आ जाता है, वही जो ऊपर वाली जो आपकी
सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ना, अगर वो नीचे नहीं रहेगी नदन साइड में वो डिस्प्लेस नहीं होगी तो नहीं आती है, वही सब लिखा। ऊपरी वायु संरक्षण, अपर एयर जो सर्कुलेशन वो तो होगा ही, तिब्बतन प्लेटू वगैरह आप देख रहे हैं बहुत गर्म होता है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं जो वहाँ से आती है, जो अपने यहाँ लौटते हुए मानसून से, जैसे फरवरी अरवरी में, जनवरी फरवरी के माह में जो हमारे यहाँ दिखाई देती है कि बारिश हो जाती है और पंजाब साइड में दो बार गेहूं की खेती हो जाती, वही है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो है ही, तो ये कहीं ना कहीं सारे के सारे कारक जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वो क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा है ना, चाहे ट्रॉपिकल सब साइक्लोन हो, चाहे वेस्टर्न जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हो, अपर एयर सर्कुलेशन हो है ना, कुछ भी हो, इसमें प्रेशर और सरफेस विंड्स हो, तो ये चारों के चारों जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, ऑल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियोलिस फोर्स, बिल्कुल शुरू में ही पढ़ा था अपन ने, ये एक आभासी बल है जो पृथ्वी के जो क्या जो घूर्णन है ना, रोटेशन है, उसके कारण क्या होता है दिखाई देता है अपने को ये, और इससे ना सिर्फ मतलब इसका परिमाण ये दिशा से ही रिलेटेड है, वैसे ही समझिए। एन अपेरेंट फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन, रोटेशन अपने जो एक्सिस में करती घूर्णन है ना, उत्पन्न आभासी बल है, इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ये उल्टा लिखा हुआ, इसको आप क्लॉक और एंटी क्लॉक से ही समझिए, मतलब बाएँ और दाएँ मत समझिए, जैसे घड़ी है अपनी कैसे चलती है, 12 बज रहा है फिर 1 बज रहा है, तो ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, तो ऐसे ऐसे समझिए, इसलिए दायां बोला जा रहा है, मतलब दाईं ओर बोला जाता है। तो जो नदन हेमिस्फीयर होता है अगर अपन देखें ऊपर साइड में, तो ये ऐसे क्लॉकवाइज है, और अगर इधर देखेंगे अपन तो ये एंटी क्लॉकवाइज है सदर्न साइड में, इसीलिए बोला जाता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, जो पवने हैं उसी के ऊपर वो फर्क पड़ता है, आपको पता होगा भू विक्षेपी पवने, जिसको क्या बोला जाता है, जियोस्ट्रॉफिक जो आपकी क्या होती हैं विंड होती हैं, ठीक है ना। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, और दूसरा स्टेटमेंट पूरा गलत है क्योंकि इसमें उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग, जो आपकी विंड्स लिखी हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द नदन हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में लिख दिया राइट, तो उल्टा लिखा है, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट मतलब क्लॉकवाइज, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें एंटी क्लॉकवाइज बाई होता है। तो पहला बस स्टेटमेंट सही है, ओनली वन हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ए में दिया गया है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला ये, जेट स्ट्रीम्स आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फीयर, बिल्कुल बात है, ट्रोपोस्फीयर का अपर पार्ट है, समताप मंडल के नीचे वाला पार्ट है जहाँ जेट धाराएं चलती है, ये नैरोअर संकीर्ण क्षेत्र में होती है, क्षोभ मंडल काफ़ी तेज होती है इनकी स्पीड, इसी को जेट धारा बोला जाता है। ये लगभग जो है 27 से 30 डिग्री जो नदन जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वहां आपको दिखाई देता है। दीज जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रॉक्सिमेटली 27 टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि ग्रीष्म ऋतु में ये हिमालय के उत्तर में स्थित होती है, हिमालय के उत्तर में, अब यही बीच में आ जाती है ना, जब वही मैं बता रहा था आपको सब ट्रॉपिकल जैसे जेट स्ट्रीम है तो उसी का एक पार्ट आ जाएगा, तो फिर वो मानसून में किसी तरीके से ब्रेक, फिर जैसे ही वो उत्तर में चली जाएगी तो फिर वहां पर जैसे लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जो मेंटेन होता है भैया, जब तभी तो मानसून आता है ना। तो जो तीसरा है आपका स्टेटमेंट वो भी बिल्कुल ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा ऑल, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो पश्चिमी प्रवाह है, जो वेस्टर्न जो आपका संचलन होता है, वेस्टर्न जो आप डिस्टर्बेंस वगैरह देखते हैं उसी के कारण क्या होता है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती जो आपको विक्षोभ है, जो वेस्टर्न जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है वो भी आते हैं, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेस्टर्न जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है वो है क्या, भैया ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास से वहाँ पर इसका ओरिजिन होता है, वहाँ से चलते चलते ये आते हैं, और टेम्परेट जो साइक्लोन्स होते हैं ना उनकी जो दूरी होती है बहुत लंबी होती है, इसलिए वो बहुत महीन महीन कण भी लेके आते हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया वाले पार्ट से होकर आ रहे हैं, तो वो प्रदूषण में भी तीव्रता लाते हैं, ये कनेक्टिविटी है पोल्यूशन और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की, ठीक है ना। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है कि ये पश्चिमी प्रवाह के कारण होती है, जो भूमध्य सागर में के क्षेत्र से आते हैं है ना सर्दी के महीनों में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि ये प्रायः भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, सही बात है ना, अब वहीं से आएंगे ये टेम्परेट लैटिट्यूड की बात है, वहीं से आ रहे हैं वो, उस एरिया में आप देख रहे हैं तो क्या होगा, वहीं तो इंपैक्ट डालेंगे, उत्तर उत्तर पश्चिमी पंजाब हरियाणा, इधर बारिश होती है दो बार, रबी खेती हो जाती है, गेहूं दो बार उगा लेते हैं, ठीक है। तीसरा ये भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में महावट के रूप में वर्षा होती है, वो शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसको महावट बोला जाता है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसमें सारे के सारे जो आपके स्टेटमेंट्स है ना वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस को लेकर वो बिल्कुल ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है।
देखिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको कि इसका जो ओरिजिन है मेडिटेरेनियन सी में होता है, ठीक है, ये वेदर फेनोमेना है जो विंटर सीजन में देखा जाता है, ठीक है। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यहीं से आएगा तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया को ही तो प्रभावित करेगा। ओवर द प्लेन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड रेनफॉल इज कॉल्ड महावट। देखिए इसको ऐसे समझिए कि जो शीत ऋतु में होने वाली जो बारिश है विंटर सीजन में उसको महावट बोला जाता है। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें स्टेटमेंट और बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ये कि द ट्रॉपिकल साइक्लोन which affects the Indian coastal regions are the part of eastern disturbance, पहला लिखा है ना। वो देखिए विक्षोभ ही बोला जाता है डिस्टरबेंस को, जो ज्योग्राफी में हिंदी वर्ड है डिस्टरबेंस ही बोला जाता है, तभी तो जब डिस्टरबेंस होगा तो कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलती हैं, तो ईस्टर्न डिस्टरबेंस इसको बोला जाता है, ये बोल रहे हैं ये, ठीक है। और जो दूसरा लिखा हुआ है इसमें कि हिंदी में पढ़ लेते हैं कि भारत के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो पूर्वी प्रभाग के ही भाग होते हैं, जो पहला लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है इसमें कि द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंटर्स इंडिया इन मानसून मंथ्स एंड ऑल्सो इन अक्टूबर एंड नवंबर, बिल्कुल सही बात है, जो उष्ण कटिबंधी चक्रवात आते हैं भारत के मानसूनी महीनों में, ठीक है, और अक्टूबर नवंबर महीनों में, ये जानते हैं ना सेंटर में जो है बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है, तो बाहर से जो सब विंड्स होती हैं वो उसको क्या करती हैं भरने के लिए उस जगह पर आती हैं, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब थंडर स्टोम तूफान और बिल्कुल भयंकर बारिश वगैरह, तो ये भारत के जो है ना पूर्वी तट साइड में आते हैं, ठीक है, और पूर्वी तट ही प्रभावित करते हैं, जैसे उड़ीसा वगैरह का नाम सुनते होंगे आप लोग, ठीक है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये मानसूनल मंथ में आते हैं और अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे भी आते हैं, लौटता हुआ मानसून का वो टाइम होगा ना अक्टूबर और नवंबर वाला, मानसून के लौटने का टाइम है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं। इनसे सर्वाधिक प्रभावित जो भारत का पश्चिमी तट, नहीं भैया पूर्वी तट है, पश्चिमी तट नहीं है, द मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स फ्रॉम दीज साइक्लोन्स दैट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, होता क्या है कि इनकी जो शक्ति का जो मतलब कारण है वो क्या है, जो पानी की जो गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट है उसी उसी में से तो उसको हीट एनर्जी मिल रही है, मतलब मिल रही है, और जब ये तटों पे आते हैं तो वही ब्रेक हो जाता है, वो इंजन की तरह काम करता है ना, हीट होता है, फिर वहां से जो मतलब पानी से जो ऊष्मा वो ग्रहण कर रहे हैं वो तट पे आएगा तो खत्म हो जाएगा, इसलिए तट पे आके मतलब ये क्या होते हैं फिर निष्प्रभावी हो जाते हैं, उनकी शक्ति कम हो जाती है, छीड़ हो जाती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो इंडियन मानसून से रिलेटेड है और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है कि कौन से असत्य कथन है। तो पहला ये कि द फेनोमेना ऑफ लैंड एंड वाटर गेटिंग वार्मर एंड कूलर, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं मानसून बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, स्थल और जल के, आपको पता है ना स्थल और जल, बंगाल की खाड़ी हो गई, स्थल वाला पार्ट हो गया, इसी के बीच में जब लो प्रेशर और हाई प्रेशर डिफरेंस आता है तभी तो मानसूनल विंड्स फिर ब्लो करना चालू करेंगी, ठीक है ना। तो दूसरा यह है कि ग्रीष्म ऋतु में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण और गंगा के मैदान की ओर विस्थापन, मतलब इन समर द फ्लो ऑफ ट्रॉपिकल जो आपका, देखिए ये यहाँ पे इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, ये ITCZ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटर ट्रॉपिकल जो कन्वर्जेंस जोन होता है, ठीक है, जो ट्रेड विंड्स का जो क्या होता है जहाँ पे मिलन होता है, मतलब 0 डिग्री के पास में जो आपका, देखिए क्या है ये होता क्या है कि जैसे अब नदन साइड में क्या होगा, सूर्य का मूवमेंट होगा, आपको पता है कि जो 21 जून का समय है वो कहाँ होगा, सन उत्तरी, जो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ 23.5 डिग्री में, जो कर्क रेखा पे होगा, तो जो ITCZ है वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर की ओर, उसी की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है ना, और मानसून से रिलेटेड ही है ये, और गंगा के मैदान के की ओर इसका विस्थापन हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ये कि हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में है ना, हिंद महासागर की अगर बात करें, ये इंडिया है, ये हिंद महासागर है अगर, ठीक है, और मेडागास्कर वाला पार्ट है, तो मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब क्षेत्र होता है, तभी तो फिर विंड ऐसे चलेगी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, उच्च दाब क्षेत्र की उपस्थिति होती है, ये भी मानसून में बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है, बहुत बड़ा प्रभाव डालता है ना, कि देयर इज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर ओवर इंडियन जो मेडागास्कर है, वहां पर जो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब मेडागास्कर की आप समझिए, बिल्कुल सही दिया है लोकेशन जो दिया है यहाँ पे। और जो फोर्थ नंबर का दिया है कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार का अत्यधिक गर्म होना, अब भैया गर्म होगा ग्रीष्म ऋतु में तभी लो प्रेशर, जो लो प्रेशर वाली कंडीशन है वो वहाँ पर बनेगी, ठीक है ना, तो ये भी बिल्कुल आपका ठीक है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है, मतलब फोर्थ जो है इंग्लिश में, देखिए समर सीजन में जो तिब्बत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्मर कंडीशन क्या होती क्रिएट हो जाती है, ठीक है, लो मतलब बिल्कुल लो प्रेशर होगा है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे, प्रेशर ऑफ वेस्टर्न जेट्स स्ट्रीम अबव द नॉर्थ ऑफ हिमालय इन समर सीजन, भैया वही आ जाएगा तभी मानसून को ब्रेक कर देता है वो, तो उत्तर में जो पश्चिमी जेट धाराओं की उपस्थिति हो जाती ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर में, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाती है, उपस्थिति हो जाती है हिमालय के उत्तर में हो जाती है, समझिएगा,
तो ये बिल्कुल सही बात है कि हिमालय के उत्तर में हो जाती है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स इसके सही हैं कि प्रेशर ऑफ वेस्टर्न जेट स्ट्रीम अबव द नॉर्थ ऑफ हिमालय इन समर सीजन, और जब जब वही बीच में आ जाएगा हिमालय के, मतलब ये हिमालय मान लीजिए ऊपर चली गई तो ठीक है, नीचे आ जाएगा तभी वो ब्रेक डाउन ला देता है मानसून में। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें असत्य पूछा है इसलिए ना ना जाएगा। थोड़ा मानसून समझ लेते हैं अपन। देखिए अगर मानसून का फिनोमेना देखें तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ना, तो साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहे हैं अपन मेनली, ये याद रखेगा। तो जो मानसून की बात करते हैं तो इसमें चार प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो इसका आना, आगमन और इसका प्रस्थान। इसमें क्या होती है, इरेगुलरिटी होती है, इसलिए बोलते हैं ना इस साल बारिश अच्छी हुई इस साल नहीं। फिर दूसरा ये कि मानसून का अचानक प्रस्फुटन, एकदम से आ जाना है ना, मतलब ब्रेक्स इन, जो अचानक प्रस्फुटन का मतलब है ब्रेक्स आ जाते हैं, मानसून विच्छेद वगैरह हो जाते हैं, ब्रेक्स इन मानसून, और अचानक प्रस्फुटन मतलब एकदम से बहुत सारी बारिश हो जाना है ना। और आप देखते हैं कि रेनफॉल में हमेशा जो है अनिश्चितता बनी रहती है। ठीक है, मानसून का अगर आगमन देखेंगे ना आप, तो 20 मई के अराउंड आपको अंडमान निकोबार के पास होगी, मुख्य भूमि में 1 जून को आता है ये। और मानसून का जो आगमन है वो साउथ साइड से होता है, प्रस्थान ये नॉर्थ साइड की तरफ करता है। ठीक है, अगर सामान्यता होता यह है कि जो आगमन हो जाता है वो लेट होता है, प्रस्थान जो होता है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है ना, और इसमें क्या है कि जैसे ब्रेक्स हो जाता है तो क्यों हो जाता है, अब ब्रेक्स हो जाएंगे तभी तो आपको रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में है ना, और आपका लंबे एक काल में भी वर्षा के वितरण में जो मात्रा होगी प्रभावित दिखाई देगी। ठीक है ना, और आप देखेंगे तो जो ईस्ट से वेस्ट तक है जो मानसून अवधि में अंतर है, इसीलिए आपको वर्षा के वितरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देगा। जहाँ जितनी देर तक मानसून विंड्स रहेंगे वहाँ ज़्यादा बारिश होगी, और फिर वहाँ पर आर्द्रता से तो फर्क पड़ता ही है। ठीक है ना, और भारत में अगर वर्षा का वार्षिक औसत देखें तो लगभग 117 सेंटीमीटर माना जाता है, जो कभी 90 सेंटीमीटर भी हो जाता है, तो कभी 125 से 130 भी हो जाता है। ठीक है, अब इसके कई तरीके की व्याख्या है, जैसे थर्मल एक्सपेंशन है, मतलब थर्मल एक्सप्लेनेशन है ना, तापीय वाला कि भैया ताप आधारित व्याख्या है कि जो आपका उपमहाद्वीप है, अगर अपन देख लें भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट जो है आपका यहां है ना, और आपका नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में क्या है कि बहुत अधिक तापमान होने के कारण क्या होता है, लो प्रेशर होता है ना, गर्मी के दिनों की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका तापमान क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर होगा। ठीक है ना, और उसी समय जो समुद्री सतह होगा उसका तापमान क्या होगा, कम होगा। तो वो बोले कि भैया जो विंड का सर्कुलेशन है वो कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा है ना, और जो प्रेशर, जो आपका ग्रेडियंट फोर्स होता है, दाब प्रवणता बल होता है, वो कहाँ से, समुद्र से स्थल की ओर होता है, तो पवन का संचलन होता है। ठीक है, और तटवर्ती अगर होगी पवन तो वहाँ बारिश करेगी, और तटवर्ती नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा, तट मतलब तट से होकर आ रही तो तटवर्ती हो गई तो बारिश करेगी, और जैसी उधर जाएगी तो वृष्टि छाया प्रदेश, उसको वेस्टर्न घाट से आप कनेक्ट करिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। दूसरा ये कि मानसून पे आप जेट धाराएं हैं उनका भी प्रभाव देख सकते हैं, जैसे दो होती हैं जेट ना, जैसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गई आपकी, और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गई। तो ये क्या होती हैं, इनका कैसे, क्योंकि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अपन ने पढ़ा था कि ये वेस्ट से ईस्ट है ना, भूमध्य सागर से चल रही है ये, हिमालय के पास आके ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। क्यों, क्योंकि हिमालय के ऊपर जो जलवायु की स्थिति है वो जेट धारा की उपस्थिति के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसका एक भाग जो है उत्तरी मैदान के ऊपर हो जाता है ना, 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है ना, अगर अपन ऐसे समझें कि ये अगर हिमालय वाला पार्ट है। ठीक है, और यहाँ से अगर सब ट्रॉपिकल जो है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आई तो इसकी दो पार्ट हो जाते हैं, एक इसके उत्तर और एक इसके दक्षिण में। ठीक है, उत्तर की ओर जो है हाई प्रेशर निर्मित नहीं होता है। ठीक है, और इसीलिए अभिसरण नहीं होगा, कन्वर्जेंस नहीं होगा जब हाई प्रेशर नहीं होगा तो है ना। गर्मी का जब आगमन होता है तो क्या होता है, एयर प्रेशर बेल्ट जो है नॉर्थ की तरफ क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, आपको पता है। उसी कारण ये क्या होता है, ये आपको इसका परिसंचरण दिखाई देगा। ठीक है ना, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। उसके बाद अगर अपन देखें तो तिब्बतन प्लेटू का भी इफेक्ट देखते होंगे है ना, उसकी हाइट और एल्टीट्यूड, वही है ना क्लाइमेटोलॉजी में कैसे, तो हाइट और एल्टीट्यूड जो है उसका, हाइट या एल्टीट्यूड ही उसको बोलिए, ज़्यादा सही वर्ड है एल्टीट्यूड है जो, और दूसरा ये कि लैटिट्यूडनल उसकी अवस्थिति क्या है। तो वहाँ क्या होता है तिब्बतन प्लेटू में, एवरेज हाइट क्या है तिब्बतन प्लेटू की, लगभग 4 किलोमीटर है। वहाँ पर सर्दियों का तापमान क्या होता है, बहुत कम होगा, और गर्मियों का तापमान बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो गर्मियों में क्या होगा, जो निम्न वायु दाब क्षेत्र बनेगा है उसमें देरी होगी, तो क्या होगा कि सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसकी भी शिफ्टिंग में देरी हो जाएगी, तो मानसून जो उसके आने के समय है वो भी देरी हो जाएगी। ठीक है, और हिमालय का जो पार्ट है ना वो चौड़ा होने के कारण भी पवनों के मिलन में कठिनाई होती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट साइड देखिए आप। ठीक है, और वहीं पर आपका ट्रॉपिकल जो है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम निर्मित होती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट देखिएगा आप, तो वहीं की बात करेंगे है ना, ट्रॉपिकल वाले की, वो सब ट्रॉपिकल वाले की बात थी। ठीक है, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हो गए यहाँ पे, और ये आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो
स्ट्रीम है जो आपकी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम जो है वो यहाँ पे आती है, और उत्तरी मैदान की वायु आरोहण होता है और फिर तिब्बत के पठार पर आरोहण होता है, जहाँ दोनों पवने जो हैं क्या हो जाती हैं, अभिसरित हो जाती हैं, मतलब क्या हो जाती है, दोनों पवने जाके मिलती हैं, ठीक है। और तापांतर बहुत ज़्यादा होता है ना, लगभग बहुत ज़्यादा होता है, 25 डिग्री तक का फर्क होता है, इसीलिए जेट धारा का वहाँ पर निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, काफ़ी कुछ समझा दिया मैंने, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, टाइम टेकिंग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 90th नंबर का एनसो, और इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा सही। पहला ये कि अ फीचर कनेक्टेड विद द सदर्न ऑसिलेशन, मतलब एनसो जो है दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक क्या है, लक्षण है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये है कि ये गर्म समुद्री जल धारा है जो प्रत्येक 2 से 5 वर्ष के अंतराल पे जो पेरू है उसकी ठंडी धारा के स्थान पर बहती है, बिल्कुल सही बात है, पेरू है ना। और यही जब पलट जाती है तो फिर वो आप जो लालीना एल नीनो वाला जो आप देख रहे हैं ना कंसेप्ट, ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, फिर एबनॉर्मल कंडीशन भी होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि 2 से 5 जो वर्ष होते हैं उसके अंतराल पर पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर बहती है ना। तो नॉर्मल वहाँ ठंडी हुई है तो गर्म बहने लग जाएगी, तो क्या होगा, वो अपोजिट कंडीशन हो जाएगी, उसी की बात करें। इट इज़ अ वार्म ओशियन करंट दैट फ्लो पास द पेरुवियन कोस्ट इज प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट एवरी 2 to 5 ईयर्स, दूसरा बिल्कुल ठीक है आपका। तीसरा ये है कि ड्यू टू दिस लो प्रेशर बेल्ट इज डेवलप्ड ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, मतलब इसके कारण जो पूर्वी प्रशांत महासागर उसके ऊपर जो है निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है भैया, तभी तो फिर संचलन बदल जाएगा और इससे भारतीय मानसून भी प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। बोलते हैं ना कि इस साल अच्छा मानसून होगा नहीं होगा, या एल नीनो वाला वर्ष है कि ये ला नीनो वाले वर्ष है, तो वही सब चीज़ें सारे के सारे स्टेटमेंट एनसो से जुड़े हैं, दक्षिणी दोलन से, और बिल्कुल ठीक है और सही कथन इसमें से चुनना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसको भी देख लेते हैं एक बार अपन, एनसो से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको पता होगा कि अगर लालीना जो है अगर वो स्टंदन होता है तो सामान्य स्थिति होती है और ठंडा होता है, मानसून पे उसके प्रभाव कैसे पड़ते हैं, है ना। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन यहाँ पे, है ना। इसमें से ये देखेंगे अपन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए एल नीनो ईयर वो पेरुवियन लैटिन अमेरिका वाला अगर आप पार्ट देखते हैं, ठीक है, लैटिन अमेरिका वाला अगर पार्ट देखते हैं, तो ये जो एरिया रहता है ना, यहाँ पे जो सामान्य क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, है ना, अगर कोल्ड करंट है, देखिए यहाँ पर दो है, एक तो हम्बोल्ट है ना, पेरुवियन को ही बोलते हैं, यहाँ से संचरण ऐसा है, और ये मान लीजिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये ग्लोब की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब यहाँ टेम्परेचर अगर कम हो गया और प्रेशर ज़्यादा है तो सामान्य जो कंडीशन ये है तो कैसा होगा, ऐसे चलेगी हवा। अब ये जब उल्टा हो जाता है ना तो यही रिवर्स हो जाती है, ठीक है, और उसी के कारण डिस्टरबेंस होता है जो अपन देखते हैं कि एल नीनो का मानसून पे कैसा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है, तो वो यही चीज़ें हैं, ठीक है ना। सामान्यता जो होता है वो क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में फिर गर्मी का टाइम आ जाता है, ठीक है ना, दिसंबर में ही, मतलब ऐसे समझिए कि जैसे पेरू ठंडी मतलब जलधारा है पेरू, और अगर उसका उल्टा अगर वो गर्म वहाँ पर कंडीशन, तो वो जो सर्कुलेशन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसका ऑल हो गया था, इससे भारतीय मानसून भी प्रभावित होता है, एनसो वगैरह ये देख लिया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला ये कि दक्षिणी महासागरों में दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन से भारतीय मानसून भी प्रभावित होगा, बिल्कुल सही बात है, जो आपका सदर्न ओशियंस हैं वो भी इफेक्ट करते हैं मानसून जो इंडिया में होता है, बिल्कुल ठीक बात है जो पहला लिखा हुआ है। दूसरा ये कि जो सदर्न जो पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उसके उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब और हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है, यह भी बिल्कुल सही है कि द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ जो पैसिफिक ओशियन है एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा यह है कि कुछ विशेष वर्षों में पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की अपेक्षा निम्न दाब का क्षेत्र, जो मैं ऊपर आपको समझाना चाह रहा था वही है ये, ठीक है, यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यह स्पेशल केस होता है जो अब नॉर्मल ईयर्स में देखने को मिलता है, उससे सीधे सीधे हमारे यहाँ मानसून पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट जो है कि दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को उत्तरी दोलन, नहीं भैया ये सदर्न अभी अभी तो पढ़ा अपने, सदर्न ऑसिलेशन है ये, दक्षिणी दोलन इसी को बोला जाता है। दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज नदर्न ऑसिलेशन, नहीं भैया ये दक्षिणी दोलन है, ठीक है ना। सदर्न तो बात ही कर रहे हैं अपन, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं अपन, है ना, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो सदर्न ऑसिलेशन है ना, तो वो सदर्न ऑसिलेशन ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखेंगे और इसमें असंगत को छांटना है हमको, ठीक है। एक तरफ दिया गया है काल बैसाखी, लिखा है पश्चिम बंगाल, बिल्कुल ठीक है, काल बैसाखी। जो दूसरा लिखा है आम्र वर्षा, मतलब काल बैसाखी आपकी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। दूसरा मैंगो शावर्स, आम्र वर्षा, ये यूपी लिखा है, नहीं भैया ये केरला है, ठीक है। प्री मानसून जो शावर्स आते हैं उससे आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसको आम आम वर्षा भी बोला जाता है, ये केरला की है। दूसरा ही असंगत है, आंसर भी हो जाएगा। तीसरा ये कि कॉफी वर्षा, जो कॉफी शावर्स हैं वो कर्नाटका, बिल्कुल ठीक है। चौथा जो लू है वो आपको बताया नॉर्थ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। आंसर आपका जो है असंगत है, इनकरेक्टली जो मैच है यहाँ पर मैच किया गया है वो मैंगो शावर्स है, वो केरला में होता है ना कि यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो स्टेटमेंट है और इसके बारे में बताना कौन सा सही है। पहला ये, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा भारत में मानसून की वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतर वर्षा उत्तर पूर्वी भागों को प्राप्त होती है। उत्तर पूर्वी आपको समझ में आ रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, ये जो उत्तर पूर्वी वाला आपका भाग है, देखिए जो उत्तर पूर्वी वाला आपका भाग है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये उत्तर पूर्वी वाले भाग की, यही तो मासिन राम है, चेरापूंजी है, तो उसी की बात करें। ऐसी आती है विंड्स और सीधे यहाँ जाके सबसे ज़्यादा बारिश, और फिर आप देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट जो है सीधे सीधे कम होती जाती है बारिश, ठीक है। तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे स्टेटमेंट में कि साउथ ईस्ट रीजन जो है, साउथ ईस्ट जो रीजन नहीं है ये, साउथ ईस्ट मानसून पवनों से जो अधिकतर वर्षा है उत्तर पूर्वी भागों को प्राप्त। देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा ट्रांसलेशन की बात है, देखिए दक्षिण पश्चिम लिखा है, साउथ ईस्ट लिखा हुआ है, ये साउथ वेस्ट है, देखिए ये पेनिनसुलर इंडिया यहाँ से आ रही है ना विंड, तो ये दिशा आप देखें ना, दक्षिण पश्चिम ही तो हो गया, तो दक्षिण पश्चिम से मैक्सिमम रेनफॉल होती है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो वो बोलना चाह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो ज़्यादातर बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, ठीक है, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है ना, और इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो बारिश वाले एरिए हैं वो दिखाई देंगे आपको नॉर्थ ईस्ट में ही, सदाबहार वन वगैरह भी, वर्षा वन वगैरह भी आप देखने को मिलता है, स्टैलेगमाइट और स्टैलेक्टाइट की गुफाएं भी मेघालय साइड आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। गारो खासी और जयंतिया वाला ही जो रीजन है, ठीक है, वहीं पर आप देखेंगे, मैप जरूर देखते जाइए, बोथ इसका आंसर है, वन एंड टू बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये एनवायरमेंटल वाला पोर्शन है, मतलब वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ वाला पोर्शन है, इसको देखेंगे। पहला स्टेटमेंट दिया है और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन से कारण है जिससे हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलानों पे उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति पाई जा रही तो कुछ रेनफॉल का, एयर प्रेशर का, इन्हीं सब का तो प्रभाव होगा। तो पहला ये कि दक्षिण पश्चिम मानसून से दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होती है। भैया हवा उठी, बारिश कर दी, ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगी, वो उसके अंदर उतनी ज़्यादा आर्द्रता नहीं रहेगी, तो बारिश, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल ठीक है ना, कि सदर्न स्लोप जो है रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न मानसून। अब भाई ये हवा गर्म होकर उठी, अब उसको बैरियर मिल गया, नीचे ही बारिश, ऊपर जाते जाते शुष्क होती जाएगी, इसलिए बारिश भी कम होती जाती है। इसलिए अभी आप पेड़ देखते चलेंगे तो नीचे, फिर नीचे से ऊपर जाते 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 बिल्कुल ऊपर जो है आपको अल्पाइन वनस्पति दिखाई देने लग जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि सदर्न स्लोप हैज़ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एज कम्पेयर टू द नदर्न स्लोप, बिल्कुल ठीक बात है, जैसे हाइट पर जाएंगे वैसे कम होती जाएगी, सूर्य का प्रकाश दक्षिणी ढाल पर उत्तरी ढाल की अपेक्षा ज़्यादा समय तक प्राप्त होता है। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर बोथ हो जाएगा, वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का, इसे पूछा जा रहा है कौन से कथन सही है, सही कथनों को बताइए। पहला है कि वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट हैज थिक मतलब वेजिटेशन कवर्स एज कंपेयर टू ईस्टर्न स्लोप, मतलब पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढलान है ना, इस तरफ वाला, यहाँ से हवा आ रही, यहीं बारिश कर देगी, और फिर ईस्टर्न साइड में जो पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश, तो वहाँ पर क्या होगी, वनस्पति भी सघन होगी, बोलते हैं ना हम कि घने वन वहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश का विकास हुआ, मतलब ईस्टर्न रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट क्या कि रेन शेडो रीजन है, बिल्कुल ठीक बात है ये। दूसरा भी, क्योंकि आर्द्रता खत्म हो गई, सूखी हो गई, अब जो पवन आ रही थी, जो तटवर्ती थी, अब वो क्या हो गई, तटवर्ती थी, तो जो भी आर्द्रता लेके आ रही थी सागर के ऊपर से आ रही आर्द्रता लेके यहाँ बारिश कर दी, तो खाली हो गई भैया, उसके हाथ में कुछ नहीं है, उधर गई तो वो क्या बारिश नहीं कर पाई, इसीलिए वहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश बना। तीसरा ये कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर समृद्ध जैव विविधता, अब जैव विविधता जब बारिश हो रही है, वेजिटेशन बहुत हो रहा है, तो वहाँ पर तो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा भी, है मैक्सिमम जो आप देखते हैं एनवायरमेंट पढ़ते होंगे, जैव विविधता जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, वेस्टर्न घाट आपको दिखाई देता होगा, तो इसका ऑल आंसर हो जाएगा, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और ऑल ही मतलब सही कथनों का चुनाव करने को बोल रहा था, इसलिए ऑल ऑफ द अबव डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। पहला ये कि जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, उस 17 की रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा
जारी की गई 15th रिपोर्ट है, बिल्कुल ठीक है, ये 15th रिपोर्ट थी ये 2017 वाली। और ये रिपोर्ट की जो जारी करने का सिलसिला चालू हुआ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है, इसको पब्लिश कब से कर रहा है भैया, 1987 से कर रहा है। क्यों? 1986 में आपको पता होगा हमारे यहाँ का अम्ब्रेला जो था एक्ट लाया गया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ठीक है। और तीसरा जो लिखा गया है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तीसरा ये कि ये जो है MOEFCC जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, बिल्कुल सही बात है, इट वर्क्स अंडर इन्वायरमेंट जो है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और सही पूछ रहा था, तो भैया सब के सब सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ऑल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 97th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ऑल डी में है, डी आंसर हो गया, कि इसमें भारत में वनों की स्थिति से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला ये कि भारत में जो वनों का कुल क्षेत्रफल है वो 7,08,273 वर्ग किलोमीटर है ना, मतलब जो यहां लिखा हुआ है ना कि टोटल फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज जो 7,08,273 स्क्वायर किलोमीटर है। तो पहला ठीक है बिल्कुल, कि जो टोटल फॉरेस्ट मतलब एरिया जो भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल है 7,08,273 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। इसी को आप परसेंटेज में देखेंगे तो 21.54 है, ठीक है, वो जो सेकंड में दिखा दे देखा है, मतलब लिखा गया है यहाँ पे, है ना, दिखाया गया है कि भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का 21.54 है, 32 से आप सीधा लगा लीजिए, साथ है ये 21.54। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि अति सघन वनों का जो कुल क्षेत्रफल है 98,158 मतलब 98,158 स्क्वायर किलोमीटर है, जो हाईली डेंस फॉरेस्ट हैं, ठीक है। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, कंटेक्चुअल जानकारी है, अब तो नई भी आपने रिपोर्ट पढ़ ली होगी, तो ऑल इसका आंसर है डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है सही कौन सा। पहला ये कि सर्वाधिक वनों के क्षेत्रफल वाला जो राज्य है एमपी है, मतलब ये कि जो मध्य प्रदेश हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये कि कुल क्षेत्रफल में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम में है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी बिल्कुल ठीक है, कि जो मिजोरम है परसेंटेज वाइज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया है ना, मतलब उसके स्टेट के जो क्षेत्रफल होगा एरिया उसके कंपैरिजन में परसेंटेज वाइज। तीसरा ये कि लक्षद्वीप जो है वो इज द यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, है ना, बिल्कुल सही बात है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर यूटीज देखा जाए तो वनों का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑल हो जाएगा, जो कि डी में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 99th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, और इसमें भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में ये लिखा गया है, मतलब कौन सा ऐसा नेचुरल वेजिटेशन, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो पहला ये कि ये वन जो है पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अब याद कैच है ये कि दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु के तट पर सीमित हैं। अब ये देखिए कैसे बार मतलब ये कैसे होंगे, सदाबहार वन होंगे ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो एक ही ऑप्शन में नीचे है, आप सीधे सीधे रिकॉग्नाइज कर सकते थे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन जो है कि एवरेज जो रेनफॉल चाहिए इसके लिए 200 सेंटीमीटर से क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, है ना, 200 सेंटीमीटर से जो अधिक वर्षा होती है, और अल्पकालीन शुष्क ऋतु मतलब शॉर्ट जो हो ड्राई सीजन हो। तीसरा ये कि वनस्पतियों में विभिन्न ऊंचाइयों में कई स्तर देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ना, वेजिटेशन जो है वो अलग अलग दिखाई देती है, ग्रेट हाइट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं, कई स्तर होते हैं। इसके जो मेन ट्रीज हैं इबोनी है और आपका जो आबनूस बोलते हैं हिंदी में, महोगनी है, रोजवुड है, सिंकोना है, रबड़ है आदि है। तो ये किसकी बात कर रहे थे, ये ट्रॉपिकल जो है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट जो सी में दिया गया है, उष्णकटिबंधी वर्षा वन की बात कर रहे थे। नेक्स्ट वन जो है आपका उष्णकटिबंधी पर्णपाती, जो पर्ण को अपने क्या करेंगे, गिरा देंगे, है ना, उसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट। तो ये क्या है, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, बड़े बहुत बड़े क्षेत्र में भारत में विस्तृत वन है ये। दूसरा ये कि सामान्यता 70 से 200 सेंटीमीटर, इसमें भी दो होते हैं, एक मॉइस्ट होते हैं, एक ड्राई होते हैं, एक शुष्क होते हैं और एक आद्र होते हैं। तो 70 से 200 ले लिए तो एक 70 से 100 सेंटीमीटर तक जो शुष्क हो जाएगा, जो ड्राई हो जाएगा, और 100 से 200 सेंटीमीटर वाले जहां थोड़ा वर्षा ज़्यादा हो रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, मॉइस्ट डेसीडुअस फॉरेस्ट, है ना, ऐसे कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्यों गिरा देते हैं भैया, कि ये जो लॉस ऑफ वाटर है उसको बचाना है, वेपोरेशन कम हो, वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसलिए। तो ये एक विशेष ऋतु में शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और जो इसका आंसर होना चाहिए वो ऑल होगा, जो कि डी में है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि किस प्रकार की वनस्पति, किस प्रकार के वन की बात कर रहे हैं। तो पहले ये कि वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम, 70 सेंटीमीटर से कम,
ध्यान दीजिए जहाँ एरिया है, तो कैसा ये तो डेजर्ट की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर तो वहाँ हो नहीं सकता, बहुत कम बारिश हो रही है वहाँ पर, है ना। तो अपने यहाँ जो वेस्ट वाला पार्ट है, थार वाला, कच्छ वाला, वहाँ की बात करें, वृष्टि छाया प्रदेश भी होते हैं, जो शुष्क जो रेगिस्तानी जो वनस्पति है उसकी बात की, रेनफॉल जो है लेस देन 70 सेंटीमीटर होता है। यह अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है सामान्यतः उत्तर पश्चिम भागों में इस प्रकार की वनस्पति, अभी देख रहे थे वेस्टर्न मार्जिन में ही क्या पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में, जो आप देखेंगे कि मेनली जो है आपके क्या जो रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल हो चाहे हमारे यहाँ हो चाहे सहारा हो। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द सेमी एरिड एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। दूसरा बिल्कुल ठीक है, ये आपकी डेजर्ट वाली ही है और ये कटीले एवं मरुस्थली वन होगा, थॉर्न एंड डेजर्ट फॉरेस्ट, है ना। तीसरी देख लेते हैं, एकाशिया पाम्स और जो आपके लैक्टी हैं, ये इसके मेन क्या है, कैक्टाई है, ये लैक्टी नहीं है, कैक्टस है, कैक्टाई है, ये मेन जो है प्लांट स्पीसीज यहाँ पाई जाती है, ठीक है। अकासिया है, पाम है, कैक्टाई है ना, ये प्रमुख प्रजातियाँ हैं यहाँ पर। पेड़ों की, वृक्ष की बात करें, जड़ें कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, है ना, जमीन में ज़्यादा लंबाई तक जाती हैं वो पानी की तलाश में, इसीलिए ताकि उनको पानी की अवेलेबिलिटी हो सके। ट्री हैव लॉन्ग रूट्स, है ना, पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ मॉइस्चर, है ना, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट जो है, इनकी जो पत्तियाँ हैं वैक्सी होती हैं ना, लीव्स, क्यों, कांटेदार पत्तियाँ, मोम की परत, इसलिए क्योंकि इवेपोरेशन से रक्षा की जाए, जल संचयन कर किया जा सके, वाटर को बचाया जा सके उनके यूज़ के लिए। लीव्स आर मोस्टली पॉइंटेड एंड थॉर्नी, हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एवेपोरेशन, बिल्कुल सही बात है, वाष्पीकरण की दर को कम करते हैं। और ये सारे के सारे कटीले एवं मरुस्थली वन, थॉर्न एंड डेजर्ट फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102nd नंबर का, और इसमें तीन स्टेटमेंट है। पहला ये कि इन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंध से लेकर टुंडा प्रदेश तक की वनस्पति ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पाई जाती है। भैया देखिए सारे के सारे दिखा रहे हैं, उष्ण ट्रॉपिकल एरिया से लेकर टुंडा, ये कहाँ, हिमालय और पर्वत जैसी वनस्पति में होगा, तो आंसर इसका माउंटेन फॉरेस्ट होना चाहिए, जो बी में दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि आर्द्र जो शीतोष्ण कटिबंधी वन है, जो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं, वो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं। हिमालय की बात कर, बिल्कुल सही बात है ना, ये दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि 1500 मीटर से 3000 जो मीटर होंगे, वहाँ कोनल शेप वाले, शंकुधारी वाले जो वृक्ष होंगे वो दिखाई देंगे आपको, है ना। और यही बस तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो पर्वतीय वन के बारे में हैं, है ना, यही तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि जो 1500 से 3000 मीटर की बात करें अगर अपन हिमालय वाले रीजन, टेम्परेट फॉरेस्ट जो है आपका वो कंटेनिंग कॉनिफेरस, मतलब जो आपके कोनीफेरस ट्रीज होते हैं, शंकुधारी वृक्ष होते हैं, वो पाए जाते हैं। किस किस 1500 से 3000 मीटर की बात करें, वहाँ कॉनिफेरस जो है आपके शंकुधारी वृक्ष वो पाए जाएंगे, ठीक है। और ऊपर में आप जाएंगे तो फिर जो है शीतोष्ण घास जो स्थल हैं वो पाए जाएंगे, फिर ऊपर अल्पाइन वनस्पति तक पाई जाती हैं, ये आपको पता होगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, माउंटेन फॉरेस्ट पर्वतीय वनस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन से जो पादप हैं, जो वृक्ष हैं, जो प्लांट हैं, वो उनके मेडिसिनल यूज़ हैं। तो सर्पगंधा का है, अर्जुन का है, कचनार का है, जामुन का भी है ना, और बबूल का भी है, और मैरीगोल्ड का नहीं भैया, गेंदा का नहीं है, ठीक है ना। तो गेंदा का नहीं है आपका, बाकी सबका है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे सर्पगंधा है जो, है ना, सर्पगंधा का पेड़ होता है, तो इसका जो यूज़ किया जाता है ना, औषधि पादप है, इसका जो यूज़ किया जाता है वो ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है, ठीक है। और अगर जामुन की बात करें तो आपको पता होगा डायबिटीज़ वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और अगर अपन बबूल की बात करें तो इससे गोंद वगैरह मिलता है ना, जो शक्तिवर्धक होता है, ठीक है। और इसमें आँखों में जैसे फुंसी वगैरह हो जाती है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। कचनार जो है अल्सर और दमा रोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अर्जुन की बात करें तो ये कान दर्द में इसका उपयोग किया जाता है ना, उस टाइप की बीमारियों में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो आप मैरीगोल्ड को हटा दीजिए, बाकी सबके मेडिसिनल यूज़ हैं, तो 1 2 3 4 5, है ना, तो ये किस में है आपका, बी में है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसमें पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट दिए गए हैं पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण पूछे जा रहे हैं, मतलब जो इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस देखते हैं उसके क्या मेन रीजंस है। तो अत्यधिक शिकार, ओवर पोचिंग, बिल्कुल सही बात है भैया, शिकार करते हैं पूरी पूरी जो फूड वेब है, जो फूड चेन है, वो डिस्टर्बेंस होती है, तो उससे तो इकोलॉजिकल इंबैलेंस होगा ना, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये कि रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट, बिल्कुल सही बात है, इंडस्ट्रियल और केमिकल वेस्ट, आपको पता है कि कोई अगर रिवर वाटर, मतलब रिवर में कोई अगर ऐसा जल राशि आ रही है, कोई ऐसी स्ट्रीम आ रही है जिसमें क्या है, बहुत सारे जो केमिकल्स वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जाता है, तो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, तो वहाँ यूट्रोफिकेशन हो जाता है, सुपोषण जिसको बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर रहने वाले जलीय जीव जंतुओं के लिए क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो इम्बैलेंस हो रहा है, उससे भी बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा हो गया, तीसरा यह कि विदेशी जो प्रजातियाँ हैं उनका प्रवेश, जैसे लैंटेना वगैरह आप देखते हैं, है ना, जो आप गाजर घास बोलते हैं, है ना, वो विदेशी प्रजातियाँ आ जाती, तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर सर्वाइव वही करेगी जो, मतलब ज़्यादा क्या होगी, एडेप्टिव होगी, तो विदेशी प्रजातियों के आने से वहाँ पर जो
स्थानिक प्रजाति है उनके अस्तित्व का संकट पैदा हो जाता है। तो तीसरा जो है कमिंग ऑफ जो फॉरेन स्पीसीज है वो भी बिल्कुल ठीक है। और जो फोर्थ है आपका वनोन्मूलन, फॉरेस्ट एलिमिनेशन, ये तो होगा ही। और नगरीकरण के कारण, नगरीकरण के कारण क्या होगा कि भैया कृषि भूमि को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ बना रहे हैं, रहने के लिए मॉल बना रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट कवर है वो कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इंबैलेंस का कारण है ना, सारे के सारे हैं इसमें से कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल हो जाएगा इसका आंसर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। और ये जो आपका बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, और इसमें लिखा हुआ है पहला कि जैव मंडल निचय की जो निचय बोलते हैं, जैव मंडल निचय बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जैव मंडल रिजर्व भी लिख सकते हैं उसको आप, इसकी संकल्पना 1971 में किसने दी थी, यूनेस्को द्वारा दिया गया था और उसी की एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग जो काउंसिल है उसके द्वारा। तो ये मेनली आप जान लीजिए यूनेस्को के दो प्रोग्राम है, ठीक है, जो अपने यहाँ मतलब एनवायरमेंट को लेके। तो एक तो आपका मैन एंड बायोस्फीयर हो गया और एक आपका CMS है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, है ना। ठीक है, तो उसी में से एक ये है, मैब है। तो ये बिल्कुल पहला जो स्टेटमेंट है ठीक है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व का जो प्रिंसिपल है वो कौन लाया था, तो यूनेस्को ने लाया था 1971 में, है ना, उसकी जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि IUCN की जो श्रेणी है 5 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र हैं कौन से, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो जो IUCN का कैटेगराइजेशन है उसमें 5th नंबर का जो कैटेगराइजेशन है उसके अंतर्गत आता है। दूसरा स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया हैज़ टोटल 18 बायोस्फीयर, ये ठीक है, ऑफ विच 9 आर प्लेस्ड अंडर वर्ल्ड बायो रिजर्व। भारत में जो वर्तमान में कुल 18 जैव मंडल मतलब नीचे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18, उसमें से 9 जो हैं विश्व के जैव मंडल मतलब नीचे में शामिल किए जाते हैं, मतलब जो विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व का जो नेटवर्क है, है ना, वर्ल्ड का जो नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसमें शामिल 9 बता रहे हैं, नहीं अब ये करंट में 11 है। ठीक है, आप नंबर ये क्या है कि NCERT में भी, नई NCERT में भी 10 लिखा हुआ है, तो ये डेटा जो अब कंचनजंगा जो है, पहले अगस्त्यमलाई जब उसमें ऐड हुआ तो 10th नंबर की साइट था और कंचनजंगा जब ऐड हो गया तो आपका 11th नंबर की साइट। तो अब 11 जो भारत के जैव मंडल निचय हैं वो जो हैं वो शामिल हैं विश्व के जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो नेटवर्क है उसमें। ठीक है, तो जो है आपका तीसरा स्टेटमेंट जो है वो बस आपका गलत होगा। यहाँ ऑल इसलिए आंसर दिया गया है क्योंकि पुराने डेटा के हिसाब से आप समझ लीजिए बस कि जो 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें 11 जो है आपके वर्ल्ड बायोस्फीयर जो आपका नेटवर्क है उसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जैसे बाकी आपने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में तो पढ़ रखा होगा, बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व आप देखें डायग्राम के हिसाब से देखते हैं, मान लीजिए ये जो आपका एरिया है इसके अंदर ये कोर एरिया हो गया, ठीक है, फिर ये बफर एरिया हो गया, फिर ये आपका ट्रांजिशन जोन हो गया। ठीक है, तो ये इसमें कोर एरिया होता है, वहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान संरक्षण भी किया जा सकता है, है ना, मतलब R&D वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। बफर जो एरिया होता है वो ये क्या होता है, नेशनल पार्क के बफर एरिया से तो मतलब छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर निगरानी, एजुकेशन, मतलब जन जागरूकता, ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जाता है। और ट्रांजिशन एरिया में यहाँ पर क्या होता है कि आर्थिक गतिविधियां, खनन माइनिंग वगैरह नहीं, लेकिन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं जो नॉर्मली वो की जाती हैं। ठीक है, और मैप जो कार्यक्रम है उसको क्या बोला जाता है, यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है वही है ये मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, मानव और जीव मंडल कार्यक्रम बोला जाता है। और वहीं से ये कंसेप्ट आया था कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, कोर है, बफर है आपका और ट्रांजिशनल फेस है। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा कि 1st नंबर का हमारे यहाँ नीलगिरी था, है ना, मैप के जो वर्ल्ड नेटवर्क में जिसको शामिल किया गया, जो 10 थे पहले वर्ल्ड नेटवर्क में कौन कौन से थे, देखिए अपन देख लेते हैं। नीलगिरी है आपका जो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक जो है तीनों के एरिया में फैला हुआ है, है ना, पहला जो था। दूसरा नंदा देवी है जो उत्तराखंड में है आपका। तीसरा सुंदरवन है आपका वेस्ट बंगाल में। फिर मन्नार की खाड़ी है पाक स्टेट वाली, इंडो और श्रीलंका के बीच में है। नोक्रेक जो है आपका वो कहाँ है, गारो हिल्स में है, मेघालय वाले में। सिमलीपाल जो है वो आपका उड़ीसा मयूरभंज में है। पचमढ़ी जो है आपका सतपुड़ा क्षेत्र है, जो होशंगाबाद वाला एरिया है MP का। ठीक है, इसके अलावा अब 11 जो है कंचनजंगा आपको पता है जो ऐड किया गया है। इसके अलावा जो 8 हैं उसमें आपका हिमाचल प्रदेश लद्दाख वाला एरिया है जो कोल्ड डेजर्ट वाला है, फिर कच्छ वाला है, है ना, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अगर बायोस्फीयर रिजर्व है तो कच्छ है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर मानस है असम में, 3 है, ठीक है, असम में 3 है, कौन सा है, मानस है आपका, फिर आपका डिब्रू साइखोवा है आपका, ठीक है, है ना, 2 है आपके असम में, मतलब 3 निकल गया बाई मिस्टेक, 2 है, याद रखिएगा असम में 2 है। डिब्रू साइखोवा जो है वो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कच्छ हो गया एरिया वाइज है, और मानस और डिब्रू साइखोवा असम में है। अरुणाचल में जो है आपका दिहांग दिबांग है आपका, ठीक है, और शेषाचलम जो हो गया ईस्टर्न घाट वाला आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया, चित्तूर नेल्लोर वाला जो डिस्ट्रिक्ट वाला है, और पन्ना जो है MP का है,
ठीक है, तो ये हो गए आपके। और यूनेस्को का एक प्रोग्राम आपने सुना होगा ना, विश्व विरासत स्थल वाला, विरासत संधि वाला, वो 1972 का है। उसमें नेचुरल, कल्चरल और जो है आपका क्या होता है, जो मिक्सचर होता है, ठीक है ना, वही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपने समझ लिया होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा है कि यूनेस्को के मैप प्रोग्राम की सूची में भारत के कुल 10 जो है बायोस्फीयर रिजर्व शामिल। मैंने आपको बता दिया 11 हो गए, है ना। दूसरा ये कि पहला जो जैवमंडल निचय था वो नीलगिरी था, ठीक है, जिसको 1986 में जो है शामिल किया गया था मैप प्रोग्राम के अंतर्गत, जो वर्ल्ड नेटवर्क में, मैंने आपको बता दिया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, तीसरा ये मैप के तहत शामिल होने वाला जो जैवमंडल है, वो पहला जैवमंडल वो नीलगिरी था। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसके सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ऑल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर सब डिस्कस कर लिया अपन ने। नेक्स्ट वन है, और ये सब अब आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ जोड़ी मिलान, मानस कहाँ था, असम में था, मिला दीजिए। कंचनजंगा कहाँ है आपका, सिक्किम में है, ठीक है। सिमलीपाल जो है आपका वो कहाँ है, उड़ीसा में है आपका, ठीक है। नोकरेक जो है वो कहाँ है आपका, मेघालय में है। अगस्त मलाई कहाँ है, केरला में है, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये कंचनजंगा जो है वो ऐड हुआ है, ठीक है ना, 11th नंबर का वो। तो जो कंचनजंगा है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है, कि कहाँ है आपका, सिक्किम में। तो आपने मिला लिया कि मानस जो है असम में हो गया, मतलब ए का 2 हो गया, ठीक है। और कंचनजंगा बी का क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमलीपाल सी जो है उड़ीसा वाला है, गहीरमाथा वाला इलाका है सिमलीपाल, उड़ीसा है। सी कहाँ है आपका, सी आपका 4 हो जाएगा। नोकरेक जो है मेघालय में है, डी का है जो आपका वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो अगस्त्य मलाई है आपका वो ई का 3 हो जाएगा। तो आप मिला ले 2541 जो आपका, और अगस्त मलाई का 1, ठीक है। तो 25 देखिए आपने मिला लिया होगा, ए का जो है वो 2 है, कंचनजंगा का, बी का जो है वो 5 है, 2 और 5। सिमलीपाल का जो है आपका वो 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, 2 5 4, 2 में है, 2 तो एलिमिनेट कर दिए। नोकरेक जो है आपका 1 हो जाएगा, मतलब डी का जो है वो 1 है ना, डी का आपका 1 है, तो बी आंसर होगा। और जो ई है, अगस्त्य मलाई जो है आपका वो केरला में है, सी का आपका मतलब 3 हो जाएगा, किसका, ई का, ठीक है। जगह समझ लीजिए, आप मिला लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बी हो जाएगा 25413, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की। तो ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपको पता है 1972 में लागू किया गया, ठीक है। और इसके बाद लिखा हुआ है कि वर्तमान में भारत में 104 और जो 544 वन्य जो प्राणी अभयारण्य है ना, जो वाइल्ड लाइफ आपकी सेंचुरी होती है, ठीक है, ये लिखा गया है। तो देखिए अभी जो लेटेस्ट डेटा है, अगर अपन वेबसाइट से बात करें, एनवायरमेंटल जो एनवायरमेंट इनविज वगैरह जो है, उसमें जो है आपका वो 104 तो नेशनल पार्क ठीक है, 544 की जगह 551 दिया गया है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर वो 544 हो जाता है। तो आप डेटा में मत जाइए, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है आपका। तीसरा ये है कि अगस्त्य मलाई जो है यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला 10वां था, है ना, मतलब जो यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क है ना बायोस्फीयर का, उसमें 10th नंबर का हमारा इंडिया का वो बायोस्फीयर रिजर्व था, अगस्त्य मलाई वाला एरिया, ठीक है ना। अगस्त्य मलाई वाला आपको पता होगा एरिया, केरल में अधिकांशता है इसका क्षेत्र, ठीक है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, तमिलनाडु में अगर आप देखें, कन्याकुमारी और जो अब अपना तिरुनवलाई वाला जो क्षेत्र है ना, और तमिलनाडु में कलक्कड़ और मुडुनथुराई भी वहीं पर है, ठीक है। केरला में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं वहीं पर, पेपारा, शेंडोर्नी और नायूर, ठीक है। यहीं की एक जो जनजाति थी कनी ट्राइब, ठीक है, एक जो इन्वेजिव स्पीसीज की बात करते हैं ना, वो वहीं पर है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तीनों स्टेटमेंट्स इसके बिल्कुल ठीक है, और ऑल इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है, सेंसस से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है, जो डेटा वगैरह आप पढ़ते होंगे। पहला स्टेटमेंट है कि वर्ष 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार, जो 2011 की आपकी जनगणना है उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। तो ये बिल्कुल सही डेटा है कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन के 17.7% है, और 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ एस्टिमेटेड नापी गई थी, ठीक है। जो पिछले डिकेड की बात करें, 2001 से 11, 11 में जो जनसंख्या आएगी, 2001 से लेकर 2017 के बीच भारत की जो दशकीय वृद्धि थी वो कितनी थी, 17.7% रही है। 2001 से 11 के बीच में जो मतलब देखा गया है वृद्धि जनसंख्या में दशकीय, 17.7% है, एग्जैक्ट फैक्ट है ये भी स्टेटमेंट सही है। और सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, वो यूपी है। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और करेक्ट बताना था, तो ऑल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन जो है कि
इसमें भी स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला ये कि 1991 से 2001 के बीच में जो मुकाबले 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, बिल्कुल ठीक बात है ये। और दूसरा ये कि भारत का जो लिंगानुपात है वो 2001 के 933 से बढ़कर 2011 में 943 हो गया है, जो दूसरा स्टेटमेंट आपका लिखा गया है। ठीक है, ये भी बिल्कुल आपका ठीक है। और तीसरा जो है कि 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का जो लिंगानुपात है 927 से घटकर 919 हो गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है कि नागालैंड एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या वृद्धि जो थी वो नेगेटिव में थी। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं कि टोटल जो सेक्स रेशियो है वो डिकेड की जो अपनी पॉपुलेशन है, जो सेंसेस है उसके बारे में क्वेश्चन है कि जो सेक्स रेशियो है 2001 से 2011 के बीच 933 से बढ़ के 943 हो गया। तो और जो थर्ड नंबर का है कि सेक्स रेशियो जो 0 से 6 ईयर्स के चिल्ड्रंस में देखते हैं वो डिक्रीज हुआ है, 927 से 919 आ गया है, बिल्कुल सही है। और नागालैंड जो ओनली स्टेट था इस पॉपुलेशन में जब मतलब ये सेंसस के डेटे आया कि वे पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ पे जो रेट थी वो नेगेटिव थी। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। ठीक है, और जो जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 1991 से 2001 के बीच में आप देखेंगे ना तो वो जो था वो 21.54% था, जबकि 2001 से 11 के बीच में आप देखेंगे तो 17.7% रह गई है ना, तो कम हुई है ना जनसंख्या वृद्धि दर जो है। ठीक है, वही था पहला स्टेटमेंट। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, डी में ऑल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और 111 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें भी स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा जा रहा है कौन सा सही है स्टेटमेंट। तो पहला ये कि जो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ है, बिहार में है, आपको पता है ये। ठीक है, जो सर्वाधिक घनत्व है ये लगभग 1106 है, ये डेटा बिहार का जो जन घनत्व है सर्वाधिक है। दूसरा ये कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 है डेटा, केरल के पास मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेक्स रेशियो है। ये सब डेटा की बात करें 2011 की। सर्वाधिक जो साक्षरता दर राज्य है वो केरला है, 96% अराउंड। ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, और इसमें बताना क्या था कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 112 नंबर का, और इसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला ये कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व तो था ना वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब 382 जो पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि भारत की जो टोटल लिटरेसी रेट है वो अराउंड 73% है, अराउंड 73%, ये बिल्कुल ठीक है दूसरा डेटा भी। तीसरा ये कि फीमेल लिटरेसी जो है 80.90% और पुरुषों की 65.60, उल्टा लिखा है भैया, आप वैसे भी सिंपली रिकॉग्नाइज कर ले जाएंगे। तीसरा जो स्टेटमेंट है वही गलत है और असत्य ही बताना था, आंसर सी। लास्ट वन जो है कि जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है, देखिए दशकी पढ़ लिए, जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर थी 1.64 है, और वैसे भी अगर आप निकाल लेंगे कि 17 / 10 तो वो लगभग उतना ही आ जाएगा। तो 1.64% ये भी बिल्कुल सही है कि ईयरली जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 1.64% था। ठीक है, तो जो महिलाओं की लिटरेसी रेट है वो आपकी 65.60 है और जो मेल्स की है वो 80.90 है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है, आंसर आपका सी हो जाएगा क्योंकि गलत बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टेटमेंट है और बताना कौन सा सही। पहला ये कि भारत में जो जन्म दर है, बर्थ रेट है, वो आपकी 20.2 है पर 1000 व्यक्ति में निकालते हैं। जन्म दर किस में निकालते हैं, लास्ट वीडियो में भी देखा था अपन ने, पर 1000 में जो लाइव बर्थ होती हैं तो 20.2 है हज़ार में, 2017 के डेटा के हिसाब से। और 2017 का ही डेटा है कि इसके अनुसार जो डेथ रेट है, जो मृत्यु दर है, वो पर 1000 6.3 है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा ये कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो रेट है हमारे यहाँ वो 33/1000 है, कितना है ये, 33.1000 है। ठीक है, तो ये भी डेटा बिल्कुल सही है और तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका आंसर आपका डी है, बिल्कुल फैक्चुअल है। सेंसस बिल्कुल ध्यान से देख जाइएगा आप, बिल्कुल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा सही है। पहला ये कि भारत में जो मृत्यु दर है वो जन्म दर से अधिक है। नहीं भैया, अब तो हेल्थ की और पेइंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ रही है, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ गई, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामाजिक अवसंरचना, उसका विकास होने से जो मृत्यु दर है वो और भी कम हुई है, अधिक नहीं है, इसलिए तो पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो पहला ये कि इंडियाज डेथ रेट इज मोर देन बर्थ रेट, ये आपका जो पहला है स्टेटमेंट ये गलत है। ठीक है, पहला ही स्टेटमेंट। और दूसरा यह है कि भारत में जो औसत आयु है 2019 में बढ़कर 68.7 वर्ष हो गई, बिल्कुल सही है ना, यही तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया दूसरा, कि ये जो है भैया बर्थ हमारे यहाँ औसत आयु भी बढ़ गई है। ठीक है, 68.7 वर्ष हो गई है, तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तीसरा ये कि शिशु जो मृत्यु दर है अभी भी भारत में कमी नहीं हुई है। नहीं भैया, अब कमी आई है, 33/1000 हो गई है, पहले ज़्यादा थी। तो तीसरा जो है वो भी स्टेटमेंट गलत है,
और जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, केवल दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसमें ओनली टू बी में दिया गया है, सही पूछ रहा था इसलिए ओनली टू बी इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है नाइन्थ की एनसीईआरटी का, इसमें 115 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें स्टेटमेंट दिया गया है और पूछ रहा है कौन सा कथन आपका सही है। तो पहला ये कि भारत में जो अधिकतर प्रवास है भैया, जो माइग्रेशन है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि गाँव से शहर की ओर क्यों, वहाँ अवसर है, रोजगार है। अब ये गाँव में है, खेती कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा अवसर नहीं है, सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट देखते मौसमी बेरोजगारी, तो उस तलाश में शहर की तरफ जो ज्यादा अवसर होंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा सैलरी, तो वहीं तो माइग्रेशन बढ़ेगा। ये डेटा जो सीधे आप देखेंगे तो दिखाई देगा किसमें, सर्वे में हमारे। दूसरा ये ग्रामीण क्षेत्रों में कर्षण प्रभाव जो लिखा हुआ है, देखिए जो कर्षण प्रभाव होता है ना उसकी इंग्लिश आपकी पुल है। देखिए इंग्लिश में देखते हैं, इन इंडिया मोस्टली माइग्रेशन इज डन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन, ये समझ में आ गया। दूसरा पुश फैक्टर इज प्रोमिनेंट इन रूरल एरियाज, देखिए ये सही है लेकिन जो हिंदी में लिखा है वो सही, यहां पर क्या टाइपिंग मिस्टेक, ये पुल फैक्टर है, ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ, पुल फैक्टर इज प्रोमिनेंट इन रूरल एरियाज। और जो चौथा है शहरी क्षेत्रों में अपकर्षण प्रभाव, तो वहां लिखना चाहिए पुश फैक्टर इज प्रोमिनेंट इन अर्बन एरियाज, है ना, ठीक है। जो अपकर्षण, देखिए हिंदी में यहाँ पुश और पुल ही पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि पुश फैक्टर मतलब धकेलने वाला जो है उसको बोलते हैं अपकर्षण, ठीक है, और एक होता है आपका पुल फैक्टर जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब कर्षण अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप अपने से दिमाग लगाइए, समझिए कि पुश धकेलेगा कौन, अरे भैया गांव धकेलेगा, गांव में इतनी नहीं है योगदान, ठीक है, और खींचेगा कौन, शहर खींचेगा, तो शहर में माइग्रेशन का जो ज़्यादा कारण है, जो कारण है वो पुल है ना, वो खींच रहा है और गांव धकेल रहा है, तो पुश फैक्टर किसके किसके संदर्भ में आएगा, रूरल एरियाज में, और अर्बन के एरियाज के हिसाब से पुल फैक्टर आएगा, ठीक है, ठीक है ना, मतलब शहर अपनी तरफ खींचेगा और गांव अपनी तरफ से धकेलेगा, वैसा है पुश पुल, बिल्कुल डायरेक्टली प्रैक्टिकली को आप को रिलेट करेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे इन टेक्निकल टर्म्स को, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे और हिंदी के हिसाब से इसमें जो आंसर होगा दूसरा और तीसरा उल्टा दिया गया है, ओनली वन ए इसका आंसर हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे।